21वां दिन हमास के हमले का न्यूज 18 इंडिया 19 दिनों से लगातार आपको इजराइल के हर कोने से खबर दिखा रहा है न्यूज 18 इंडिया। हम नीरज कुमार और हमारे कैमरा पर्सन, अगर आप हमें देख रहे हैं तो वो हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह की वजह से, और इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं इजराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव से। जो राजधानी मुख्य तौर पे है प्रशासनिक वो तो जेरूसलम है, लेकिन इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं तेल अवीव से, और तेल अवीव से हम लोग जा रहे हैं दक्षिण गाजा की तरफ, यानी उत्तर दक्षिण गाजा की तरफ जा रहे हैं, यानी इजराइल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां गाजा है, एक छोटा सा कोना है कह सकते हैं इजराइल के कोने पर। लेकिन गाजा की तरफ से हमास ने जो किया है वो हम आपको बताएंगे भी, लेकिन इस वक्त आपको दिखा रहे तेल अवीव। तेल अवीव कभी कभी हमारे देश के मुंबई जैसा लगता है, मुंबई भी भारत की आर्थिक राजधानी है और तेल अवीव भी इजराइल की राजधानी है। और हमें तो किसी ने बताया कि क्योंकि दोनों शहरों में एक रूपता इसलिए दिखती है क्योंकि एक ही इंजीनियर ने मुंबई और इजराइल के जो तेल अवीव को बनाया है वो एक ही इंजीनियर ने बनाया है, कुछ एक ही इंजीनियर की टीम के लोगों ने दोनों शहरों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और एक और रिश्ता है, भारत के कई शहरों से रिश्ता है, मुंबई के ज्यूज बहुत बड़ी संख्या में आपको इजराइल में मिलेंगे, हमें बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं, 1 लाख के करीब उनकी संख्या है टोटल ज्यूज की जो भारत से आए थे। और इधर करम आप इधर भी दिखा दे, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर ही गाजा इजराइल लेबनान को जोड़ता है तटों पे। अगर आप यही भूमध्य सागर के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो यहां से करीब 70 किलोमीटर के बाद गाजा आ जाएगा। और कुछ खबरें जो आपने देखे कि आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं इसी भूमध्य सागर के जरिए करते हैं, जो आपको हमारे दाईं तरफ दिख रहा है, यहीं से आतंकवादी कोशिश करते हैं, यहां से नहीं बल्कि गाजा और इजराइल के बॉर्डर पे जो कि दक्षिणी हिस्सा है। अब हम आपको बताते हैं, आज हमारे पास मैप भी है और कैमरा पर्सन करम से कहेंगे इजराइल का पूरा मैप है, लेकिन हम सिर्फ आपको उस हिस्से पे बताते हैं इस वक्त हम लोग कहां हैं। इस वक्त हम लोग देखिए यहां है तेल अवीव, ये तेल अवीव है, सेंट्रल इजराइल कह सकते हैं, भूमध्य सागर के बीच में है, हम लोग यहीं पे मौजूद है, हमारी गाड़ी एक ट्रैफिक पे इस वक्त खड़ी है। पिछले 19 दिनों का हाल या 21 दिनों का हाल हम बताए, यहां से हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, इस रास्ते से देखिए, इसी रास्ते से इधर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, यहां से तेल अवीव से निकले इधर 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 इस तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, ये दक्षिण का इलाका है और यहां से शुरू हो जाता है गाजा। ये पूरा बहुत छोटा सा हिस्सा है गाजा, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जिसका जिला गाजा से छोटा हो, केंद्र शासित प्रदेशों के जो जिले हैं वो गाजा से छोटे जरूर हैं, जैसे माहे हो गया, दिल्ली के ज्यादातर जिले गाजा से छोटे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के जिले गाजा से बड़े हैं। 385 स्क्वायर किलोमीटर महज जिसकी इसका क्षेत्र पर है, लेकिन आबादी 23 लाख के करीब है, बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। ये बॉर्डर है यहां से लेके, देखिए यहां से लेके यहां तक हम इस वक्त गुजर रहे हैं तेल अवीव से, लेकिन आपको बता दें कि हम जा किधर रहे, हम यहां आज जा रहे हैं, तेल अवीव यहां है और यहां से इस रास्ते होते हुए ऐसे ऐसे ये नेटिवोट है, हम एक गाजा के गांव की तरफ बढ़ेंगे, ये नेटिवोट है, माफ कीजिएगा, इजराइल के गांव की तरफ जो गाजा के बॉर्डर पे, यहां हमें बुलाया गया है और यहां से फिर हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे, गाजा की सीमा के करीब बढ़ेंगे। और आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बता दें, आपने तमाम खबरें हमारे साथ देखी है, न्यूज 18 इंडिया के साथ देखी है, न्यूज 18 इंडिया आपको लगातार बताता रहा है कि कैसे हमला हुआ। ये फार आ जाए, अगर कैमरे पे दिख रहा हो करम आपको दिखा पा रहे हो तो बेरी, ये बेरी और इसके आसपास रेम, ये तीनों एरिया एपिसेंटर था, बहुत यहां से करीब है, महज 800 मीटर से 1-2 किलोमीटर की दूरी होती है। लेकिन इस बीच आपको तेल अवीव दिखा देते हैं, तेल अवीव में कुछ गाड़ियां आपको दिख जाएंगी क्योंकि ये इजराइल के सुरक्षित शहरों में से जाना जा रहा है। दक्षिण का जो शहर है एश्केलोन, अशडोड, वो बहुत संकट के शहर है, वहां खतरा ज्यादा है। जेरूसलम इजराइल के पश्चिम में है, वहां भी खतरा कम है, लेकिन वेस्ट बैंक क्योंकि नजदीक है तो वो तीसरा फ्रंट कभी भी हो सकता है। तो अब यहां से हम लोग बढ़ चुके, आप देख सकते हैं तेल अवीव, आज फ्राइडे का दिन होता है और फ्राइडे हाफ डे होता है, यहाँ फ्राइडे और सैटरडे सब बात होता है ज्यूज के अपने उनके समुदाय में, तो शनिवार को कोई काम नहीं करता, हमें ड्राइवर भी नहीं मिलते ज्यूज समुदाय के, कोई बहुत मुश्किल से कई बार मिलता है, और दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट
एक्सपेंसिव देश भी है और ये शहर भी है। आपको बता दें, ये देख सकते हैं सन्नाटा पूरा पसरा हुआ है इस वक्त, और 19 दिनों में क्या कुछ हुआ है एक बार आपको वो भी बता दें। तेल अवीव में कई रॉकेट दागे गए, आज से महज 2 दिन पहले शाम को 5 बजे एक के बाद एक 100 रॉकेट तेल अवीव और उसके आसपास जो बेन गुरियों एयरपोर्ट है तेल अवीव से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर, इन इलाकों में दागे गए। कुछ गिरे, ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया। हम हाईवे पे थोड़ी देर में पहुंचेंगे और आपको बताएंगे ये रास्ता जो है गाजा की तरफ जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया आपको गाजा की तरफ ले जा रही है और गाजा के बारे में हमने आपको मैप में समझाया। दरअसल इजराइल ने कई फ्रंट खोल रखा है। एक दूसरा फ्रंट आपको दिखा दें, गाजा की तरफ बढ़ रहे, लेकिन उस फ्रंट के बारे में भी बता दें। ये देखिए, ये पहला फ्रंट दक्षिण का जो गाजा करम सिंह ने आपको दिखाया कैमरे पे, ये दूसरा फ्रंट है, ये दूसरा फ्रंट है लेबनान, ये दूसरा फ्रंट है। सीरिया के ईरान के कुछ ईरान के मिलिशिया पे आज अमेरिका ने हमला किया, वो सीरिया इधर है, सीरिया के कैंप पे हमला किया। ये जॉर्डन है, लेबनान सीरिया इधर है, जो कि इस मैप में नहीं दिख रहा, ये सीरिया समझ सकते हैं, जॉर्डन और नीचे यहां इस तरफ नीचे जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे मिस्र, ये मिस्र है, इजिप्ट जो कि इस मैप में पूरा नहीं है, और ये गाजा है। वेस्ट बैंक के बारे में जो आप लोग बात सुनते हैं, वेस्ट बैंक क्योंकि गाजा और वेस्ट बैंक को मिलाकर फिलिस्तीन बनता है, लेकिन दोनों के बीच में दूरी, आपको हिंदुस्तान के तरीके से समझाते हैं, जब पाकिस्तान एकजुट था यानी बांग्लादेश और 1971 से पहले पाकिस्तान एक था, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो एक को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, एक को पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से भी हम लोग जानते थे। तो पश्चिमी जो हिस्सा है वो कह सकते एक हिस्सा एक तरफ है और पूर्वी हिस्सा एक तरफ है। तो ये है वेस्ट बैंक और गाजा, तो ये आपको मैप के जरिए समझा दिया। अब आपको चलते हैं 19 दिन के बारे में बताते हैं। दरअसल ये रास्ता हम बढ़ रहे हैं गाजा की तरफ, थोड़ी देर बाद महज आधे पौन घंटे के बाद हम गाजा की तरफ पहुंच जाएंगे, उसके बॉर्डर पे पहुंचेंगे। आज हमारा मकसद है कि ये कैसे गांव तक पहुंचे जो सबसे करीब है। पिछले 20 दिनों में हम वहां इसलिए नहीं जा सके, कभी लेबनान बॉर्डर, कभी बेरी, कभी रेम, कभी एसडेरॉट, तमाम जगह की खबरें आप तक ला रहे थे हम और करम सिंह, लेकिन ये रास्ता देखिए, ये जो गाड़ियां दिख रहे हैं, आपको एक और चीज बता दें, हमारे एंकर ने हमसे पूछा कि सड़कों पे गाड़ियां बहुत दिखती हैं, इन गाड़ियों में हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे हों जो रिजर्व ड्यूटी के लोग हों, जो रिजर्व ड्यूटी में जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुरुद्वारे में लंगर के लिए जो बहुत युवा आते हैं, आधे एक दो घंटे अपनी सेवा देते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह से रिजर्व फोर्स के लोग, हर घर से कोई ना कोई जवान है यहाँ, जो इस वक्त में युद्ध की घोषणा हो चुके, वो 8 घंटे के लिए या कुछ घंटे के लिए जाएगा, वो अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर देगा, अपनी ट्रेनिंग लेगा और उसके बाद वो आ जाएगा, सेना में जाके अपनी सेवाएं देगा, उसके बाद आ जाएगा। यानी देश की सेवा का जज्बा पूरे दुनिया के किसी देश में इजराइल जैसा नहीं हो सकता जैसा कि दिख रहा है। और हमेशा ऐसा नहीं कि बाकी लाइफ रुक जाता, अभी लॉकडाउन की स्थिति है, ये देखिए ये सब ज्यादा अभी आपको टेक होम की जो फैसिलिटी है, जो सुविधाएं देते हैं, वो ज्यादा हमको सड़कों पे कई बार नजर आते हैं। ट्रैफिक नियम का पालन यहाँ खूब होता है, लेकिन अब आपको बताते हैं क्या हुआ है पिछले 19 दिनों में। जब हम पहली बार यहाँ पहुंचे 9 तारीख को 10 से 11 बजे के बीच में जब हमारी लैंडिंग हुई थी, तो यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर बेन गुरियों एयरपोर्ट है जो कि तेल अवीव से नजदीक है, वहीं पे सायरन की आवाज आती है और सारे यात्रियों को छुपा दिया जाता है एक शेल्टर के अंदर, और वहीं से हम अपनी पहली रिपोर्टिंग करते हैं यहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर, जबकि तेल अवीव सबसे सुरक्षित है और गाजा के करीब के शहर सबसे ज्यादा खतरनाक इलाके माने जाते हैं सुरक्षा के दृष्टि से। सबको आप लोग कहेगा जो भी इजराइल में आपको मिलेगा, बावजूद इसके कि वो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे, वो जब भी आपको मिलेंगे तो जरूर कहेंगे बी सेफ। तो यहां से हम लोग बढ़ चुके हैं गाजा की तरफ, आपको तस्वीरें दिखा रहे करम सिंह, करम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। भीड़ रहती है, जैसे मुंबई शहर चलता है उसी तरह से ये शहर चलता है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं आज एक तो शुक्रवार की वजह से बहुत कम गाड़ियां हैं, लॉकडाउन की वजह से पहले से ही सड़कों पे कम गाड़ियां हैं, शुक्रवार हाफ दिन के बाद आज हमारे जो पायलट है वो भी, उन्होंने भी कहा कि उन्हें घर जल्दी जाना है, हमारे साथ में मौजूद है। ये देखिए सारी दुकानें आपको बंद होंगी, हम पहले भी इस तरह की रिपोर्ट आपको दिखा चुके हैं, लेकिन गाजा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इजराइल गाजा बॉर्डर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और दक्षिणी गाजा के बॉर्डर की तरफ भी कल हम थे
होली तक किबुज है, किबुज यानी गांव, छोटा समुदाय जहां 85 लोग रहते थे, उन्हें भून दिया गया, ग्रेनेड से उड़ा दिया गया, 14 लोगों की जान ले ली गई। और हर तरफ आपको इजराइल का झंडा दिखेगा, करम ऊपर के इजराइल के झंडे को दिखाई यहां से, ये इजराइल के झंडे आपको जो दिख रहे हैं स्टार जैसे ब्लू और व्हाइट के बैकग्राउंड पे, ये आपको सिर्फ शहर में नहीं हर जगह दिखेगा जहां भी इजराइल का कब्जा है। चाहे वेस्ट बैंक की तरफ हम गए थे, वेस्ट बैंक के साइड में गए थे और वहां के बॉर्डर पे देखे, वेस्ट बैंक और इजराइल के बॉर्डर पे, वहां इस तरह के इजरायली झंडे आपको देखने को मिल रहे थे। चाहे आप गाजा और मिस्र के ट्राइजंक्शन पे जाते, इजराइल के ट्राइजंक्शन पे जाते, वहां देखने को मिल रहा था। लेबनान बॉर्डर पे जब हम गए, इजराइल लेबनान बॉर्डर पे, वहां यह देखने को मिला। मेतुला जो कि सबसे उत्तर का गांव है, वहां जब पहुंचे तो वहां इस तरह के झंडे आपको देखने को मिलेंगे। तो इजराइल इस वक्त पूरे युद्ध की स्थिति में है। हम कह सकते हैं कि तेल अवीव क्योंकि सेंट्रल में है, हमास कोशिश करता है कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि आयरन डोम उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद है उन मिसाइलों से। और क्योंकि जब गाजा से 70 किलोमीटर की दूरी पर, तो मिसाइल के पहुंचने में करीब करीब 1 मिनट का वक्त लगता है, तो आयरन डोम का भी रिस्पांस टाइम होता है 1 मिनट का होता है, यानी वक्त ज्यादा मिलता है। अगर एस्केलोन जो कि बिल्कुल 10 किलोमीटर की दूरी पे है गाजा की सीमा से, अगर एस्केलोन पे मिसाइल मारा जाता है तो 30 सेकंड का वक्त मिलता है आयरन डोम को महज। और लोगों को अपने आप को छुपाने के लिए भी, जैसे अगर मान लीजिए, आपको बता दे एक अपना खुद का वाकया भी हम बताएंगे, इसी तरह की एक सड़क से हम गुजर रहे थे, आ रहे थे उस दिन दक्षिण गाजा की तरफ से तरफ, तो अचानक से कई सायरन की आवाज आती है और इन्हीं सड़कों पे तमाम गाड़ियां, ये चलती हुई गाड़ियां जो आपको दिख रही है, एक के बाद एक रुक जाते हैं और हम लोग बिल्कुल सो जाते हैं। जो यहाँ का प्रोटोकॉल है, जो यहाँ का सेफ्टी प्रोटोकॉल है, तमाम लोग सड़कों पे सोए हुए मिलते हैं। इस तरह की स्थिति भी पैदा होती है बीच बीच में। आमतौर पर दोपहर के बाद तेल अवीव पे हमला करता है मिसाइल से हमास, लेकिन सुबह में हमला कम करता है। लेकिन आज शुक्रवार का दिन है, आज जो हॉट एरिया है उसके बारे में बता दें, वेस्ट बैंक का एरिया हॉट रहेगा, जहां रमल्ला है वहां जाना थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है। हमने एक दौरा किया था रमल्ला, जो कि आज की तारीख में राजनीतिक राजधानी है वेस्ट बैंक की, वहां लोग प्रोटेस्ट करते हैं। इसके अलावा जेरूसलम, पिछले शुक्रवार को जेरूसलम में हम लोग मौजूद थे, जहां अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना करने को लेकर लगातार इजरायली सेना और अरबिक मुस्लिम समुदाय के लोगों में झड़पें होती रहती है। 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को सिर्फ आज शुक्रवार को वहां जाने की इजाजत होती, प्रार्थना करने की, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और यहां के बॉर्डर से, यानी गाजा और इजराइल के बॉर्डर से, तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। 7,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 1400 से ज्यादा लोग इजरायली साइड मारे गए, 7,000 से अधिक लोग गाजा वेस्ट बैंक की तरफ टोटल मिला के मारे गए हैं। इसके अलावा 1400 से ज्यादा 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था वहां मारे गए थे ज्यादातर लोग बॉर्डर पे, जिसमें सैनिक, विदेशी नागरिक, यहूदी, सीमा पर रहने वाले लोग, ज्यादातर किबूज के लोग मारे गए थे। लेबनान बॉर्डर पे जो हमला किया है, लेबनान बॉर्डर पे हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में जो लड़ाई हो रही है, उसमें भी हिजबुल्ला के कई आतंकवादी मारे गए हैं, सोल्जर भी मारे गए हैं। इजराइल और लेबनान बॉर्डर पे गलीली अस्पताल हम आपको लेकर गए थे, कैसे वो बंकर अस्पताल में तब्दील हो गया है, तो लगातार आपको हर चीज वो बता रहे हैं। 20 दिन में इजराइल ने एक बड़ा रेड किया, बड़े रेड में कई बड़े ठिकाने उनके ध्वस्त किए। दरअसल इजराइल की सरकार पे दबाव है कि वो जल्दी से जल्दी, दबाव यहाँ के लोगों की तरफ से कि जल्दी से जल्दी जमीनी आक्रमण करे, यानी वो अंदर की तरफ घुस जाए। लेकिन इजराइल चाहता है कि वो धीरे धीरे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करे, क्योंकि 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इजराइल नहीं चाहता कि अब एक भी जवान की जान जाए, इसीलिए सारे एरिया को, जो 51 किलोमीटर की सीमा, आपको बता दें कि गाजा की लंबाई उत्तर से दक्षिण 41 किलोमीटर है, चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर है, और जो इजराइल से सीमा लगती है गाजा के उत्तरी इलाके से लेके गाजा के दक्षिणी इलाके तक, जहां मिस्र, इजराइल और गाजा मिलते हैं, उसकी लंबाई 51 किलोमीटर है बॉर्डर की। बॉर्डर के नजदीक बहुत सारे शहर हैं, उनके बारे में आपको बता दें, जैसे एस्केलोन, एस्डोड,
अशदोद 10 किलोमीटर से बाहर है, तो 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है वो। एसडेरोट 800 मीटर की दूरी पे है गाजा से। एसडेरोट जहां पुलिस थाने पे कब्जा कर लिया था हमास के आतंकियों ने और थाने को ही उड़ा दिया था और बाद में आर्मी की सेना आई से हमास के आतंकवादियों को ढेर किया। इसके अलावा उफाकीम, नेटिवोट, खेरेम शलोम, गांव फाराजा, रेम, बेरी, निराम, निरिम, जिकीम बीच पर बहुत बड़ा हमला किया गया था। उफाकीम, ये सब बॉर्डर एरिया है। और एक बॉर्डर है जहां से पहले 7 अक्टूबर से पहले इरेज बॉर्डर और नॉर्दर्न साइड इरेज बॉर्डर है जहां से फिलिस्तीन के लोगों को यानी गाजा के लोगों को इसराइल के अंदर आने की इजाजत थी। हम अभी वेस्ट बैंक की बात नहीं करें, गाजा की बात करें। गाजा वेस्ट बैंक से बिल्कुल दूर है, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में है, भूमध्य सागर और इसराइल के बीच में है। और दक्षिणी सीमा जो है जिसे राफा बॉर्डर वहां आता है वो मिस्र से लगता है, राफा बॉर्डर से ही मानवीय सहायता पहुंच रही है। तो इसराइल अभी इसलिए आक्रमण नहीं कर रहा है कि वो अपनी तैयारी ऐसी कर लेना चाहता है ताकि आने वाले वक्त में उस पर सवाल न उठाए। एक बार फिर हम आपको मैप के जरिए बताएंगे। करम, आप देखिए, ये देखिए, हम लोग बाहर निकल चुके हैं तेल अवीव से। तब तक हम मैप खोलते हैं, एक बार फिर आपको बताते हैं क्या कुछ हो रहा है इस वक्त लगातार सीमा पर। ये शहरों के नाम आप देख रही है, मेन हाईवे है, यहाँ बीच बीच में गाड़ी रोक नहीं सकते, रोकेंगे तो तुरंत पुलिस आ जाएगी, पहले तो आपसे पूछेगी। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे आपको, जो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यूं तो प्रेस कहने से ही आपको बहुत डिस्टर्ब नहीं करते, चाहे कोई भी हो, चाहे हम पश्चिमी बैंक की तरफ जाएं यानी फिलिस्तीन में जाएं या फिर इसराइल में रहें, लेकिन अब जब आप इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, तो आपको यहाँ के लोग कहेंगे वी लव इंडिया। इसराइल के लोग कहते हैं वी लव इंडिया। और बस कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का नाम ही एक बहुत बड़ा पासपोर्ट है यहाँ के लिए। और हमारे साथ जो कैमरामैन है उनको देखकर भी उनके पास लोग आते हैं, उनसे भी एक हमारी पहचान बनती है। तो इस तरह से लगातार हम जो कवर कर रहे हैं हिंदुस्तान के नाम पे, भारत के नाम पे, इंडिया के नाम पे, बहुत प्रेम करते हैं। बहुत सारे जवान होते हैं, आपको बता दें, बहुत सारे जो यहाँ मिलिट्री के जवान होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हिंदुस्तान घूमने जाते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में घूमना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा। किसी को आप बोल दीजिए इंडिया तो बोलेगा वो इंडिया, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह की बात वो करते। अब आपको एक बार फिर मैप पे आपको ले चलकर समझाते हैं। देखिए, इस पूरे बॉर्डर पे अभी इसराइल की सेना तैनात है। ये पूरा बॉर्डर 51 किलोमीटर का यहां से लेकर गाजा इसराइल का बॉर्डर है। कुछ एरिया बफर जोन है, कुछ एरिया के आगे हमें भी जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये जो इलाका है, ये यहां ऊपरी हिस्सा, ये जो देख रहे हैं यहां तक उत्तर का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा एरेज क्रॉसिंग है। पहले 7 अक्टूबर से पहले यहीं से होकर गाजा के लोग यहां इसराइल में पहुंचते थे और काम करके लौट जाते थे। हालांकि इसराइल के लोगों का गाजा में जाना नहीं होता था, वो नहीं जाते थे। यहां देखिए कौन कौन महत्वपूर्ण शहर है। गाजा सिटी यहां है, गाजा सिटी उत्तर में है, बेत लहिया है, बेत हनून है। अब नीचे आ जाए एक बार, तो ये इस उत्तर के इलाके में फोकस है इजरायली सेना का। सारे बॉर्डर पे तैनाती बढ़ा दिया, हर जगह हमला किया जा रहा है, लेकिन इस बॉर्डर में, क्योंकि यहां गाजा में हमास के लोगों का दबदबा है, क्योंकि यहां से जब हमला करते हैं, तो जब यहां से हमला करेंगे, मान लीजिए यहां से जब हमला करते हैं तो दूरी कम हो जाती है। जब उत्तर से इन शहरों पे हमला करते हैं जैसे अशडोद, एस्केलोन, तेल अवीव, यहां से जब गोला फेंकेंगे, मिसाइल फेंकेंगे, तो दूरी कम हो जाती है। अगर यहां से फेंकेंगे दक्षिणी इलाके से, तो जहां यहां से आपको गाजा और इसराइल बॉर्डर से आप 2 किलोमीटर की दूरी से गोला फेंक सकते हैं, तो यहां आपको 35 किलोमीटर ज्यादा जाना होगा। तो ये उत्तर के इलाके में हमास का दबदबा अधिक है और इस बॉर्डर को ज्यादा तबाह करने की कोशिश में कल परसों जो बड़ा रेड किया गया है वो इसी इलाके में किया गया है। इस इलाके में कई लोकेशन हमसे साझा नहीं किया गया है, इस इलाके में किया गया। एसडेरोट यहां देख सकते हैं, एसडेरोट महज 800 मीटर की दूरी पे, यहां आपको दूरी जो दिख रही है ये बहुत कम है। एसडेरोट शहर बेत से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन एसडेरोट की बाहरी सीमा जो है वो बिल्कुल बगल में। और ये निराम, अभी हम जिक्र कर रहे हैं, ये निराम है। कभी कभार हम लोग यहां से खड़े होकर भी
अपनी टीवी रिपोर्टिंग करते हैं। नीरा, हम बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, यहाँ से आगे अंदर हमें नहीं जाने दिया जा रहा, यहाँ से आगे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और तमाम बॉर्डर का यही हाल है। तो ये है यहाँ का लेबनान बॉर्डर पे भी लगातार हिजबुल्ला और इसराइल के बीच वॉर जारी है। 20 से ज्यादा शहरों को, करीब 30 शहरों और गांव को खाली करा दिया गया है। और एक बार आपको मिडिल ईस्ट के बारे में बता दें, मिडिल ईस्ट में क्या स्थिति है, देखिए मिडिल ईस्ट का भी मैप है हमारे पास, उसमें अगर आपको बताएंगे तो ज्यादा सहूलियत नहीं हो पाएगी। मिडिल ईस्ट का अंदर मैप है, ये मिडिल ईस्ट है, अगर हम थोड़ा क्लोज होकर दिखा सकते हैं तो दिखाए, मिडिल ईस्ट के ये तमाम देश है, उनकी राजधानियां हैं, और यहाँ एक छोटा सा देश इसराइल है। इसराइल यहाँ है, छोटा सा बिल्कुल देश, और जब भी इसराइल में कुछ होता है तो यही चर्चा होती है कि पूरे मिडिल ईस्ट में लड़ाई भड़क सकती है। और आज जो आपको एक चीज और बता दे, जो आज सीरिया यहाँ है, सीरिया, लेबनान इधर है, लेबनान, और जो आज हमला किया है सीरिया में, अमेरिका ने हमला किया है सीरिया में, जहाँ ईरानी मिलिशिया का ये था, ईरानी मिलिशिया के जो कुछ कैंप थे उन पे हमला करके, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 22 अमेरिकी घायल हुए थे इस तरह के हमले में। तो इस वक्त हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अश्डोड, विच साइड, विच सिटी, अश्डोड की तरफ बढ़ रहे हैं। अश्डोड में है जो 20 किलोमीटर के लमसम होगा, जो एस्केलोन से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 20 किलोमीटर की दूरी पे है, हम एस्केलोन की तरफ बढ़ रहे हैं। एस्केलोन शहर में आज हमें हमारे जाने का प्लान नहीं है, नेटिवोट जाएंगे, नेटिवोट से हम आगे की यात्रा करेंगे। और देखिए ये जो गाड़ियां आज आपको दिख रही है, इसमें से ज्यादा लोग सिविल डिफेंस होंगे, जो रिजर्व ड्यूटी पर रहते हैं। इसराइल में 4.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो रिजर्व ड्यूटी में रहते हैं, जिनको आर्मी की ट्रेनिंग रहती है, और जब भी युद्ध की स्थिति होती है वो थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके युद्ध में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा IDF के फोर्सेज हैं, जो हमेशा आर्मी में अपनी ड्यूटी देते रहते हैं। तो 3 लाख लोग आ चुके हैं रिजर्व ड्यूटी में, और एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि इनमें बहुत कार में हो सकता है कि रिजर्व ड्यूटी के लोग होंगे जो जा रहे होंगे बॉर्डर पे, अपनी गाड़ी ऐसे पार्क करते हैं कि जैसे हिंदुस्तान में हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, जिम में जाते हैं, या अपने ऑफिसेज में जाते हैं, गाड़ी बाहर पार्क करते हैं और ड्यूटी करने लगते हैं। तो इनका वही हाल इस वक्त है वॉर की स्थिति में, ये अपनी गाड़ी पार्क करेंगे आर्मी के बेस पे जहां इनकी ट्रेनिंग चल रही होगी, वहां 7-8 घंटे की, जितने घंटे की सेवा देनी होती है वो सेवा देंगे और अपने घर लौट आएंगे। लगता ही नहीं है कि इनके घर से अगर कोई पहले भी शहीद हो चुका है तो इनके जज्बे में कोई कमी नहीं रहती। इजराइल ये सिखाता है, यहाँ के लोग ये सिखाते हैं कि जज्बा कैसे पैदा किया जाता है अपने देश को लेकर। किबुज में इतने हमले हो चुके हैं, किबुज में इतने हमले हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दें अभी भी लोग कहते हैं इजराइल के लोग कि वो जाना चाहेंगे किबुज में। प्लीज विंडो अप, ऑल विंडो। तो आपको ये हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, आवाज में प्रॉब्लम आ रही होगी, बाहर की गाड़ी की आवाज आ रही है। और ये देखिए अश्डोड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नेटिवोट की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत गाड़ियां चलते हैं इस हाईवे पे, क्योंकि 400 किलोमीटर की लंबाई में लगभग है, और जो इजराइल है उसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर मैक्सिमम चौड़ाई लंबाई 400 किलोमीटर है, लेबनान बॉर्डर से लेके इधर मिस्र के बॉर्डर से जहां रेड सी है उस तरफ डेड सी भी है, हालांकि डेड सी वेस्ट बैंक के बगल में है। और फिर चौड़ाई की अगर बात करें तो मध्य में सबसे ज्यादा चौड़ाई है, उसके अलावा मध्य के दक्षिण में थोड़ी सी ज्यादा चौड़ाई है, तो मैक्सिमम चौड़ाई 100 किलोमीटर है। बहुत छोटा देश है, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है, और बहुत विवादित एरिया है, तो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर से लेकर 27,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का दावा किया जाता है। और इस वक्त ये तस्वीरें बस आपको दिखा रहे हाईवे की, जैसे जैसे आप बॉर्डर की तरफ जाएंगे गाड़ियों की संख्या कम होती जाएगी। कल जब हम एक गांव में गए थे GPO के साथ, जो कि यहां का सरकारी प्रेस विभाग है, उनके साथ गए थे, तो सिर्फ हमारी बस नजर आ रही थी उस सड़क पे, और इसके अलावा जो हमें स्कॉट कर रही थी गाड़ियां। अश्डोड आपको बीच बीच में लिखा हुआ दिख रहा होगा, अश्डोड आने वाला है, दक्षिण का शहर है, भूमध्य सागर के तट पे है, उसके आगे एस्केलोन आएगा, एस्केलोन से थोड़ा सा बगल में एस्डेरोट है, जो कि समंदर की सीमा पे नहीं है, सागर की, भूमध्य सागर की सीमा पर नहीं है। लगातार न्यूज 18 इंडिया आपको
पिछले 19 दिनों का हाल बता रहे हैं। लेबनान बॉर्डर पे क्या चल रहा है वो भी आपको एक बार बता दे, क्योंकि दक्षिण के बारे में तो हम लगातार आपको बता रहे हैं। दक्षिण के लेबनान बॉर्डर पे इस वक्त लेबनान बॉर्डर पे जो 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन है, लेबनान और इजराइल के बीच 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन है। हालांकि अभी भी बहुत एरिया विवादित है, लेकिन 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन है और 120 किलोमीटर की सीमा पर पहाड़ी इलाका है, मिडिल हाइट हिली एरिया है, यानी मध्यम आकार के पहाड़ी दोनों देशों को बांटती है। जितने भी शहर, जितने भी गांव फार युवाल है, फार युवाल KFARYUVAL, केरल के जूज, केरल से जो यहूदी आए थे उन्होंने उस गांव को बसाया था। हम वहां पहुंचे तो वो गांव बिल्कुल खाली था, सामने बैरिकेडिंग की गई थी, अंदर कोई मौजूद नहीं था, और वो एक ऐसा स्पॉट था जहां से लेबनान आपको साफ दिखता है। इसके अलावा लेबनान के उत्तर में एक गांव है मेतुला, मेतुला की आबादी 1500-1600 लोगों की है महज, लेकिन वो भी गांव खाली है। वो तीन तरफ से, यानी अगर 360 डिग्री उसको सर्किल करें तो 270 डिग्री उसका लेबनान से घिरा है, सिर्फ 90 डिग्री इजराइल से घिरा। उस गांव भी हम पहुंचे थे, किरियात समोना, जहां की आबादी 24,000 किलोमीटर है, उस शहर को खाली करा दिया गया। वहां भी एक युवक से हमारी मुलाकात हुई थी जो अपने चार बच्चों के साथ जेरूसलम की तरफ शिफ्ट हो रहे थे युद्ध की वजह से। उन्होंने कहा कि वो अपने इस शहर में लौटेंगे जरूर। वहां का टेरेन, लेबनान का टेरेन यानी स्थलाकृति जो है लेबनान और इसराइल बॉर्डर की, और दक्षिण का टेरेन, दक्षिण का इलाका मैदानी है। जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तेल अवीव से लेबनान की तरफ, तो पहाड़ की तरफ बढ़ते जाएंगे, और पहाड़ों पर जंगल बहुत कम होता है। ऐसा नहीं होता कि जंगल हो, जैसे कश्मीर की पहाड़ियों में आपने देखा होगा, वहां या तो बर्फ मिलेगा, या फिर हिमाचल की पहाड़ियों में देखा होगा, उत्तराखंड की पहाड़ियों में देखा होगा, वहां अलग अलग पेड़ होते, लेकिन यहां वैसे पेड़ कम दिखने को मिलते, झाड़ियां छोटी मोटी देखने को मिल जाएंगी। न्यूज 18 इंडिया बढ़ रहा है, इधर से जेरूसलम का भी रास्ता कटता है। सामने में देखिए जो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, जहां अल अक्सा मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना को लेकर लगातार अरबिक समुदाय के लोगों और इजराइल के आर्मी के बीच झड़पें होती रहती है। जेरूसलम इजराइल के पश्चिमी हिस्से में, माफ कीजिएगा, पूर्वी हिस्से में है, और जेरूसलम से ही वेस्ट बैंक शुरू होता है। गाजा तो बिल्कुल दूसरी तरफ है, लेकिन वेस्ट बैंक का जो इलाका है, जो फिलिस्तीन, जो है आपको बता दें, जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक देख रहे हैं, फिलिस्तीन दो इलाकों से मिलकर बनता है, एक वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा। गाजा बिल्कुल छोटा है जहां हमास का दबदबा है, वेस्ट बैंक बड़ा है जहां हमास का प्रभाव कम है। लेकिन वेस्ट बैंक के लोगों से हमारी बातचीत हुई, वो भी हमास के समर्थन में थे। देखिए, आतंकी गतिविधियों को, आतंकी कृत्य को अंजाम दिया। एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बता दे, अभी महज दो दिन पहले यानी परसों हमें 43 मिनट का एक वीडियो दिखाया IDF ने, वो वीडियो जारी नहीं किया गया, अंतरराष्ट्रीय मीडिया को दिखाया गया। ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसे ऐसे फुटेज, ऐसे ऐसे ऑडियो उसमें देखने को मिले कि आप एक मानव के लिए या एक इंसान के लिए उसे देखना बहुत ही दर्द भरा था, आपको रोक देता, ऐसा आपको महसूस करा था कि किसी तरह से आप बाहर निकल रहे हैं। ऐसी विभस तस्वीरें उसमें दिखाई गई है। इधर से करम एक बार दिखा दीजिए, ये अशडोड है, दिस इज अशडोड, ये अशडोड सामने में शहर है। अशडोड हम कई बार जा चुके हैं, न्यूज 18 इंडिया की टीम कई बार अशडोड की तरफ जा चुकी है, और लेकिन शहर पूरा वीरान मिलता है। किसी भी शहर में चले जाए वहां आपको वीरानगी मिलेगी, वहां आपको वीरानगी देखने को मिलेगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं, ये अशडोड का कि कुछ ऊंची इमारतें हैं वो आपको दिख रहे, बीच में आपको एक ट्रेन लाइन भी गुजरती है, ट्रेन की लाइन भी गुजरती है, वो अभी यहां से हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ट्रेन की सुविधा भी यहां अच्छी है, ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वक्त देखिए, अब इधर से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अशडोड यानी दक्षिण की तरफ हम आ गए हैं, यहां जैसे आगे बढ़ेंगे गाड़ियों की संख्या आपको कम दिखेगी। अभी कुछ दिख रहा है, धीरे 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 गाड़ियों की संख्या कम दिखेगी। जो गाड़ियां दिखेंगी वो डिफेंस स्टाफ की होंगी, रिजर्व डिफेंस के लोगों की होंगी। और न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को एक और खास चीज बता दे, कैसे हमें पता चलता है कि अलर्ट हुआ। एक चीज, जब आप न्यूज 18 इंडिया को लगातार देख रहे, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल और देश के नंबर 1 यूट्यूब चैनल को जब आप देख रहे हैं,
तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आखिर कैसे हम अपनी रिपोर्टिंग भी करते हैं और कैसे लोग यहाँ अपने आप को सुरक्षित जगहों पे ले आते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे हमें मिसाइल अलर्ट मिलता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में, डेढ़ से दो मिनट में। ये देखिए पहले आपको अशडोड दिखा दे, अशडोड दूर से ही पता चल रहा है कि शहर में सन्नाटा है, दूर से ही पता चल जाएगा कि आपको शहर में सन्नाटा है। यहां से महज कुछ दूरी पे एस्केलोन है जहां करीब 1000 की संख्या में अब तक मिसाइल दागे गए होंगे, उस शहर को भी खाली कर दिया गया है, बहुत होटल खाली कराए गए हैं और एस्केलोन में कुछ हिस्से को खाली कराया गया है। अगर लोग घरों में भी हैं तो घर के अंदर ही रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, गाड़ियों से निकलते हैं और दूसरे शहर की तरफ चले जाते हैं। तो अब आपको दिखा, ये रेलवे लाइन आप देख सकते हैं, तेल अवीव से ये रेलवे लाइन आती है, ट्रेन लाइन आती है जो हमारे दाई तरफ आपको दिख रहा है, राइट हैंड साइड हमारे। अब आपको दिखाते हैं ये, हम बार बार करें कि आखिर लोगों को कैसे पता चलता है कि हमास ने कोई हमला किया, मिसाइल दागा है शहरों पे। ये देखिए इस तरह के कई ऐप होते हैं हमारे पास, जो ऐप है जोफार, TZOFAR, ये जोफार ऐप है, इसको हमने डाउनलोड किया है, इसको डाउनलोड किया और डाउनलोड करके ओपन सेटिंग्स में जब आप सेटिंग ओपन करते हैं तो हमने जितने भी शहर हैं इसराइल में, आपको दोबारा से खोलते हैं, ये जितने भी शहर इसमें जो नाम दिख रहे हैं, इसमें तेल अवीव यहाँ दिख रहा है, देखिए अगर दिख रहा होगा तेल अवीव सिटी, कल शाम को 6 बजे तेल अवीव सिटी पे हमला किया गया था, एक साथ कई रॉकेट दागे गए थे। तो जब हमला होता है तो एक सेंसर होता है, सेंसर उसको कैच करता है और जिस शहर पे हमला होता है वहां का सेंसर, उस सेंसर से ये ऐप लिंक है जोफार। अब देखिए जैसे ये गाजा इनवेलप, आज रात को अभी तक आपको बता दे कोई भी मिसाइल, अभी तक सुबह से 10:11 हो रहे हैं, एक रात में मिसाइल छोड़ा गया था 2:51 में, भारत के समय के मुताबिक 3:21 पे, भारत के समय के मुताबिक 5:21 पे और यहाँ के समय के मुताबिक बीती रात 2:51 पे। आज अगर बात करें सुबह से, ये बेरी में छोड़ा गया था, तो कैसे पता चलता है, मान लीजिए बेरी में कोई छोड़ा जाता है मिसाइल तो अलर्ट आ जाता है तुरंत, और हम खुद अलर्ट आता है तो आवाज आती है इसमें, और इसको हम खोल के देखते हैं ओपन करके, तो बेरी, अगर हम बेरी में है तो हम अपने आप को तुरंत शेल्टर ले लेंगे, अगर हम बेरी पे छोड़ा गया और तेल अवीव में है तो शेल्टर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेरी में आपके पास टाइम कम होता है। आपने अगर इसके ऊपर देख रही है गाजा इनवेलप लिखा हुआ है, गाजा इनवेलप से मतलब यह है कि जो गाजा से 7 किलोमीटर के दायरे में जो शहर है, जो गांव है, जो छोटे कस्बे हैं, जो छोटे किबुज हैं, वो उनको इंगित करता है गाजा इनवेलप। पूरे गाजा बॉर्डर से, इजराइल गाजा बॉर्डर पे जो 7 किलोमीटर का दायरा है उसको ये दर्शाता है, जहां 70,000 यहूदी रहते हैं, कुल 1 करोड़ की आबादी है यहाँ इसराइल की, उसमें 70,000 इस गाजा इनवेलप में रहते हैं। तो हमारी तैनाती आमतौर पर डे टू डे होती है इसी गाजा इनवेलप में। तो और अगर हमारे जैसे तेल अवीव में है, रात कल हम तेल अवीव में थे, शाम को जब तेल अवीव में हमला हुआ तो हमने तुरंत शेल्टर ले लिया क्योंकि तेल अवीव का अलर्ट था, और उसके बाद तमाम रॉकेट को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया। तो इस तरह से किया जाता। अब दक्षिण के बहुत नजदीक आ गए हैं, ये देखिए झंडे आपको और बढ़ते जा रहे हैं दक्षिण की तरफ, झंडे कई इलाकों में बहुत ज्यादा होते हैं और जैसे जैसे इलाके बढ़ते, आपने देखा होगा ये हाईवे है इसलिए आपको कहीं भी पुलिस के लोग बहुत कम दिखेंगे, बीच बीच में 1-2 जगह हमें देखने को मिले, इसके अलावा पुलिस आर्मी के लोग कम देखने को मिले, लेकिन जो गाड़ियां जो जा रही हैं इधर दक्षिण की तरफ, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आर्मी में अपनी सेवा देने जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करने जाते हैं। यह येलो बैकग्राउंड पे यहाँ का नंबर होता है, कुछ टैक्सीज होती है, प्राइवेट कार्स भी होते हैं जो हमें दिखता है, वो जैसे इंडिया में आपने देखा होगा टैक्सी और कमर्शियल गाड़ियां और जो प्राइवेट गाड़ियां होती हैं उनके नंबर्स के प्लेट अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ टैक्सी हो या प्राइवेट कार हो, ये प्राइवेट कार है, ये सामने में टैक्सी है, उनके नंबर प्लेट का जो बैकग्राउंड है वो येलो में होता है और ब्लैक से लिखा होता है, यहाँ कोई फर्क नहीं होता, जैसे हिंदुस्तान में हमने देखा है वहां नंबर प्लेट में फर्क होता है। ये देखिए यहाँ
ये देखिए एक चेक पोस्ट है और करम उधर से दिखाओ, चेक पोस्ट के बगल में एक आपको शेल्टर दिख रहा है, ये शेल्टर है, ये जो करम आपको दिखाने ये शेल्टर है, ये शेल्टर, अगर कोई भी मिसाइल से हमला होता है तो वहां आपको अलर्ट किया जाएगा। ये गाड़ियां इसमें ज्यादा से ज्यादा देखिए आर्मी के लोग भी बहुत बैठे आपको दिखने को मिलेंगे जो अपनी सेवाएं देकर आ रहे हैं। ये आम लोग सड़कों पे घूमने नहीं निकले, घूमने वाला देश है, मस्ती करता है ये देश, लेकिन घूमने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। ये एस्केलोन, नो एस्केलोन, अब आगे हम एस्केलोन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें जाना है नेटिवोट, नेटिवोट की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं लगातार, नो नेटिवोट, नेटिवोट हम लोग, एस्केलोन भी आपको दिखेगा, नेटिवोट भी हमको जाना है, नेटिवोट हमारा आज का फोकस एरिया है। नेटिवोट के बाद हम आगे का रास्ता तय करेंगे जहां हमें जाना है, एक महत्वपूर्ण प्लेस पे जाएंगे यहां जहां से गाजा दिखता है, हमें बताया गया है, वहां अब तक हम नहीं जा चुके हैं, जा पाए हैं, कई मीडिया के लोग पहुंच गए थे क्योंकि हमने अपना फोकस एसडेरोट पे शुरू में रखा, लेबनान बॉर्डर पे रखा, लेकिन उस गांव में हम नहीं जा पाए हैं, आज जाने की कोशिश करेंगे। पिछले 5 दिनों से हमारी तमाम कोशिशें वहां जाने की नाकामयाब रही हैं क्योंकि वहां शेलिंग होती है, लगातार रॉकेट से हमले किए जाते हैं हमास की तरफ से। और देखिए अब हम लोग और नजदीक की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जितनी गाड़ियां आप देख रहे हैं या तो इमरजेंसी बसें चल रही हैं, आपको बता दें जो सार्वजनिक बसें हैं, ट्रेन है वो चल रही है, लेकिन उन बसों और ट्रेन में लोगों की संख्या और तादाद बहुत कम होती है। और दक्षिणी हिस्से में जब आते हैं क्योंकि इन सड़कों पे बहुत गाड़ियां, जेरूसलम की तरफ भी रास्ता यहां से निकलेगा, हर तरफ निकलता है, तो यहां गाड़ियां हाईवे पे हैं तो दिख जाती हैं, लेकिन जब आप शहरों में घुसेंगे तो सन्नाटा मिलेगा, जब आप घरों की तरफ देखेंगे तो खिड़कियां और दरवाजे बंद मिलेंगे आपको देखने को बहुत। ये देखिए कितने झंडे हैं हर तरफ, इस तरह से झंडे आपको, सिर्फ झंडा झंडा झंडा, इजराइल का झंडा आपको स्टार बना हुआ ब्लैक और माफ कीजिएगा ब्लू और व्हाइट बैकग्राउंड पे, और हर चेक पॉइंट पे एंट्री होती है, रेड लाइट अगर जल गया तो रेड लाइट के प्रोटोकॉल का यहाँ बहुत पालन होता है, कोई भी हो, प्राइवेट हो या टैक्सी वाले हो, वो बहुत करते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि ट्रैफिक रूल्स का, कई बार लाइव के दौरान हम हाईवे पर रुकने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें मना किया जाता है। ये हम इजराइल के दक्षिणी हिस्से की तरफ पहुंच गए और यहां से देखिए सीधे अगर लॉन्ग ऐसे, हालांकि कैमरे में धुंध जैसा नजर आ रहा है वो दिखेगा नहीं, यहां से दूर जो इलाका नजर आ रहा है, दूर कोशिश करेंगे, लॉन्ग जो आपको दिख रहा है वही समझ लीजिए गाजा और इजराइल की सीमा को रेखांकित करते हैं, यहां से दूर। अभी हम जैसे जैसे नजदीक पहुंचेंगे यहां से एस्केलोन दिखने लगा, दिस इज एस्केलोन मोसे, ये एस्केलोन देखिए, यहां से एस्केलोन दिखने लगा, यहां से एस्केलोन आपको दिख रहा है, एस्केलोन भूमध्य सागर के दूसरी तरफ, ये शहर के बगल में भूमध्य सागर है, 10 किलोमीटर के दायरे में एस्केलोन है, गाजा के बॉर्डर से, गाजा के उत्तरी बॉर्डर से 10 किलोमीटर के दायरे में है एस्केलोन से। जैसे आप तेल अवीव की बढ़े, तेल अवीव की तरफ बढ़ेंगे तो अशडोड आएगा, अशडोड के बाद फिर थोड़ी किलोमीटर के बाद आपको तेल अवीव आएगा, तो ये एस्केलोन दिख रहा है, अभी दूर है यहां से, लेकिन एस्केलोन के कुछ खास हिस्से को बोला गया है, पूरे शहर को बोला गया है कि आप घरों में रहिए, खाने पीने की व्यवस्था करके आप अपने शेल्टर में रहिए, हमास के आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट कर सकते हो क्योंकि नजदीक का शहर है एस्केलोन से। हम लगातार आपको रिपोर्ट बताते रहे, शुरुआती दिनों में खासकर हमारे साथ भी एक घटना जो घटी थी कि हम गाड़ी में थे पहले दिन और उसी दिन हमारे ऊपर 8-10 रॉकेट ऊपर आ जाते हैं, हालांकि आयरन डोम ने ज्यादातर को इंटरसेप्ट किया। और ये ट्रेन देखिए यहाँ की ट्रेन कैसी होती है, ये ट्रेन, ट्रेन के अंदर लोग बहुत कम है, कैमरे पे के लेंस से उन्हें पकड़ना है आपको, लेकिन हम बता रहे हैं ट्रेन में जो हमें दिख रहा है वो बहुत कम लोग है, मिनिमम संख्या है, लेकिन ट्रेन चल रही है, ट्रेन रुकी हुई नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति है लेकिन ट्रेन नहीं रुकी है, सार्वजनिक बसें चलती हैं, खासकर तेल अवीव में थोड़ा सा माहौल ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं वहां सन्नाटा आपको देखने को मिलेगा। लगातार कोशिश हो रही है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि सही वक्त पे वो हमला करेंगे, गाजा के अंदर आक्रमण करेंगे, घुस के मारेंगे। और आपको एक और जानकारी देते, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को, स्ट्राइकर जो कि अमेरिका का एक आर्मरी व्हीकल है जो बहुत हाई प्रोफाइल माना जाता, हमने उसकी भी तस्वीरें हमें देखने को मिली इजराइल गाजा बॉर्डर पे, और स्ट्राइकर
में 8 बड़े बड़े चक्के होते हैं और उसमें आर्मरी व्हीकल होता है जिसमें सेना के जवान तैनात रहते हैं। तो अमेरिका ने भेजा इसराइल की मदद के लिए और भी बहुत सारे सामान भेजे हैं युद्ध से जुड़े हुए, जिनका इस्तेमाल युद्ध में होता है। और आपने देखा होगा कैसे जो बाइडन 7 अक्टूबर के बाद तुरंत ही यहां पहुंच गए थे, महज कुछ दिनों के बाद, और लगातार दूसरे नेटो देशों के मुखिया या यूरोपियन देशों के प्रमुख लगातार घूम रुख कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल इसराइल के अंदर चिंता की एक बात यह भी है कि रूस का रुख किधर होता है। हमास का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है रूस में, वहां ईरान के उप विदेश मंत्री भी पहुंचे हैं वहां, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, हम आपको बता रहे थे कि वहां प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। लेकिन इसराइल एक लौता विकसित देश है जिसने यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन का साथ नहीं दिया और न ही रूस का, अपना संतुलित बैलेंस बनाए रखा, न तो हथियारों से मदद की यूक्रेन की और न ही पश्चिमी देशों ने जो सैंक्शन लगाए थे रूस पर उसका भी समर्थन किया। तो इसराइल की नजर रूस पे भी है कि रूस का रुख क्या होता है। और अब देखिए एस्केलोन के बगल से गुजर रहे हैं और यहां सन्नाटा और भी वीरान होता जाएगा, जो सन्नाटा हमें दिख रहा है उसकी वीरानगी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे हम बॉर्डर पे पहुंचेंगे वहां सिर्फ हम और आर्मी के लोग दिखेंगे। एस्केलोन हमारे बगल में है और आपको बता दें कि पिछले 19 दिनों में हमने इसराइल को पूरा का पूरा घूमने की कोशिश की, उत्तर से लेकर दक्षिण के बारे में आपको बताया है, तीनों फ्रंट के बारे में बताया है, गाजा फ्रंट जो कि इसराइल बॉर्डर से लगता है, लेबनान फ्रंट जो कि दूसरा फ्रंट है वहां हम गए, तीसरा फ्रंट वहां भी गए जो कि इसराइल और फिलिस्तीन की सीमा है यानी वेस्ट बैंक की सीमा है, वहां भी हम पहुंचे। और ये एस्केलोन की तरफ जाता है ये रास्ता, आपको बता दे। अब हम अपने इस वीडियो को यहाँ खत्म करने की कोशिश करेंगे, एस्केलोन की तरफ जाता है लेकिन हमारा रास्ता दूसरा है। आज नेटिवोट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नेटिवोट भी एक नजदीक का शहर है, वहां भी लगातार मिसाइल के हमले होते रहते हैं। और ये हम अब बढ़ रहे हैं, इसमें ज्यादातर लोग, आपको बता दिए, आम पब्लिक कोई घूमने नहीं आई है, इसमें ज्यादातर लोग ऐसे लोग हैं जो सिविल आर्मी कह सकते हैं, रिजर्व फोर्स के लोगों को कह सकते, उनके लोगों की संख्या इसमें ज्यादा है। तो इसराइल और गाजा के बॉर्डर से फिलहाल इतना ही, न्यूज 18 इंडिया। उन्नीस दिनों से लगातार आपको इजराइल के हर कोने से खबर दिखा रहा है न्यूज 18 इंडिया। हम नीरज कुमार और हमारे कैमरा पर्सन, अगर आप हमें देख रहे हैं तो वो हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह की वजह से। और इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं इजराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव से, जो राजधानी मुख्य तौर पर है प्रशासनिक वो तो जेरूसलम है, लेकिन इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं तेल अवीव से। और तेल अवीव से हम लोग जा रहे दक्षिण गाजा की तरफ, यानी उत्तर दक्षिण गाजा की तरफ जा रहे, यानी इसराइल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां गाजा है, एक छोटा सा कोना है कह सकते हैं इसराइल के कोने पर। लेकिन गाजा की तरफ से हमास ने जो किया है वो हम आपको बताएंगे भी, लेकिन इस वक्त आपको दिखा रहे तेल अवीव। तेल अवीव कभी कभी हमारे देश के मुंबई जैसा लगता है, मुंबई भी भारत की आर्थिक राजधानी है और तेल अवीव भी इजराइल की राजधानी है। और हमें तो किसी ने बताया कि क्योंकि दोनों शहरों में एक रूपता इसलिए दिखती है क्योंकि एक ही इंजीनियर ने मुंबई और इजराइल के जो तेल अवीव को बनाया है वो एक ही इंजीनियर ने बनाया है, कुछ एक ही इंजीनियर की टीम के लोगों ने दोनों शहरों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और एक और रिश्ता है, भारत के कई शहरों से रिश्ता है, मुंबई के ज्यूज बहुत बड़ी संख्या में आपको इसराइल में मिलेंगे, हमें बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं, 1 लाख के करीब उनकी संख्या है टोटल ज्यूज की जो भारत से आए थे। और इधर करम आप इधर भी दिखा दे, ये भूमध्य सागर है,
ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर ही गाजा, इजराइल, लेबनान को जोड़ता है तटों पे। अगर आप यही भूमध्य सागर के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो यहां से करीब 70 किलोमीटर के बाद गाजा आ जाएगा। और कुछ खबरें जो आपने देखे कि आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं इसी भूमध्य सागर के जरिए करते हैं, जो आपको हमारे दाईं तरफ दिख रहा है, यहीं से आतंकवादी कोशिश करते हैं। यहां से नहीं बल्कि गाजा और इजराइल के बॉर्डर पे, जो कि दक्षिणी हिस्सा है। अब हम आपको बताते हैं, आज हमारे पास मैप भी है और कैमरा पर्सन करम से कहेंगे इजराइल का पूरा मैप है, लेकिन हम सिर्फ आपको उस हिस्से पे बताते हैं इस वक्त हम लोग कहां हैं। इस वक्त हम लोग देखिए यहां है तेल अवीव, ये तेल अवीव है, सेंट्रल इजराइल कह सकते हैं, भूमध्य सागर के बीच में है। हम लोग यहीं पे मौजूद है, हमारी गाड़ी एक ट्रैफिक पे इस वक्त खड़ी है। पिछले 19 दिनों का हाल या 21 दिनों का हाल हम बताए, यहां से हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, इस रास्ते से देखिए, इसी रास्ते से इधर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। यहां से तेल अवीव से निकले, इधर 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 इस तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। ये दक्षिण का इलाका है और यहां से शुरू हो जाता है गाजा। ये पूरा बहुत छोटा सा हिस्सा है गाजा, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जिसका जिला गाजा से छोटा हो। केंद्र शासित प्रदेशों के जो जिले हैं वो गाजा से छोटे जरूर हैं, जैसे माहे हो गया, दिल्ली के ज्यादातर जिले गाजा से छोटे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के जिले गाजा से बड़े हैं। 385 स्क्वायर किलोमीटर महज जिसकी इसका क्षेत्रफल है, लेकिन आबादी 23 लाख के करीब है, बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। ये बॉर्डर है यहां से लेके, देखिए यहां से लेके यहां तक हम इस वक्त गुजर रहे हैं तेल अवीव से। लेकिन आपको बता दें कि हम जा किधर रहे, हम यहां आज जा रहे हैं, तेल अवीव यहां है और यहां से इस रास्ते होते हुए ऐसे ऐसे ये नेटिवोट है, हम एक गाजा के गांव की तरफ बढ़ेंगे। ये नेटिवोट है, माफ कीजिएगा, इसराइल के गांव की तरफ जो गाजा के बॉर्डर पे, यहां हमें बुलाया गया है और यहां से फिर हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे, गाजा की सीमा के करीब बढ़ेंगे। और आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बता दें, आपने तमाम खबरें हमारे साथ देखी है, न्यूज 18 इंडिया के साथ देखी है, न्यूज 18 इंडिया आपको लगातार बताता रहा है कि कैसे हमला हुआ। फाराजा, ये फाराजा है, अगर कैमरे पे दिख रहा हो, करम आपको दिखा पा रहे हो तो, बेरी, ये बेरी और इसके आसपास रेम, ये तीनों एरिया एपी सेंटर था, बहुत यहां से करीब है, महज 800 मीटर से 1-2 किलोमीटर की दूरी होती है। लेकिन इस बीच आपको तेल अवीव दिखा देते हैं, तेल अवीव में कुछ कुछ गाड़ियां आपको दिख जाएंगी, क्योंकि ये इजराइल के सुरक्षित शहरों में से जाना जा रहा है। दक्षिण का जो शहर है एश्केलोन, अशडोड, वो बहुत संकट के शहर है, वहां खतरा ज्यादा है। जेरूसलम इजराइल के पश्चिम में है, वहां भी खतरा कम है, लेकिन वेस्ट बैंक क्योंकि नजदीक है तो वो तीसरा फ्रंट कभी भी हो सकता है। तो अब यहां से हम लोग बढ़ चुके, आप देख सकते हैं तेल अवीव, आज फ्राइडे का दिन होता है और फ्राइडे हाफ डे होता है, यहाँ फ्राइडे और सैटरडे शब्बात होता है ज्यूज के अपने उनके समुदाय में, तो शनिवार को कोई काम नहीं करता, हमें ड्राइवर भी नहीं मिलते ज्यूज समुदाय के, कोई बहुत मुश्किल से कई बार मिलता है। और दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव देश भी है और ये शहर भी है, आपको बता दें, ये देख सकते हैं सन्नाटा पूरा पसरा हुआ है इस वक्त। और 19 दिनों में क्या कुछ हुआ है एक बार आपको वो भी बता दें, तेल अवीव में कई रॉकेट दागे गए, आज से महज 2 दिन पहले शाम को 5 बजे एक के बाद एक 100 रॉकेट तेल अवीव और उसके आसपास जो बेन गुरियों एयरपोर्ट है तेल अवीव से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर, इन इलाकों में दागे गए, कुछ गिरे, ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया। हम हाईवे पे थोड़ी देर में पहुंचेंगे और आपको बताएंगे, ये रास्ता जो है गाजा की तरफ जा रहा है, न्यूज 18 इंडिया आपको गाजा की तरफ ले जा रही है। और गाजा के बारे में हमने आपको मैप में समझाया, दरअसल इजराइल ने कई फ्रंट खोल रखा है, एक दूसरा फ्रंट आपको दिखा दे, गाजा की तरफ बढ़ रहे, लेकिन उस फ्रंट के बारे में भी बता दे। ये देखिए, ये पहला फ्रंट दक्षिण का जो गाजा, करम सिंह ने आपको दिखाया कैमरे पे, ये दूसरा फ्रंट है, ये दूसरा फ्रंट है लेबनान, ये दूसरा फ्रंट है सीरिया के, ईरान के कुछ ईरान के मिलिशिया पे आज अमेरिका ने हमला किया, वो सीरिया इधर है, सीरिया के कैंप पे हमला किया, ये जॉर्डन है, लेबनान सीरिया इधर है जो कि इस मैप पे नहीं दिख रहा, ये सीरिया समझ सकते, जॉर्डन और नीचे यहां इस तरफ नीचे जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे मिस्र, ये मिस्र है, इजिप्ट जो कि इस मैप में पूरा नहीं है, और ये गाजा है। वेस्ट बैंक के बारे में जो आप लोग बात सुनते हैं, वेस्ट बैंक क्योंकि गाजा और वेस्ट बैंक को मिलाकर फिलिस्तीन बनता है,
लेकिन दोनों के बीच में दूरी है। आपको हिंदुस्तान के तरीके से समझाते हैं, जब पाकिस्तान एकजुट था, यानी बांग्लादेश और 1971 से पहले पाकिस्तान एक था, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो एक को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, एक को पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से भी हम लोग जानते थे। तो पश्चिमी जो हिस्सा है वो कह सकते एक हिस्सा एक तरफ है और पूर्वी हिस्सा एक तरफ है। तो ये है वेस्ट बैंक और गाजा। तो ये आपको मैप के जरिए समझा दिया। अब आपको चलते हैं 19 दिन के बारे में बताते हैं। दरअसल ये रास्ता हम बढ़ रहे हैं गाजा की तरफ, थोड़ी देर बाद महज आधे पौन घंटे के बाद हम गाजा की तरफ पहुंच जाएंगे, उसके बॉर्डर पे पहुंचेंगे। आज हमारा मकसद है कि ये कैसे गांव तक पहुंचे जो सबसे करीब है। पिछले 20 दिनों में हम वहां इसलिए नहीं जा सके, कभी लेबनान बॉर्डर, कभी बेरी, कभी रेम, कभी एसडेरॉप, तमाम जगह की खबरें आप तक ला रहे थे हम और करम सिंह। लेकिन ये रास्ता देखिए, ये जो गाड़ियां दिख रहे हैं, आपको एक और चीज बता दें, हमारे एंकर ने हमसे पूछा कि सड़कों पे गाड़ियां बहुत दिखती हैं, इन गाड़ियों में हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे हों जो रिजर्व ड्यूटी के लोग हों, जो रिजर्व ड्यूटी में जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुरुद्वारे में लंगर के लिए जो बहुत युवा आते हैं, आधे एक दो घंटे अपनी सेवा देते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह से रिजर्व फोर्स के लोग, हर घर से कोई ना कोई जवान है यहाँ, जो इस वक्त में युद्ध की घोषणा हो चुके, वो 8 घंटे के लिए या कुछ घंटे के लिए जाएगा, वो अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर देगा, अपनी ट्रेनिंग लेगा और उसके बाद वो आ जाएगा, सेना में जाके अपनी सेवाएं देगा, उसके बाद आ जाएगा। यानी देश की सेवा का जज्बा पूरे दुनिया के किसी देश में इसराइल जैसा नहीं हो सकता जैसा कि दिख रहा है। और हमेशा ऐसा नहीं कि बाकी लाइफ रुक जाता, अभी लॉकडाउन की स्थिति है, ये देखिए ये सब ज्यादा, अभी आपको टेक होम की जो फैसिलिटी है, जो सुविधाएं देते हैं, वो ज्यादा हमको सड़कों पे कई बार नजर आते हैं। ट्रैफिक नियम का पालन यहाँ खूब होता है। लेकिन अब आपको बताते हैं क्या हुआ है पिछले 19 दिनों में। जब हम पहली बार यहाँ पहुंचे 9 तारीख को 10 से 11 बजे के बीच में जब हमारी लैंडिंग हुई थी, तो यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर बेन गुरियों एयरपोर्ट है जो कि तेल अवीव से नजदीक है, वहीं पे सायरन की आवाज आती है और सारे यात्रियों को छुपा दिया जाता है एक शेल्टर के अंदर, और वहीं से हम अपनी पहली रिपोर्टिंग करते हैं यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर, जबकि तेल अवीव सबसे सुरक्षित है और गाजा के करीब के शहर सबसे ज्यादा खतरनाक इलाके माने जाते हैं सुरक्षा के दृष्टि से। सबको आप लोग कहेगा जो भी इसराइल में आपको मिलेगा, बावजूद इसके कि वो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे, वो जब भी आपको मिलेंगे तो जरूर कहेंगे बी सेफ। तो यहां से हम लोग बढ़ चुके हैं गाजा की तरफ, आपको तस्वीरें दिखा रहे करम सिंह, करम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। भीड़ रहती है, जैसे मुंबई शहर चलता है उसी तरह से ये शहर चलता है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं आज एक तो शुक्रवार की वजह से बहुत कम गाड़ियां हैं, लॉकडाउन की वजह से पहले से ही सड़कों पे कम गाड़ियां हैं, शुक्रवार हाफ दिन के बाद। आज हमारे जो पायलट है वो भी, उन्होंने भी कहा कि उन्हें घर जल्दी जाना है, हमारे साथ में मौजूद हैं। ये देखिए सारी दुकानें आपको बंद होंगी, हम पहले भी इस तरह की रिपोर्ट आपको दिखा चुके हैं। लेकिन गाजा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसराइल गाजा बॉर्डर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और दक्षिणी गाजा के बॉर्डर की तरफ भी कल हम थे। होलीत एक किबूज है, किबूज यानी गांव, छोटा समुदाय जहां 85 लोग रहते थे, उन्हें भून दिया गया, ग्रेनेड से उड़ा दिया गया, 14 लोगों की जान ले ली गई, और हर तरफ आपको इसराइल का झंडा दिखेगा। करम ऊपर के इसराइल के झंडे को दिखाएं यहां से, ये इसराइल के झंडे आपको जो दिख रहे हैं स्टार जैसे ब्लू और व्हाइट के बैकग्राउंड पे, ये आपको सिर्फ शहर में नहीं हर जगह दिखेगा जहां भी इसराइल का कब्जा है। चाहे वेस्ट बैंक की तरफ हम गए थे, वेस्ट बैंक के साइड में गए थे और वहां के बॉर्डर पे देखे, वेस्ट बैंक और इसराइल के बॉर्डर पे, वहां इस तरह के इजरायली झंडे आपको देखने को मिल रहे थे। चाहे आप गाजा और मिस्र के ट्राइजंक्शन पे जाते, इसराइल के ट्राइजंक्शन पे जाते, वहां देखने को मिल रहा था। लेबनान बॉर्डर पे जब हम गए, इसराइल लेबनान बॉर्डर पे, वहां यह देखने को मिला। मेतुला जो कि सबसे उत्तर का गांव है, वहां जब पहुंचे तो वहां इस तरह के झंडे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसराइल इस वक्त पूरे युद्ध की स्थिति में है। हम कह सकते हैं कि तेल अवीव क्योंकि सेंट्रल में है, हमास कोशिश करता है कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि आयरन डोम उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद है उन मिसाइलों से, और क्योंकि जब गाजा से 70 किलोमीटर की दूरी पर, तो मिसाइल के पहुंचने में करीब करीब 1 मिनट का वक्त लगता है, तो आयरन डोम का भी रिस्पांस टाइम होता है 1 मिनट का होता है, यानी वक्त ज्यादा मिलता है। अगर एस्केलोन जो कि बिल्कुल 10 किलोमीटर की दूरी पे है गाजा की सीमा से, अगर एस्केलोन पे मिसाइल मारा जाता है तो 30 सेकंड का
वक्त मिलता है आयरन डोम को महज, और लोगों को अपने आप को छुपाने के लिए भी, जैसे अगर मान लीजिए आपको बता दे एक अपना खुद का वाक्या भी हम बताएंगे, इसी तरह की एक सड़क से हम गुजर रहे थे, आ रहे थे उस दिन दक्षिण गाजा की तरफ से उत्लवी तिल की तरफ, तो अचानक से कई सायरन की आवाज आती है और इसी इन्हीं सड़कों पे तमाम गाड़ियां, ये चलती हुई गाड़ियां जो आपको दिख रही है, एक के बाद एक रुक जाते हैं और हम लोग बिल्कुल सो जाते हैं। जो यहाँ का प्रोटोकॉल है, जो यहाँ का सेफ्टी प्रोटोकॉल है, तमाम लोग सड़कों पे सोए हुए मिलते हैं। इस तरह की स्थिति भी पैदा होती है बीच बीच में। आमतौर पे दोपहर के बाद तेल अवीव पे हमला करता है मिसाइल से हमास, लेकिन सुबह में हमला कम करता है। लेकिन आज शुक्रवार का दिन है, आज जो हॉट एरिया, आज जो हॉट एरिया है उसके बारे में बता दें, वेस्ट बैंक का एरिया हॉट रहेगा। जहां रमल्ला है वहां जाना थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है। हमने एक दौरा किया था रमल्ला, जो कि आज की तारीख में राजनीतिक राजधानी है वेस्ट बैंक की, वहां लोग प्रोटेस्ट करते हैं। इसके अलावा जेरूसलम, पिछले शुक्रवार को जेरूसलम में हम लोग मौजूद थे, जहां अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना करने को लेकर लगातार इजरायली सेना और अरबिक मुस्लिम समुदाय के लोगों में झड़पें होती रहती है। 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को सिर्फ आज शुक्रवार को वहां जाने की इजाजत होती, प्रार्थना करने की, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और यहाँ के बॉर्डर से, यानी गाजा और इसराइल के बॉर्डर से, तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। 7,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 1,400 से ज्यादा लोग इजरायली साइड मारे गए, 7,000 से अधिक लोग गाजा वेस्ट बैंक की तरफ टोटल मिला के मारे गए हैं। इसके अलावा 1,400 से ज्यादा 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था वहां मारे गए थे ज्यादातर लोग बॉर्डर पे, जिसमें सैनिक, विदेशी नागरिक, यहूदी, सीमा पर रहने वाले लोग, ज्यादातर किबूज के लोग मारे गए थे। लेबनान बॉर्डर पे जो हमला किया है, लेबनान बॉर्डर पे हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में जो लड़ाई हो रही है, उसमें भी हिजबुल्ला के कई आतंकवादी मारे गए हैं, सोल्जर भी मारे गए हैं। इसराइल और लेबनान बॉर्डर पे गलीली अस्पताल हम आपको लेकर गए थे, कैसे वो बंकर अस्पताल में तब्दील हो गया है, तो लगातार आपको हर चीज वो बता रहे हैं। 20 दिन में इसराइल ने एक बड़ा रेड किया, बड़े रेड में कई बड़े ठिकाने उनके ध्वस्त किए। दरअसल इसराइल की सरकार पे दबाव है कि वो जल्दी से जल्दी, दबाव यहाँ के लोगों की तरफ से कि जल्दी से जल्दी जमीनी आक्रमण करे, यानी वो अंदर की तरफ घुस जाए। लेकिन इसराइल चाहता है कि वो धीरे धीरे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करे, क्योंकि 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसराइल नहीं चाहता कि अब एक भी जवान की जान जाए, इसीलिए सारे एरिया को, जो 51 किलोमीटर की सीमा, आपको बता दें कि गाजा की लंबाई उत्तर से दक्षिण 41 किलोमीटर है, चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर है, और जो इसराइल से सीमा लगती है गाजा के उत्तरी इलाके से लेके गाजा के दक्षिणी इलाके तक, जहां मिस इसराइल और गाजा मिलते हैं, उसकी लंबाई 51 किलोमीटर है बॉर्डर की। बॉर्डर के नजदीक बहुत सारे शहर है, उनके बारे में आपको बता दें, जैसे एस्केलोन, अश्डोड, 10 किलोमीटर से बाहर है, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है वो। एस्डेरोट 800 मीटर की दूरी पे है गाजा से, एस्डेरोट, जहां पुलिस थाने पे कब्जा कर लिया था हमास के आतंकियों ने और थाने को ही उड़ा दिया था, और बाद में आर्मी की सेना आई से हमास के आतंकवादियों को ढेर किया। इसके अलावा ओफाकिम, नेटिवोट, थेरेम शलोम, गांव फाराजा, रेम, बेरी, निराम, निरिम, जिकिम बीच पर बहुत बड़ा हमला किया गया था, ओफाकिम, ये सब बॉर्डर एरिया है। और एक बॉर्डर है जहां से पहले 7 अक्टूबर से पहले इरेज बॉर्डर और नॉर्दर्न साइड इरेज बॉर्डर है, जहां से फिलिस्तीन के लोगों को, यानी गाजा के लोगों को, इसराइल के अंदर आने की इजाजत थी। हम अभी वेस्ट बैंक की बात नहीं कर रहे, गाजा की बात कर रहे हैं। गाजा वेस्ट बैंक से बिल्कुल दूर है, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में है, मध्य भूमध्य सागर और इसराइल के बीच में है, और दक्षिणी सीमा जो है जिसे राफा बॉर्डर वहां आता है, वो मिस्र से लगता है, राफा बॉर्डर से ही मानवीय सहायता पहुंच रही है। तो इसराइल अभी इसलिए आक्रमण नहीं कर रहा है कि वो अपनी तैयारी ऐसी कर लेना चाहता है ताकि आने वाले वक्त में उस पर सवाल न उठाए। एक बार फिर हम आपको मैप के जरिए बताएंगे। करम, आप देखिए, ये देखिए, हम लोग बाहर निकल चुके हैं तेल अवीव से, तब तक हम मैप खोलते हैं, एक बार फिर आपको बताते हैं क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। लगातार सीमा पर ये शहरों के नाम आप देख रही है, मेन हाईवे है, यहाँ बीच बीच में गाड़ी रोक नहीं सकते,
रोकेंगे तो तुरंत पुलिस आ जाएगी, पहले तो आपसे पूछेगी। और एक और महत्वपूर्ण बता दे, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दे आपको, जो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यूं तो प्रेस कहने से ही आपको आपके आपको बहुत डिस्टर्ब नहीं करते, चाहे कोई भी हो, चाहे हम पश्चिमी बैंक की तरफ जाएं यानी फिलिस्तीन में जाएं या फिर इसराइल में रहें, लेकिन अब जब जब आप इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, तो आपको यहाँ के लोग कहेंगे वी लव इंडिया। इसराइल के लोग कहते हैं वी लव इंडिया। और बस कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का नाम ही एक बहुत बड़ा पासपोर्ट है यहाँ के लिए। और हमारे साथ जो कैमरामैन है उनकी उनको देखकर भी उनके पास लोग आते हैं, उनसे भी एक हमारी पहचान बनती है। तो इस तरह से लगातार हम जो कवर कर रहे हैं हिंदुस्तान के नाम पे, भारत के नाम पे, इंडिया के नाम पे, बहुत प्रेम करते हैं। बहुत सारे जवान होते हैं, आपको बता दें बहुत सारे जो यहाँ मिलिट्री के जवान होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हिंदुस्तान घूमने जाते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में घूमना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा। किसी को आप बोल दीजिए इंडिया तो बोलेगा वो इंडिया, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह की बात वो कर। अब आपको एक बार फिर मैप पे आपको ले चलकर समझाते हैं। देखिए इस पूरे बॉर्डर पे अभी इजराइल की सेना तैनात है। ये पूरा बॉर्डर 51 किलोमीटर का यहां से लेकर गाजा इजराइल का बॉर्डर है। कुछ एरिया बफर जोन है, कुछ एरिया के आगे हमें भी जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये जो इलाका है, ये यहां ऊपरी हिस्सा, ये जो देख रहे हैं यहां तक उत्तर का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा एरेज क्रॉसिंग है। पहले 7 अक्टूबर से पहले यहीं से होकर गाजा के लोग यहां इसराइल में पहुंचते थे और काम करके लौट जाते थे। हालांकि इसराइल के लोगों का गाजा में जाना नहीं होता था, वो नहीं जाते थे। यहां देखिए कौन कौन महत्वपूर्ण शहर है। गाजा सिटी यहां है, गाजा सिटी उत्तर में है, बेत लहिया है, बेत हनून है। अब नीचे आ जाए एक बार, तो ये इस उत्तर के इलाके में फोकस है इजरायली सेना का। सारे बॉर्डर पे तैनाती बढ़ा दिया, हर जगह हमला किया जा रहा है, लेकिन इस बॉर्डर में, क्योंकि यहाँ गाजा में हमास के लोगों का दबदबा है, क्योंकि यहां से जब हमला करते हैं, तो जब यहां से हमला करेंगे, मान लीजिए यहां से जब हमला करते हैं तो दूरी कम हो जाती है। जब उत्तर से इन शहरों पर हमला करते हैं जैसे अशडोड, एस्केलोन, तेल अविव, यहां से जब गोला फेंकेंगे, मिसाइल फेंकेंगे, तो दूरी कम हो जाती है। अगर यहां से फेंकेंगे दक्षिणी इलाके से, तो जहां यहां से आपको गाजा और इजराइल बॉर्डर से आप 2 किलोमीटर की दूरी से गोला फेंक सकते हैं, तो यहां आपको 35 किलोमीटर ज्यादा जाना होगा। तो ये उत्तर के इलाके में हमास का दबदबा अधिक है और इस बॉर्डर को ज्यादा तबाह करने की कोशिश में कल परसों जो बड़ा रेड किया गया है वो इसी इलाके में किया गया है। इस इलाके में कहीं लोकेशन हमसे साझा नहीं किया गया है, इस इलाके में किया गया। एस्टेरॉट यहां देख सकते हैं, एस्टेरॉट महज 800 मीटर की दूरी पे, यहां आपको दूरी जो दिख रही है ये बहुत कम है। एस्टेरॉट शहर बेत से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन एस्टेरॉट की बाहरी सीमा जो है वो बिल्कुल बगल में। और ये नीराम, अभी हम जिक्र कर रहे थे, ये नीराम है। कभी कभार हम लोग यहां से खड़े होकर भी अपनी टीवी रिपोर्टिंग करते हैं, नीराम बिल्कुल बॉर्डर पे है। यहां से आगे अंदर हमें नहीं जाने दिया जा रहा, यहां से आगे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और तमाम बॉर्डर का यही हाल है। तो ये है यहाँ का। लेबनान बॉर्डर पे भी लगातार हिजबुल्ला और इसराइल के बीच वॉर जारी है। 20 से ज्यादा शहरों को, करीब 30 शहरों और गांव को खाली करा दिया गया है। और एक बार आपको मिडिल ईस्ट के बारे में बता दें, मिडिल ईस्ट में क्या स्थिति है। देखिए मिडिल ईस्ट का भी मैप है हमारे पास, उसमें अगर आपको बताएंगे तो ज्यादा सहूलियत नहीं हो पाएगी। मिडिल ईस्ट का अंदर मैप है, ये मिडिल ईस्ट है। अगर हम थोड़ा क्लोज होकर दिखा सकते हैं तो दिखाए, मिडिल ईस्ट के ये तमाम देश हैं, उनकी राजधानियां हैं, और यहाँ एक छोटा सा देश इजराइल है। इजराइल यहाँ है, छोटा सा बिल्कुल देश। और जब भी इजराइल में कुछ होता है तो यही चर्चा होती है कि पूरे मिडिल ईस्ट में लड़ाई भड़क सकती है। और आज जो आपको एक चीज और बता दे, जो आज सीरिया यहाँ है, सीरिया, लेबनान इधर है, लेबनान, और जो आज हमला किया है सीरिया में, अमेरिका ने हमला किया है सीरिया में, जहां ईरानी मिलिशिया का ये था, ईरानी मिलिशिया के जो कुछ कैंप थे उन पे हमला करके, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 22 अमेरिकी घायल हुए थे इस तरह के हमले में। तो इस वक्त हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अशडोड, विच साइड, विच सिटी, अशडोड की तरफ बढ़ रहे हैं। अशडोड महज 20 किलोमीटर के लमसम होगा
जो एस्केलोन से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 20 किलोमीटर की दूरी पे है। हम एस्केलोन की तरफ बढ़ रहे हैं। एस्केलोन शहर में आज हमें हमारे जाने का प्लान नहीं है, नेटिवोट जाएंगे, नेटिवोट से हम आगे की यात्रा करेंगे। और देखिए ये जो गाड़ियां आज आपको दिख रही है, इसमें से ज्यादा लोग सिविल डिफेंस होंगे जो रिजर्व ड्यूटी पर रहते हैं। इसराइल में 4.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो रिजर्व ड्यूटी में रहते हैं, जिनको आर्मी की ट्रेनिंग रहती है, और जब भी युद्ध की स्थिति होती है वो थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके युद्ध में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा IDF के फोर्सेज हैं जो हमेशा आर्मी में अपनी ड्यूटी देते रहते हैं। तो 3 लाख लोग आ चुके हैं रिजर्व ड्यूटी में। और एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि इनमें बहुत कार में हो सकता है कि रिजर्व ड्यूटी के लोग होंगे जो जा रहे होंगे बॉर्डर पे, अपनी गाड़ी ऐसे पार्क करते हैं कि जैसे हिंदुस्तान में हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, जिम में जाते हैं, या अपने ऑफिसेज में जाते हैं, गाड़ी बाहर पार्क करते हैं और ड्यूटी करने लगते हैं। तो इनका वही हाल इस वक्त है वॉर की स्थिति में। ये अपनी गाड़ी पार्क करेंगे आर्मी के बेस पे जहां इनकी ट्रेनिंग चल रही होगी, वहां 7-8 घंटे की जितने घंटे की सेवा देनी होती है वो सेवा देंगे और अपने घर लौट आएंगे। लगता ही नहीं है कि इनके घर से अगर कोई पहले भी शहीद हो चुका है तो इनके जज्बे में कोई कमी नहीं रहती। इजराइल ये सिखाता है, यहाँ के लोग ये सिखाते हैं कि जज्बा कैसे पैदा किया जाता है अपने देश को लेकर। किबुज में इतने हमले हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दें अभी भी लोग कहते हैं इजराइल के लोग कि वो जाना चाहेंगे किबुज में। प्लीज विंडो अप, ऑल विंडो। तो आपको ये हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, आवाज में प्रॉब्लम आ रही होगी, बाहर की गाड़ी की आवाज आ रही है। और ये देखिए अस्टोट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नेटिवोट की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत गाड़ियां चलते हैं इस हाईवे पे क्योंकि 400 किलोमीटर की लंबाई में लगभग है, और जो इजराइल है उसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर मैक्सिमम चौड़ाई लंबाई 400 किलोमीटर है। लेबनान बॉर्डर से लेके इधर मिस्र के बॉर्डर से जहां रेड सी है उस तरफ डेड सी भी है, हालांकि डेड सी वेस्ट बैंक के बगल में है। और फिर चौड़ाई की अगर बात करें तो मध्य में सबसे ज्यादा चौड़ाई है, उसके अलावा मध्य के दक्षिण में थोड़ी सी ज्यादा चौड़ाई है, तो मैक्सिमम चौड़ाई 100 किलोमीटर है। बहुत छोटा देश है, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है और बहुत विवादित एरिया है। तो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर से लेकर 27,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का दावा किया जाता है। और इस वक्त ये तस्वीरें बस आपको दिखा रहे हाईवे की, जैसे जैसे आप बॉर्डर की तरफ जाएंगे गाड़ियों की संख्या कम होती जाएगी। कल जब हम एक गांव में गए थे GPO के साथ, जो कि यहां का सरकारी प्रेस विभाग है, उनके साथ गए थे, तो सिर्फ हमारी बस नजर आ रही थी उस सड़क पे, और इसके अलावा जो हमें स्कॉट कर रही थी गाड़ियां। अस्टोड आपको बीच बीच में लिखा हुआ दिख रहा होगा, अस्टोड आने वाला है, दक्षिण का शहर है, भूमध्य सागर के तट पे है, उसके आगे एस्केलोन आएगा, एस्केलोन से थोड़ा सा बगल में एस्टेरॉट है जो कि समंदर की सीमा पे नहीं है, सागर की, भूमध्य सागर की सीमा पर नहीं है। लगातार न्यूज 18 इंडिया आपको पिछले 19 दिनों का हाल बता रहा है। लेबनान बॉर्डर पे क्या चल रहा है वो भी आपको एक बार बता दे, क्योंकि दक्षिण के बारे में तो हम लगातार आपको बता रहे हैं। दक्षिण के लेबनान बॉर्डर पे इस वक्त, लेबनान बॉर्डर पे जो 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन है, लेबनान और इजराइल के बीच 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन है, हालांकि अभी भी बहुत एरिया विवादित है, लेकिन 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन है, और 120 किलोमीटर की सीमा पर पहाड़ी इलाका है, मिडिल हाइट हिली एरिया है, यानी मध्यम आकार के पहाड़ी दोनों देशों को बांटती है। जितने भी शहर, जितने भी गांव फार युवाल है, फार युवाल KFARYUVAL, केरल के ज्यूज, केरल से जो यहूदी आए थे उन्होंने उस गांव को बसाया था। हम वहां पहुंचे तो वो गांव बिल्कुल खाली था, सामने बैरिकेडिंग की गई थी, अंदर कोई मौजूद नहीं था, और वो एक ऐसा स्पॉट था जहां से लेबनान आपको साफ दिखता है। इसके अलावा लेबनान के उत्तर में एक गांव है मेतुला, मेतुला की आबादी 1500-1600 लोगों की है महज, लेकिन वो भी गांव खाली है। वो तीन तरफ से, यानी अगर 360 डिग्री उसको सर्किल करें तो 270 डिग्री उसका लेबनान से घिरा है, सिर्फ 90 डिग्री इजराइल से घिरा। उस गांव भी हम पहुंचे थे, किरियात समोना, जहां की आबादी 24,000 किलोमीटर है, उस शहर को खाली करा दिया गया। वहां भी एक युवक से हमारी मुलाकात हुई थी जो अपने 4 बच्चों के साथ जेरूसलम की तरफ शिफ्ट हो रहे थे युद्ध की वजह से। उन्होंने कहा कि वो अपने इस शहर में लौटेंगे
जरूर वहां का टेरेन, लेबनान का टेरेन यानी स्थलाकृति जो है लेबनान और इसराइल बॉर्डर की, और दक्षिण का टेरेन, दक्षिण का इलाका मैदानी है। जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तेल अवीव से लेबनान की तरफ, तो पहाड़ की तरफ बढ़ते जाएंगे, और पहाड़ों पर जंगल बहुत कम होता है। ऐसा नहीं होता कि जंगल हो, जैसे कश्मीर की पहाड़ियों में आपने देखा होगा वहां या तो बर्फ मिलेगा, या फिर हिमाचल की पहाड़ियों में देखा होगा, उत्तराखंड की पहाड़ियों में देखा होगा, वहां अलग अलग पेड़ होते, लेकिन यहाँ वैसे पेड़ कम दिखने को मिलते, झाड़ियां छोटी मोटी देखने को मिल जाएंगी। न्यूज 18 इंडिया बढ़ रहा है, इधर से जेरूसलम का भी रास्ता कटता है, सामने में देखिए जो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, जहां अल अक्सा मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना को लेकर लगातार अरबिक समुदाय के लोगों और इजराइल के आर्मी के बीच झड़पें होती रहती है। जेरूसलम इजराइल के पश्चिमी हिस्से में, माफ कीजिएगा पूर्वी हिस्से में है, और जेरूसलम से ही वेस्ट बैंक शुरू होता है। गाजा तो बिल्कुल दूसरी तरफ है, लेकिन वेस्ट बैंक का जो इलाका है, जो फिलिस्तीन जो है, आपको बता दें जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक देख रहे हैं, फिलिस्तीन दो इलाकों से मिलकर बनता है, एक वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा। गाजा बिल्कुल छोटा है जहां हमास का दबदबा है, वेस्ट बैंक बड़ा है जहां हमास का प्रभाव कम है। लेकिन वेस्ट बैंक के लोगों से हमारी बातचीत हुई, वो भी हमास के समर्थन में थे। देखिए आतंकी गतिविधियों को, आतंकी कृत्य को अंजाम दिया। एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बता दे, अभी महज दो दिन पहले यानी परसों हमें 43 मिनट का एक वीडियो दिखाया IDF ने, वो वीडियो जारी नहीं किया गया, अंतरराष्ट्रीय मीडिया को दिखाया गया। ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसे ऐसे फुटेज, ऐसे ऐसे ऑडियो उसमें देखने को मिले कि आप एक मानव के लिए या एक इंसान के लिए उसे देखना बहुत ही दर्द भरा था, आपको रोक देता, ऐसा आपको महसूस करा था कि किसी तरह से आप बाहर निकल रहे हैं। ऐसी विभस तस्वीरें उसमें दिखाई गई है। इधर से करम एक बार दिखा दीजिए, ये अशडोड है, दिस इज अशडोड, ये अशडोड सामने में शहर है। अशडोड हम कई बार जा चुके हैं, न्यूज 18 इंडिया की टीम कई बार अशडोड की तरफ जा चुकी है, और लेकिन शहर पूरा वीरान मिलता है। किसी भी शहर में चले जाए वहां आपको वीरानगी मिलेगी, वहां आपको वीरानगी देखने को मिलेगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं ये अशडोड का कि कुछ ऊंची इमारतें हैं वो आपको दिख रहे, बीच में आपको एक ट्रेन लाइन भी गुजरती है, ट्रेन की लाइन भी गुजरती है, वो अभी यहां से हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ट्रेन की सुविधा भी यहां अच्छी है, ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वक्त देखिए अब इधर से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अशडोड यानी दक्षिण की तरफ हम आ गए हैं, यहां जैसे आगे बढ़ेंगे गाड़ियों की संख्या आपको कम दिखेगी, अभी कुछ दिख रहा है, धीरे 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 गाड़ियों की संख्या कम दिखेगी। जो गाड़ियां दिखेंगी वो डिफेंस स्टाफ की होंगी, रिजर्व डिफेंस के लोगों की होंगी। और न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को एक और खास चीज बता दे, कैसे हमें पता चलता है कि अलर्ट हुआ, एक चीज जब आप न्यूज 18 इंडिया को लगातार देख रहे, देश के नंबर वन न्यूज चैनल और देश के नंबर वन यूट्यूब चैनल को जब आप देख रहे हैं, तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आखिर कैसे हम अपनी रिपोर्टिंग भी करते हैं और कैसे लोग यहाँ अपने आप को सुरक्षित जगहों पर ले आते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे हमें मिसाइल अलर्ट मिलता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में, डेढ़ से दो मिनट में। ये देखिए पहले आपको अशडोड दिखा दे, अशडोड दूर से ही पता चल रहा है कि शहर में सन्नाटा है, दूर से ही पता चल जाएगा कि आपको शहर में सन्नाटा है। यहां से महज कुछ दूरी पे एस्केलोन है, जहां करीब 1000 की संख्या में अब तक मिसाइल दागे गए होंगे, उस शहर को भी खाली कर दिया गया है, बहुत होटल खाली कराए गए हैं, और एस्केलोन में कुछ हिस्से को खाली कराया गया है। अगर लोग घरों में भी हैं तो घर के अंदर ही रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, गाड़ियों से निकलते हैं और दूसरे शहर की तरफ चले जाते हैं। तो अब आपको दिखा, ये रेलवे लाइन आप देख सकते हैं, तेल अवीव से ये रेलवे लाइन आती है, ट्रेन लाइन आती है, जो हमारे दाईं तरफ आपको दिख रहा है, राइट हैंड साइड हमारे। अब आपको दिखाते हैं ये, हम बार बार कह रहे कि आखिर लोगों को कैसे पता चलता है कि हमास ने कोई हमला किया, मिसाइल दागा है शहरों पे। ये देखिए इस तरह के कई ऐप होते हैं हमारे पास, जो ऐप है जोफार, TZOFAR, ये जोफार ऐप है, इसको हमने डाउनलोड किया है, इसको डाउनलोड किया, और डाउनलोड करके ओपन सेटिंग्स में जब आप सेटिंग ओपन करते हैं, तो हमने जितने भी शहर हैं इसराइल में, आपको दोबारा से खोलते हैं,
ये जितने भी शहर हैं, जितने भी शहर इसमें जो नाम दिख रहे हैं, इसमें तेल अवीव यहां दिख रहा है, देखिए अगर दिख रहा होगा तेल अवीव सिटी, कल शाम को 6 बजे तेल अवीव सिटी पे हमला किया गया था, एक साथ कई रॉकेट दागे गए थे। तो जब हमला होता है तो एक सेंसर होता है, सेंसर उसको कैच करता है और जिस शहर पे हमला होता है वहां का सेंसर, उस सेंसर से ये ऐप लिंक है जोफार। अब देखिए जैसे ये गाजा इनवेलप, आज रात को अभी तक आपको बता दे कोई भी मिसाइल, अभी तक सुबह से 10:11 हो रहे हैं, एक रात में मिसाइल छोड़ा गया था 2:51 में, भारत के समय के मुताबिक 4:21 पे, भारत के समय के मुताबिक 5:21 पे और यहाँ के समय के मुताबिक बीती रात 2:51 पे। आज अगर बात करें सुबह से, ये बेरी में छोड़ा गया था, तो कैसे पता चलता है? मान लीजिए बेरी में कोई छोड़ा जाता है मिसाइल, तो अलर्ट आ जाता है तुरंत, और हम खुद अलर्ट आता है तो आवाज आती है इसमें, और इसको हम खोल के देखते हैं ओपन करके, तो बेरी, अगर हम बेरी में हैं तो हम अपने आप को तुरंत शेल्टर ले लेंगे। अगर हम बेरी पे छोड़ा गया और तेल अवीव में है तो शेल्टर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेरी में आपके पास टाइम कम होता है। आपने अगर इसके ऊपर देख रही है गाजा इनवेलप लिखा हुआ है, गाजा इनवेलप से मतलब यह है कि जो गाजा से 7 किलोमीटर के दायरे में जो शहर है, जो गांव है, जो छोटे कस्बे हैं, जो छोटे किबुज हैं, वो उनको इंगित करता है गाजा इनवेलप। पूरे गाजा बॉर्डर से, इजराइल गाजा बॉर्डर पे जो 7 किलोमीटर का दायरा है उसको ये दर्शाता है, जहां 70,000 यहूदी रहते हैं, कुल 1 करोड़ की आबादी है यहां इजराइल की, उसमें 70,000 इस गाजा इनवेलप में रहते हैं। तो हमारी तैनाती आमतौर पर डे टू डे होती है इसी गाजा इनवेलप में। तो और अगर हमारे जैसे तेल अवीव में है, रात कल हम तेल अवीव में थे, शाम को जब तेल अवीव में हमला हुआ तो हमने तुरंत शेल्टर ले लिया क्योंकि तेल अवीव का अलर्ट था, और उसके बाद तमाम रॉकेट को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया। तो इस तरह से किया जाता। अब दक्षिण के बहुत नजदीक आ गए हैं, ये देखिए झंडे आपको और बढ़ते जा रहे हैं दक्षिण की तरफ, झंडे कई इलाकों में बहुत ज्यादा होते हैं और जैसे जैसे इलाके बढ़ते, आपने देखा होगा ये हाईवे है इसलिए आपको कहीं भी पुलिस के लोग बहुत कम दिखेंगे, बीच बीच में 1-2 जगह हमें देखने को मिले, इसके अलावा पुलिस आर्मी के लोग कम देखने को मिले, लेकिन जो गाड़ियां जो जा रही हैं इधर दक्षिण की तरफ, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आर्मी में अपनी सेवा देने जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करने जाते हैं। ये येलो बैकग्राउंड पे यहाँ का नंबर होता है, कुछ टैक्सीज होती है, प्राइवेट कार्स भी होते हैं जो हमें दिखता है, वो जैसे इंडिया में आपने देखा होगा टैक्सी और कमर्शियल गाड़ियां और जो प्राइवेट गाड़ियां होती हैं उनके नंबर्स के प्लेट अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ टैक्सी हो या प्राइवेट कार हो, ये प्राइवेट कार है, ये सामने में टैक्सी है, उनके नंबर प्लेट का जो बैकग्राउंड है वो येलो में होता है और ब्लैक से लिखा होता है, यहाँ कोई फर्क नहीं होता, जैसे हिंदुस्तान में हमने देखा वहां नंबर प्लेट में फर्क होता है। ये देखिए यहाँ, ये देखिए एक चेक पोस्ट है, और करम उधर से दिखाओ, चेक पोस्ट के बगल में एक आपको शेल्टर दिख रहा है, ये शेल्टर है, ये जो करम आपको दिखाने, ये शेल्टर है, ये शेल्टर, अगर कोई भी मिसाइल से हमला होता है तो वहां आपको अलर्ट किया जाएगा। ये गाड़ियां इसमें ज्यादा से ज्यादा, देखिए आर्मी के लोग भी बहुत बैठे आपको दिखने को मिलेंगे जो अपनी सेवाएं देकर आ रहे हैं, ये आम लोग सड़कों पे घूमने नहीं निकले, घूमने वाला देश है, मस्ती करता है ये देश, लेकिन घूमने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। ये एस्केलोन, नो एस्केलोन, अब आगे हम एस्केलोन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें जाना है नेटिवोट, नेटिवोट की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं लगातार, नेटिवोट, नेटिवोट हम लोग, एस्केलोन भी आपको दिखेगा, नेटिवोट भी हमको जाना है, नेटिवोट हमारा आज का फोकस एरिया है, नेटिवोट के बाद हम आगे का रास्ता तय करेंगे जहां हमें जाना है, एक महत्वपूर्ण प्लेस पे जाएंगे यहां जहां से गाजा दिखता है, हमें बताया गया है, वहां अब तक हम नहीं जा पाए हैं, कई मीडिया के लोग पहुंच गए थे क्योंकि हमने अपना फोकस एसडेरोट पे शुरू में रखा, लेबनान बॉर्डर पे रखा, लेकिन उस गांव में हम नहीं जा पाए हैं, आज जाने की कोशिश करेंगे। पिछले 5 दिनों से हमारी तमाम कोशिशें वहां जाने की नाकामयाब रही हैं क्योंकि वहां शेलिंग होती है, लगातार रॉकेट से हमले किए जाते हैं हमास की तरफ से। और देखिए अब हम लोग और नजदीक की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जितनी गाड़ियां आप देख रहे हैं या तो इमरजेंसी बसें चल रही हैं, आपको बता दें जो सार्वजनिक बसें ट्रेन है वो चल रही है, लेकिन उन बसों और ट्रेन में लोगों की संख्या और तादाद
बहुत कम होती है, और दक्षिणी हिस्से में जब आते, क्योंकि इन सड़कों पे बहुत गाड़ियां, जेरूसलम की तरफ भी रास्ता यहां से निकलेगा, हर तरफ निकलता है, तो यहां गाड़ियां हाईवे पे हैं तो दिख जाती हैं, लेकिन जब आप शहरों में घुसेंगे तो सन्नाटा मिलेगा, जब आप घरों की तरफ देखेंगे तो खिड़कियां और दरवाजे बंद मिलेंगे आपको देखने को। बहुत ये देखिए कितने झंडे हैं हर तरफ, इस तरह से झंडे आपको, सिर्फ झंडा झंडा झंडा, इजराइल का झंडा आपको, स्टार बना हुआ ब्लैक और माफ कीजिएगा ब्लू और व्हाइट बैकग्राउंड पे, और हर चेक पॉइंट पे एंट्री होती है। रेड लाइट अगर जल गया तो रेड लाइट के प्रोटोकॉल का यहाँ बहुत पालन होता है, कोई भी हो, प्राइवेट हो या टैक्सी वाले हो, वो बहुत करते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि ट्रैफिक रूल्स का। कई बार लाइव के दौरान हम हाईवे पर रुकने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें मना किया जाता है, ये हम इजराइल के दक्षिणी हिस्से की तरफ पहुंच गए, और यहां से देखिए सीधे अगर लॉन्ग ऐसे, हालांकि कैमरे में धुंध जैसा नजर आ रहा है वो दिखेगा नहीं, यहां से दूर जो इलाका नजर आ रहा है, दूर कोशिश करेंगे, लॉन्ग जो आपको दिख रहा है वही समझ लीजिए गाजा और इजराइल की सीमा को रेखांकित करते हैं। यहां से दूर अभी हम जैसे जैसे नजदीक पहुंचेंगे, यहां से एस्केलोन दिखने लगा, दिस इज एस्केलोन मोसे, ये एस्केलोन देखिए, यहां से एस्केलोन दिखने लगा, यहां से एस्केलोन आपको दिख रहा है, एस्केलोन भूमध्य सागर के दूसरी तरफ, ये शहर के बगल में भूमध्य सागर है, 10 किलोमीटर के दायरे में एस्केलोन है, गाजा के बॉर्डर से, गाजा के उत्तरी बॉर्डर से 10 किलोमीटर के दायरे में है एस्केलोन से। जैसे आप तेल अविव की बढ़े, तेल अविव की तरफ बढ़ेंगे तो अशडोड आएगा, अशडोड के बाद फिर थोड़ी किलोमीटर के बाद आपको तेल अविव आएगा, तो ये एस्केलोन दिख रहा है, अभी दूर है यहां से, लेकिन एस्केलोन के कुछ खास हिस्से को बोला गया है, पूरे शहर को बोला गया है कि आप घरों में रहिए, खाने पीने की व्यवस्था करके आप अपने शेल्टर में रहिए, हमास के आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट कर सकते हो, क्योंकि नजदीक का शहर है एस्केलोन से। हम लगातार आपको रिपोर्ट बताते रहे, शुरुआती दिनों में खासकर हमारे साथ भी एक घटना जो घटी थी कि हम गाड़ी में थे पहले दिन, और उसी दिन हमारे ऊपर 8-10 रॉकेट ऊपर आ जाते हैं, हालांकि आयरन डोम ने ज्यादातर को इंटरसेप्ट किया। और ये ट्रेन देखिए, यहाँ की ट्रेन कैसी होती है, ये ट्रेन, ट्रेन के अंदर लोग बहुत कम है, कैमरे पे के लेंस से उन्हें पकड़ना है आपको, लेकिन हम बता रहे हैं ट्रेन में जो हमें दिख रहा है वो बहुत कम लोग है, मिनिमम संख्या है, लेकिन ट्रेन चल रही है, ट्रेन रुकी हुई नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति है लेकिन ट्रेन नहीं रुकी है, सार्वजनिक बसें चलती हैं, खासकर तेल अवीव में थोड़ा सा माहौल ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं वहां सन्नाटा आपको देखने को मिलेगा। लगातार कोशिश हो रही है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि सही वक्त पे वो हमला करेंगे, गाजा के अंदर आक्रमण करेंगे, घुस के मारेंगे। और आपको एक और जानकारी देते, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को, स्ट्राइकर जो कि अमेरिका का एक आर्मरी व्हीकल है जो बहुत हाई प्रोफाइल माना जाता, हमने उसकी भी तस्वीरें हमें देखने को मिली इजराइल गाजा बॉर्डर पे, और स्ट्राइकर में 8 बड़े बड़े चक्के होते हैं और उसमें आर्मरी व्हीकल होता है जिसमें सेना के जवान तैनात रहते हैं, तो अमेरिका ने भेजा इजराइल की मदद के लिए, और भी बहुत सारे सामान भेजे हैं युद्ध से जुड़े हुए जिनका इस्तेमाल युद्ध में होता है। और आपने देखा होगा कैसे जो बाइडेन 7 अक्टूबर के बाद तुरंत ही यहां पहुंच गए थे, महज कुछ दिनों के बाद, और लगातार दूसरे नेटो देशों के मुखिया या यूरोपियन देशों के प्रमुख लगातार घूम रुख कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल इजराइल के अंदर चिंता की एक बात यह भी है कि रूस का रुख किधर होता है, हमास का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है रूस में, वहां ईरान के उप विदेश मंत्री भी पहुंचे हैं वहां, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, हम आपको बता रहे थे कि वहां प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है, लेकिन इजराइल एक लौता विकसित देश है जिसने यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन का साथ नहीं दिया और न ही रूस का, अपना संतुलित बैलेंस बनाए रखा, न तो हथियारों से मदद की यूक्रेन की और न ही पश्चिमी देशों ने जो सैंक्शन लगाए थे रूस पर उसका भी समर्थन किया, तो इजराइल की नजर रूस पे भी है कि रूस का रुख क्या होता है। और अब देखिए एस्केलोन के बगल से गुजर रहे हैं और यहां सन्नाटा और भी वीरान होता जाएगा, जो सन्नाटा हमें दिख रहा है उसकी वीरानगी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हम बॉर्डर पे पहुंचेंगे वहां सिर्फ हम और आर्मी के लोग दिखेंगे। एस्केलोन हमारे बगल में है, और आपको बता दें कि पिछले 19 दिनों में
हमने इसराइल को पूरा का पूरा घूमने की कोशिश की, उत्तर से लेकर दक्षिण के बारे में आपको बताया है, तीनों फ्रंट के बारे में बताया है, गाजा फ्रंट जो कि इसराइल बॉर्डर से लगता है, लेबनान फ्रंट जो कि दूसरा फ्रंट है वहां हम गए, तीसरा फ्रंट वहां भी गए जो कि इसराइल और फिलिस्तीन की सीमा है यानी वेस्ट बैंक की सीमा है, वहां भी हम पहुंचे और ये एस्केलोन की तरफ जाता है ये रास्ता, आपको बता दे। अब हम अपने इस वीडियो को यहाँ खत्म करने की कोशिश करेंगे, एस्केलोन की तरफ जाता है लेकिन हमारा रास्ता दूसरा है, आज नेटिवोट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेटिवोट भी एक नजदीक का शहर है, वहां भी लगातार मिसाइल के हमले होते रहते हैं और ये हम अब बढ़ रहे हैं। इसमें ज्यादातर लोग, आपको बता दिए, आम पब्लिक कोई घूमने नहीं आई है, इसमें ज्यादातर लोग ऐसे लोग हैं जो सिविल आर्मी कह सकते हैं, रिजर्व फोर्स के लोगों को कह सकते, उनके लोगों की संख्या इसमें ज्यादा है। तो इसराइल और गाजा के बॉर्डर से फिलहाल इतना ही, न्यूज 18 इंडिया। आप 19 दिनों से लगातार आपको इसराइल के हर कोने से खबर दिखा रहा है न्यूज 18 इंडिया। हम नीरज कुमार और हमारे कैमरा पर्सन, अगर आप हमें देख रहे हैं तो वो हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह की वजह से, और इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं इसराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव से, जो राजधानी मुख्य तौर पे है प्रशासनिक वो तो जेरूसलम है, लेकिन इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं तेल अवीव से, और तेल अवीव से हम लोग जा रहे हैं दक्षिण गाजा की तरफ, यानी उत्तर दक्षिण गाजा की तरफ जा रहे हैं, यानी इसराइल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां गाजा है, एक छोटा सा कोना है कह सकते हैं इसराइल के कोने पर, लेकिन गाजा की तरफ से हमास ने जो किया है वो हम आपको बताएंगे भी, लेकिन इस वक्त आपको दिखा रहे तेल अवीव। कभी कभी हमारे देश के मुंबई जैसा लगता है, मुंबई भी भारत की आर्थिक राजधानी है और तेल अवीव भी इसराइल की राजधानी है, और हमें तो किसी ने बताया कि क्योंकि दोनों शहरों में एक रूपता इसलिए दिखती है क्योंकि एक ही इंजीनियर ने मुंबई और इसराइल के जो तेल अवीव को बनाया है वो एक ही इंजीनियर ने बनाया है, कुछ एक ही इंजीनियर की टीम के लोगों ने दोनों शहरों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और एक और रिश्ता है, भारत के कई शहरों से रिश्ता है, मुंबई के ज्यूज बहुत बड़ी संख्या में आपको इसराइल में मिलेंगे, हमें बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं, 1 लाख के करीब उनकी संख्या है टोटल ज्यूज की जो भारत से आए थे। और इधर करम, आप इधर भी दिखा दे, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर ही गाजा, इसराइल, लेबनान को जोड़ता है तटों पे। अगर आप यही भूमध्य सागर के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो यहां से करीब 70 किलोमीटर के बाद गाजा आ जाएगा, और कुछ खबरें जो आपने देखे कि आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं इसी भूमध्य सागर के जरिए करते हैं, जो आपको हमारे दाईं तरफ दिख रहा है, यहीं से आतंकवादी कोशिश करते हैं, यहां से नहीं बल्कि गाजा और इसराइल के बॉर्डर पे जो कि दक्षिणी हिस्सा है। अब हम आपको बताते हैं, आज हमारे पास मैप भी है और कैमरा पर्सन करम से कहेंगे, इसराइल का पूरा मैप है लेकिन हम सिर्फ आपको उस हिस्से पे बताते हैं इस वक्त हम लोग कहां हैं। इस वक्त हम लोग देखिए यहां है तेल अवीव, ये तेल अवीव है, सेंट्रल इसराइल कह सकते हैं, भूमध्य सागर के बीच में है, हम लोग यहीं पे मौजूद है, हमारी गाड़ी एक ट्रैफिक पे इस वक्त खड़ी है। पिछले 19 दिनों का हाल या 21 दिनों का हाल हम बताए, यहां से हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, इस रास्ते से देखिए, इसी रास्ते से इधर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, यहां से तेल अवीव से निकले, इधर 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 इस तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, ये दक्षिण का इलाका है और यहां से शुरू हो जाता है गाजा, ये पूरा बहुत छोटा सा हिस्सा है गाजा, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जिसका जिला गाजा से छोटा हो, केंद्र शासित प्रदेशों के जो जिले हैं वो गाजा से छोटे जरूर हैं, जैसे माहे हो गया, दिल्ली के ज्यादातर जिले गाजा से छोटे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के जिले गाजा से बड़े हैं, 385 स्क्वायर किलोमीटर महज इसका क्षेत्र पर है, लेकिन आबादी 23 लाख के करीब है, बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। ये बॉर्डर है यहां से लेके, देखिए यहां से लेके यहां तक हम इस वक्त गुजर रहे हैं तेल अवीव से, लेकिन आपको बता दें कि हम जा किधर रहे, हम यहां आज जा रहे हैं, तेल अवीव यहां है और यहां से इस रास्ते होते हुए ऐसे ऐसे ये नेटिवोट है, हम एक गाजा के गांव की तरफ बढ़ेंगे, ये नेटिवोट है, माफ कीजिएगा, इसराइल के गांव की तरफ जो गाजा के बॉर्डर पे, यहां हमें बुलाया गया है और यहां से फिर हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे, गाजा की सीमा के करीब बढ़ेंगे
और आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बता दें, आपने तमाम खबरें हमारे साथ देखी है, न्यूज 18 इंडिया के साथ देखी है, न्यूज 18 इंडिया आपको लगातार बताता रहा है कि कैसे हमला हुआ। फाराजा, ये फाराजा है, अगर कैमरे पे दिख रहा हो करम आपको दिखा पा रहे हो तो, बेरी, ये बेरी और इसके आसपास रेम, ये तीनों एरिया एपी सेंटर था, बहुत यहां से करीब है, महज 800 मीटर से 1-2 किलोमीटर की दूरी होती है। लेकिन इस बीच आपको तेल अवीव दिखा देते हैं, तेल अवीव में कुछ कुछ गाड़ियां आपको दिख जाएंगी क्योंकि ये इसराइल के सुरक्षित शहरों में से जाना जा रहा है। दक्षिण का जो शहर है एश्केलोन, अशडोड, वो बहुत संकट के शहर है, वहां खतरा ज्यादा है। जेरूसलम इसराइल के पश्चिम में है, वहां भी खतरा कम है, लेकिन वेस्ट बैंक क्योंकि नजदीक है तो वो तीसरा फ्रंट कभी भी हो सकता है। तो अब यहां से हम लोग बढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं तेल अवीव, आज फ्राइडे का दिन होता है और फ्राइडे हाफ डे होता है, यहाँ फ्राइडे और सैटरडे शब्बात होता है ज्यूज के अपने उनके समुदाय में, तो शनिवार को कोई काम नहीं करता, हमें ड्राइवर भी नहीं मिलते ज्यूज समुदाय के, कोई बहुत मुश्किल से कई बार मिलता है, और दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव देश भी है और ये शहर भी है। आपको बता दें, ये देख सकते हैं सन्नाटा पूरा पसरा हुआ है इस वक्त, और 19 दिनों में क्या कुछ हुआ है एक बार आपको वो भी बता दें। तेल अवीव में कई रॉकेट दागे गए, आज से महज 2 दिन पहले शाम को 5 बजे एक के बाद एक 100 रॉकेट तेल अवीव और उसके आसपास जो बेन गुरियों एयरपोर्ट है तेल अवीव से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर, इन इलाकों में दागे गए, कुछ गिरे, ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया। हम हाईवे पे थोड़ी देर में पहुंचेंगे और आपको बताएंगे ये रास्ता जो है गाजा की तरफ जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया आपको गाजा की तरफ ले जा रही है और गाजा के बारे में हमने आपको मैप में समझाया। दरअसल इसराइल ने कई फ्रंट खोल रखा है, एक दूसरा फ्रंट आपको दिखा दे, गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन उस फ्रंट के बारे में भी बता दे। ये देखिए, ये पहला फ्रंट दक्षिण का जो गाजा करम सिंह ने आपको दिखाया कैमरे पे, ये दूसरा फ्रंट है, ये दूसरा फ्रंट है लेबनान, लेबनान ये दूसरा फ्रंट है, सीरिया के, ईरान के कुछ ईरान के मिलिशिया पे आज अमेरिका ने हमला किया, वो सीरिया इधर है, सीरिया के कैंप पे हमला किया, ये जॉर्डन है, लेबनान सीरिया इधर है जो कि इस मैप पे नहीं दिख रहा, ये सीरिया समझ सकते, जॉर्डन और नीचे यहां इस तरफ नीचे जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे मिस्र, ये मिस्र है, इजिप्ट जो कि इस मैप में पूरा नहीं है, और ये गाजा है। वेस्ट बैंक के बारे में जो आप लोग बात सुनते हैं, वेस्ट बैंक क्योंकि गाजा और वेस्ट बैंक को मिलाकर फिलिस्तीन बनता है लेकिन दोनों के बीच में दूरी, आपको हिंदुस्तान के तरीके से समझाते हैं, जब पाकिस्तान एकजुट था यानी बांग्लादेश और 1971 से पहले पाकिस्तान एक था, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो एक को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, एक को पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से भी हम लोग जानते थे, तो पश्चिमी जो हिस्सा है वो कह सकते एक हिस्सा एक तरफ है और पूर्वी हिस्सा एक तरफ है, तो ये है वेस्ट बैंक और गाजा। तो ये आपको मैप के जरिए समझा दिया, अब आपको चलते हैं 19 दिन के बारे में बताते हैं। दरअसल ये रास्ता हम बढ़ रहे हैं गाजा की तरफ, थोड़ी देर बाद महज आधे पौन घंटे के बाद हम गाजा की तरफ पहुंच जाएंगे, उसके बॉर्डर पे पहुंचेंगे। आज हमारा मकसद है कि ये कैसे गांव तक पहुंचे जो सबसे करीब है, पिछले 20 दिनों में हम वहां इसलिए नहीं जा सके, कभी लेबनान बॉर्डर, कभी बेरी, कभी रेम, कभी एसडेरोट, तमाम जगह की खबरें आप तक ला रहे थे हम और करम सिंह, लेकिन ये रास्ता देखिए, ये जो गाड़ियां दिख रहे हैं, आपको एक और चीज बता दें, हमारे एंकर ने हमसे पूछा कि सड़कों पे गाड़ियां बहुत दिखती हैं, इन गाड़ियों में हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे हों जो रिजर्व ड्यूटी के लोग हों, जो रिजर्व ड्यूटी में जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा गुरुद्वारे में लंगर के लिए जो बहुत युवा आते हैं, आधे 1-2 घंटे अपनी सेवा देते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह से रिजर्व फोर्स के लोग, हर घर से कोई ना कोई जवान है यहाँ जो इस वक्त में युद्ध की घोषणा हो चुके, वो 8 घंटे के लिए या कुछ घंटे के लिए जाएगा, वो अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर देगा, अपनी ट्रेनिंग लेगा और उसके बाद वो आ जाएगा, सेना में जाके अपनी सेवाएं देगा, उसके बाद आ जाएगा, यानी देश की सेवा का जज्बा पूरे दुनिया के किसी देश में इसराइल जैसा नहीं हो सकता जैसा कि दिख रहा है, और हमेशा ऐसा नहीं कि बाकी लाइफ रुक जाता, अभी लॉकडाउन की स्थिति है, ये देखिए ये सब ज्यादा अभी आपको टेक होम की जो फैसिलिटी है, जो सुविधाएं देते हैं वो ज्यादा हमको सड़कों पे कई बार नजर आते हैं, ट्रैफिक नियम का पालन यहाँ खूब होता है, लेकिन अब आपको बताते हैं क्या हुआ है पिछले 19 दिनों में। जब हम पहली बार यहाँ पहुंचे 9 तारीख को 10 से 11 बजे के बीच में जब हमारी लैंडिंग हुई थी, तो यहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर
बेन गुरियों एयरपोर्ट है जो कि तेल अवीव से नजदीक है, वहीं पे सायरन की आवाज आती है और सारे यात्रियों को छुपा दिया जाता है एक शेल्टर के अंदर, और वहीं से हम अपनी पहली रिपोर्टिंग करते हैं यहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर, जबकि तेल अवीव सबसे सुरक्षित है और गाजा के करीब के शहर सबसे ज्यादा खतरनाक इलाके माने जाते हैं सुरक्षा के दृष्टि से। सबको आप लोग कहेगा जो भी इसराइल में आपको मिलेगा, बावजूद इसके कि वो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे, वो जब भी आपको मिलेंगे तो जरूर कहेंगे बी सेफ। तो यहां से हम लोग बढ़ चुके हैं गाजा की तरफ, आपको तस्वीरें दिखा रहे करम सिंह, करम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। भीड़ रहती है, जैसे मुंबई शहर चलता है उसी तरह से ये शहर चलता है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं आज एक तो शुक्रवार की वजह से बहुत कम गाड़ियां हैं, लॉकडाउन की वजह से पहले से ही सड़कों पे कम गाड़ियां हैं। शुक्रवार हाफ दिन के बाद आज हमारे जो पायलट है वो भी, उन्होंने भी कहा कि उन्हें घर जल्दी जाना है, हमारे साथ में मौजूद हैं। ये देखिए सारी दुकानें आपको बंद होंगी, हम पहले भी इस तरह की रिपोर्ट आपको दिखा चुके हैं, लेकिन गाजा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसराइल गाजा बॉर्डर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और दक्षिणी गाजा के बॉर्डर की तरफ भी कल हम थे। होलीत एक किबुज है, किबुज यानी गांव, छोटा समुदाय जहां 85 लोग रहते थे, उन्हें भून दिया गया, ग्रेनेड से उड़ा दिया गया, 14 लोगों की जान ले ली गई, और हर तरफ आपको इसराइल का झंडा दिखेगा। करम ऊपर के इसराइल के झंडे को दिखाई यहां से, ये इसराइल के झंडे आपको जो दिख रहे हैं स्टार जैसे ब्लू और व्हाइट के बैकग्राउंड पे, ये आपको सिर्फ शहर में नहीं हर जगह दिखेगा जहां भी इसराइल का कब्जा है। चाहे वेस्ट बैंक की तरफ हम गए थे, वेस्ट बैंक के साइड में गए थे और वहां के बॉर्डर पे देखे, वेस्ट बैंक और इसराइल के बॉर्डर पे वहां इस तरह के इजरायली झंडे आपको देखने को मिल रहे थे। चाहे आप गाजा और मिस्र के ट्राइजंक्शन पे जाते, इसराइल के ट्राइजंक्शन पे जाते, वहां देखने को मिल रहा था। लेबनान बॉर्डर पे जब हम गए, इसराइल लेबनान बॉर्डर पे, वहां यह देखने को मिला। मेतुला जो कि सबसे उत्तर का गांव है, वहां जब पहुंचे तो वहां इस तरह के झंडे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसराइल इस वक्त पूरे युद्ध की स्थिति में है, हम कह सकते हैं कि तेल अवीव क्योंकि सेंट्रल में है, हमास कोशिश करता है कि यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि आयरन डोम उसकी सुरक्षा के लिए यहां मौजूद है उन मिसाइलों से, और क्योंकि जब गाजा से 70 किलोमीटर की दूरी पर तो मिसाइल के पहुंचने में करीब करीब 1 मिनट का वक्त लगता है, तो आयरन डोम का भी रिस्पांस टाइम होता है 1 मिनट का होता है, यानी वक्त ज्यादा मिलता है। अगर एस्केलोन जो कि बिल्कुल 10 किलोमीटर की दूरी पे है गाजा की सीमा से, अगर एस्केलोन पे मिसाइल मारा जाता है तो 30 सेकंड का वक्त मिलता है आयरन डोम को महज, और लोगों को अपने आप को छुपाने के लिए भी। जैसे अगर मान लीजिए, आपको बता दें एक अपना खुद का वाकया भी हम बताएंगे, इसी तरह की एक सड़क से हम गुजर रहे थे, आ रहे थे उस दिन दक्षिण गाजा की तरफ से तरफ, तो अचानक से कई सायरन की आवाज आती है और इसी इन्हीं सड़कों पे तमाम गाड़ियां, ये चलती हुई गाड़ियां जो आपको दिख रही है, एक के बाद एक रुक जाते हैं और हम लोग बिल्कुल सो जाते हैं। जो यहाँ का प्रोटोकॉल है, जो यहाँ का सेफ्टी प्रोटोकॉल है, तमाम लोग सड़कों पे सोए हुए मिलते हैं। इस तरह की स्थिति भी पैदा होती है बीच बीच में। आमतौर पे दोपहर के बाद तेल अवीव पे हमला करता है मिसाइल से हमास, लेकिन सुबह में हमला कम करता है, लेकिन आज शुक्रवार का दिन है। आज जो हॉट एरिया, आज जो हॉट एरिया है उसके बारे में बता दें, वेस्ट बैंक का एरिया हॉट रहेगा, जहां रमल्ला है वहां जाना थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है। हमने एक दौरा किया था रमल्ला, जो कि आज की तारीख में राजनीतिक राजधानी है वेस्ट बैंक की, वहां लोग प्रोटेस्ट करते हैं। इसके अलावा जेरूसलम, पिछले शुक्रवार को जेरूसलम में हम लोग मौजूद थे, जहां अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना करने को लेकर लगातार इजरायली सेना और अरबिक मुस्लिम समुदाय के लोगों में झड़पें होती रहती है। 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को सिर्फ आज शुक्रवार को वहां जाने की इजाजत होती है प्रार्थना करने की, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और यहाँ के बॉर्डर से, यानी गाजा और इजराइल के बॉर्डर से, तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। 7,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 1,400 से ज्यादा लोग इजरायली साइड मारे गए, 7,000 से अधिक लोग गाजा वेस्ट बैंक की तरफ टोटल मिला के मारे गए हैं। इसके अलावा 1,400 से ज्यादा 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था वहां मारे गए थे ज्यादातर लोग बॉर्डर पे, जिसमें सैनिक, विदेशी नागरिक, यहूदी, सीमा पर रहने वाले लोग, ज्यादातर किबूज के लोग मारे गए थे। लेबनान बॉर्डर पे जो हमला किया है, लेबनान बॉर्डर पे हिजबुल्ला और
इसराइल के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसमें भी हिजबुल्ला के कई आतंकवादी मारे गए हैं, सोल्जर भी मारे गए हैं इसराइल और लेबनान बॉर्डर पे। गलीली अस्पताल हम आपको लेकर गए थे, कैसे वो बंकर अस्पताल में तब्दील हो गया है, तो लगातार आपको हर चीज वो बता रहे हैं। 20 दिन में इसराइल ने एक बड़ा रेड किया, बड़े रेड में कई बड़े ठिकाने उनके ध्वस्त किए। दरअसल इसराइल की सरकार पे दबाव है कि वो जल्दी से जल्दी, दबाव यहाँ के लोगों की तरफ से कि जल्दी से जल्दी जमीनी आक्रमण करे, यानी वो अंदर की तरफ घुस जाए। लेकिन इसराइल चाहता है कि वो धीरे धीरे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करे, क्योंकि 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसराइल नहीं चाहता कि अब एक भी जवान की जान जाए, इसीलिए सारे एरिया को जो 51 किलोमीटर की सीमा, आपको बता दें कि गाजा की लंबाई उत्तर से दक्षिण 41 किलोमीटर है, चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर है, और जो इसराइल से सीमा लगती है गाजा के उत्तरी इलाके से लेकर गाजा के दक्षिणी इलाके तक, जहां मिस्र इसराइल और गाजा मिलते हैं, उसकी लंबाई 51 किलोमीटर है बॉर्डर की। बॉर्डर के नजदीक बहुत सारे शहर है, उनके बारे में आपको बता दें, जैसे एस्केलोन, अश्डोड, 10 किलोमीटर से बाहर है, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है वो। एस्डेरोट 800 मीटर की दूरी पे है गाजा से, एस्डेरोट जहां पुलिस थाने पे कब्जा कर लिया था हमास के आतंकियों ने और थाने को ही उड़ा दिया था, और बाद में आर्मी की सेना आई से हमास के आतंकवादियों को ढेर किया। इसके अलावा उफाकीम, नेटिवोट, थेरेम शलोम, गांव फाराजा, रेम, बेरी, निराम, नीरिम, जिकीम, जिकीम बीच पर बहुत बड़ा हमला किया गया था, उफाकीम, ये सब बॉर्डर एरिया है। और एक बॉर्डर है जहां से पहले 7 अक्टूबर से पहले इरेज बॉर्डर और नॉर्दर्न साइड इरेज बॉर्डर है, जहां से फिलिस्तीन के लोगों को, यानी गाजा के लोगों को, इसराइल के अंदर आने की इजाजत थी। हम अभी वेस्ट बैंक की बात नहीं करें, गाजा की बात करें, गाजा वेस्ट बैंक से बिल्कुल दूर है, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में है, मध्य भूमध्य सागर और इसराइल के बीच में है, और दक्षिणी सीमा जो है जिसे राफा बॉर्डर वहां आता है वो मिस्र से लगता है, राफा बॉर्डर से ही मानवीय सहायता पहुंच रही है। तो इसराइल अभी इसलिए आक्रमण नहीं कर रहा है कि वो अपनी तैयारी ऐसी कर लेना चाहता है ताकि आने वाले वक्त में उस पर सवाल न उठाए। एक बार फिर हम आपको मैप के जरिए बताएंगे। करम, आप देखिए, ये देखिए, हम लोग बाहर निकल चुके हैं तेल अवीव से, तब तक हम मैप खोलते हैं, एक बार फिर आपको बताते हैं क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। लगातार सीमा पर ये शहरों के नाम आप देख रही है, मेन हाईवे है, यहाँ बीच बीच में गाड़ी रोक नहीं सकते, रोकेंगे तो तुरंत पुलिस आ जाएगी, पहले तो आपसे पूछेगी। और एक और महत्वपूर्ण बता दे, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दे आपको, जो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यूं तो प्रेस कहने से ही आपको, आपके, आपको बहुत डिस्टर्ब नहीं करते, चाहे कोई भी हो, चाहे हम पश्चिमी बैंक की तरफ जाएं यानी फिलिस्तीन में जाएं या फिर इसराइल में रहे, लेकिन अब जब आप इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, तो आपको यहाँ के लोग कहेंगे वी लव इंडिया। इसराइल के लोग कहते हैं वी लव इंडिया, और बस कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का नाम ही एक बहुत बड़ा पासपोर्ट है यहाँ के लिए। और हमारे साथ जो कैमरामैन है उनको देखकर भी उनके पास लोग आते हैं, उनसे भी एक हमारी पहचान बनती है। तो इस तरह से लगातार हम जो कवर कर रहे हैं हिंदुस्तान के नाम पे, भारत के नाम पे, इंडिया के नाम पे, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत सारे जवान होते हैं, आपको बता दें बहुत सारे जो यहाँ मिलिट्री के जवान होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हिंदुस्तान घूमने जाते हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में घूमना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा। किसी को आप बोल दीजिए इंडिया तो बोलेगा वो इंडिया, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह की बात वो कर। अब आपको एक बार फिर मैप पे आपको ले चलकर समझाते हैं। देखिए, इस पूरे बॉर्डर पे अभी इजराइल की सेना तैनात है। यह पूरा बॉर्डर 51 किलोमीटर का यहां से लेकर गाजा इजराइल का बॉर्डर है। कुछ एरिया बफर जोन है, कुछ एरिया के आगे हमें भी जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन ये जो इलाका है, ये यहां ऊपरी हिस्सा, ये जो देख रहे हैं यहां तक उत्तर का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा एरेज क्रॉसिंग है। पहले 7 अक्टूबर से पहले यहीं से होकर गाजा के लोग यहां इजराइल में पहुंचते थे और काम करके लौट जाते थे। हालांकि इसराइल के लोगों का गाजा में जाना नहीं होता था, वो नहीं जाते थे। यहां देखिए कौन कौन महत्वपूर्ण शहर है, गाजा सिटी यहां है, गाजा सिटी उत्तर में है, बेत लहिया है, बेत हनून है, अब नीचे आ जाए एक बार, तो ये इस उत्तर के इलाके में फोकस है इजरायली सेना का। सारे बॉर्डर पे तैनाती बढ़ा दिया, हर जगह हमला किया जा रहा है,
लेकिन इस बॉर्डर में, क्योंकि यहाँ गाजा में हमास के लोगों का दबदबा है, क्योंकि यहाँ से जब हमला करते हैं तो जब यहाँ से हमला करेंगे, मान लीजिए यहाँ से जब हमला करते हैं तो दूरी कम हो जाती है। जब उत्तर से इन शहरों पे हमला करते हैं जैसे अशडोड, एस्केलोन, तेल अविव, यहाँ से जब गोला फेंकेंगे, मिसाइल फेंकेंगे तो दूरी कम हो जाती है। अगर यहाँ से फेंकेंगे दक्षिणी इलाके से, तो जहाँ यहाँ से आपको गाजा और इसराइल बॉर्डर से आप 2 किलोमीटर की दूरी से गोला फेंक सकते हैं, तो यहाँ आपको 35 किलोमीटर ज्यादा जाना होगा। तो ये उत्तर के इलाके में हमास का दबदबा अधिक है और इस बॉर्डर को ज्यादा तबाह करने की कोशिश में कल परसों जो बड़ा रेड किया गया है वो इसी इलाके में किया गया है, इस इलाके में कहीं लोकेशन हमसे साझा नहीं किया गया है, इस इलाके में किया गया। एस्टेरोट यहाँ देख सकते हैं, एस्टेरोट महज 800 मीटर की दूरी पे, यहाँ आपको दूरी जो दिख रही है ये बहुत कम है। एस्टेरोट शहर 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन एस्टेरोट की बाहरी सीमा जो है वो बिल्कुल बगल में। और ये नीराम, अभी हम जिक्र कर रहे हैं, ये नीराम है। कभी कभार हम लोग यहाँ से खड़े होकर भी अपनी टीवी रिपोर्टिंग करते हैं, नीराम बिल्कुल बॉर्डर पे है, यहाँ से आगे अंदर हमें नहीं जाने दिया जा रहा, यहाँ से आगे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और तमाम बॉर्डर का यही हाल है। तो ये है यहाँ का लेबनान बॉर्डर पे भी लगातार हिजबुल्ला और इसराइल के बीच वॉर जारी है। 20 से ज्यादा शहरों को, करीब 30 शहरों और गांव को खाली करा दिया गया है। और एक बार आपको मिडिल ईस्ट के बारे में बता दें, मिडिल ईस्ट में क्या स्थिति है, देखिए मिडिल ईस्ट का भी मैप है हमारे पास, उसमें अगर आपको बताएंगे तो ज्यादा सहूलियत नहीं हो पाएगी। मिडिल ईस्ट का अंदर मैप है, ये मिडिल ईस्ट है, अगर हम थोड़ा क्लोज होकर दिखा सकते हैं तो दिखाई, मिडिल ईस्ट के ये तमाम देश है, उनकी राजधानियां हैं, और यहाँ एक छोटा सा देश इसराइल है, इसराइल यहाँ है, छोटा सा बिल्कुल देश। और जब भी इसराइल में कुछ होता है तो यही चर्चा होती है कि पूरे मिडिल ईस्ट में लड़ाई भड़क सकती है। और आज जो आपको एक चीज और बता दे, जो आज सीरिया यहाँ है, सीरिया, लेबनान इधर है, लेबनान, और जो आज हमला किया है सीरिया में, अमेरिका ने हमला किया है सीरिया में, जहाँ ईरानी मिलिशिया का ये था, ईरानी मिलिशिया के जो कुछ कैंप थे उन पे हमला करके, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 22 अमेरिकी घायल हुए थे इस तरह के हमले में। तो इस वक्त हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अशडोड, विच साइड, विच सिटी, अशडोड की तरफ बढ़ रहे हैं। अशडोड महज 20 किलोमीटर के लमसम होगा, जो एस्केलोन से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 20 किलोमीटर की दूरी पे है, हम एस्केलोन की तरफ बढ़ रहे हैं। एस्केलोन शहर में आज हमें हमारे जाने का प्लान नहीं है, नेटिवोट जाएंगे, नेटिवोट से हम आगे की यात्रा करेंगे। और देखिए ये जो गाड़ियां आज आपको दिख रही है, इसमें से ज्यादा लोग सिविल डिफेंस होंगे, जो रिजर्व ड्यूटी पर रहते हैं। इसराइल में 4.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो रिजर्व ड्यूटी में रहते हैं, जिनको आर्मी की ट्रेनिंग रहती है, और जब भी युद्ध की स्थिति होती है वो थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके युद्ध में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा IDF के फोर्सेज हैं, जो हमेशा आर्मी में अपनी ड्यूटी देते रहते हैं। तो 3 लाख लोग आ चुके हैं रिजर्व ड्यूटी में, और एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि इनमें बहुत कारण में हो सकता है कि रिजर्व ड्यूटी के लोग होंगे जो जा रहे होंगे बॉर्डर पे, अपनी गाड़ी ऐसे पार्क करते हैं कि जैसे हिंदुस्तान में हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, जिम में जाते हैं, या अपने ऑफिसेज में जाते हैं, गाड़ी बाहर पार्क करते हैं और ड्यूटी करने लगते हैं। तो इनका वही हाल इस वक्त है वॉर की स्थिति में, ये अपनी गाड़ी पार्क करेंगे आर्मी के बेस पे जहां इनकी ट्रेनिंग चल रही होगी, वहां 7-8 घंटे की, जितने घंटे की सेवा देनी होती है वो सेवा देंगे और अपने घर लौट आएंगे। लगता ही नहीं है कि इनके घर से अगर कोई पहले भी शहीद हो चुका है तो इनके जज्बे में कोई कमी नहीं रहती। इसराइल ये सिखाता है, यहाँ के लोग ये सिखाते हैं कि जज्बा कैसे पैदा किया जाता है अपने देश को लेकर। किबुज में इतने हमले हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दें अभी भी लोग कहते हैं, इसराइल के लोग, कि वो जाना चाहेंगे किबुज में। प्लीज विंडो अप, ऑल विंडो। तो आपको ये हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, आवाज में प्रॉब्लम आ रही होगी, बाहर की गाड़ी की आवाज आ रही है। और ये देखिए अशडोड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नेटिवोट की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत गाड़ियां चलती है इस हाईवे पे, क्योंकि 400 किलोमीटर की लंबाई में लगभग है, और जो इसराइल है उसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर मैक्सिमम चौड़ाई, लंबाई 400 किलोमीटर है। लेबनान बॉर्डर से लेके इधर मिस्र के बॉर्डर से जहां रेड सी है,
उस तरफ डेड सी भी है, हालांकि डेड सी वेस्ट बैंक के बगल में है। और फिर चौड़ाई की अगर बात करें तो मध्य में सबसे ज्यादा चौड़ाई है, उसके अलावा मध्य के दक्षिण में थोड़ी सी ज्यादा चौड़ाई है, तो मैक्सिमम चौड़ाई 100 किलोमीटर है। बहुत छोटा देश है, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है और बहुत विवादित एरिया है, तो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर से लेकर 27,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का दावा किया जाता है। और इस वक्त ये तस्वीरें बस आपको दिखा रहे हाईवे की, जैसे जैसे आप बॉर्डर की तरफ जाएंगे गाड़ियों की संख्या कम होती जाएगी। कल जब हम एक गांव में गए थे जीपीओ के साथ, जो कि यहां का सरकारी प्रेस विभाग है, उनके साथ गए थे, तो सिर्फ हमारी बस नजर आ रही थी उस सड़क पे, और इसके अलावा जो हमें स्कॉट कर रही थी गाड़ियां, अशडोड आपको बीच बीच में लिखा हुआ दिख रहा होगा, अशडोड आने वाला है, दक्षिण का शहर है, भूमध्य सागर के तट पे है, उसके आगे एस्केलोन आएगा, एस्केलोन से थोड़ा सा बगल में एस्टेरॉट है जो कि समंदर की सीमा पे नहीं है, सागर की, भूमध्य सागर की सीमा पर नहीं है। लगातार न्यूज 18 इंडिया आपको पिछले 19 दिनों का हाल बता रहा है, लेबनान बॉर्डर पे क्या चल रहा है वो भी आपको एक बार बता दे, क्योंकि दक्षिण के बारे में तो हम लगातार आपको बता रहे हैं। दक्षिण के लेबनान बॉर्डर पे इस वक्त, लेबनान बॉर्डर पे जो 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन है, लेबनान और इजराइल के बीच 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन है, हालांकि अभी भी बहुत एरिया विवादित है, लेकिन 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन है और 120 किलोमीटर की सीमा पर पहाड़ी इलाका है, मिडिल हाइट हिली एरिया है, यानी मध्यम आकार के पहाड़ी दोनों देशों को बांटती है। जितने भी शहर, जितने भी गांव, फार युवाल है, फार युवाल, KFARYUVAL, केरल के ज्यूज, केरल से जो यहूदी आए थे उन्होंने उस गांव को बसाया था। हम वहां पहुंचे तो वो गांव बिल्कुल खाली था, सामने बैरिकेडिंग की गई थी, अंदर कोई मौजूद नहीं था, और वो एक ऐसा स्पॉट था जहां से लेबनान आपको साफ दिखता है। इसके अलावा लेबनान के उत्तर में एक गांव है मेतुला, मेतुला की आबादी 1500-1600 लोगों की है महज, लेकिन वो भी गांव खाली है। वो तीन तरफ से, यानी अगर 360 डिग्री उसको सर्किल करें तो 270 डिग्री उसका लेबनान से घिरा है, सिर्फ 90 डिग्री इजराइल से घिरा। उस गांव भी हम पहुंचे थे, किरियात समोना, जहां की आबादी 24,000 किलोमीटर है, उस शहर को खाली करा दिया गया। वहां भी एक युवक से हमारी मुलाकात हुई थी जो अपने चार बच्चों के साथ जेरूसलम की तरफ शिफ्ट हो रहे थे युद्ध की वजह से। उन्होंने कहा कि वो अपने इस शहर में लौटेंगे जरूर। वहां का टेरेन, लेबनान का टेरेन, यानी स्थलाकृति जो है लेबनान और इजराइल बॉर्डर की, और दक्षिण का टेरेन, दक्षिण का इलाका मैदानी है, जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तेल अवीव से लेबनान की तरफ तो पहाड़ की तरफ बढ़ते जाएंगे, और पहाड़ों पर जंगल बहुत कम होता है। ऐसा नहीं होता कि जंगल हो, जैसे कश्मीर की पहाड़ियों में आपने देखा होगा, वहां या तो बर्फ मिलेगा, या फिर हिमाचल की पहाड़ियों में देखा होगा, उत्तराखंड की पहाड़ियों में देखा होगा, वहां अलग अलग पेड़ होते, लेकिन यहां वैसे पेड़ कम दिखने को मिलते, झाड़ियां छोटी मोटी देखने को मिल जाएंगी। न्यूज 18 इंडिया बढ़ रहा है, इधर से जेरूसलम का भी रास्ता कटता है, सामने में देखिए जो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, जहां अल अक्सा मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना को लेकर लगातार अरबिक समुदाय के लोगों और इजराइल के आर्मी के बीच झड़पें होती रहती है। जेरूसलम इजराइल के पश्चिमी हिस्से में, माफ कीजिएगा, पूर्वी हिस्से में है, और जेरूसलम से ही वेस्ट बैंक शुरू होता है। गाजा तो बिल्कुल दूसरी तरफ है, लेकिन वेस्ट बैंक का जो इलाका है, जो फिलिस्तीन जो है, आपको बता दें जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक देख रहे हैं, फिलिस्तीन दो इलाकों से मिलकर बनता है, एक वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा। गाजा बिल्कुल छोटा है जहां हमास का दबदबा है, वेस्ट बैंक बड़ा है जहां हमास का प्रभाव कम है। लेकिन वेस्ट बैंक के लोगों से हमारी बातचीत हुई, वो भी हमास के समर्थन में थे। देखिए, आतंकी गतिविधियों को, आतंकी कृत्य को अंजाम दिया। एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बता दे, अभी महज दो दिन पहले, यानी परसों हमें 43 मिनट का एक वीडियो दिखाया आईडीएफ ने, वो वीडियो जारी नहीं किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दिखाया गया। ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसे ऐसे फुटेज, ऐसे ऐसे ऑडियो उसमें देखने को मिले कि आप एक मानव के लिए या एक इंसान के लिए उसे देखना बहुत ही दर्द भरा था, आपको रोक देता, ऐसा आपको महसूस कराता कि किसी तरह से आप बाहर निकल रहे हैं। ऐसी विभस्त तस्वीरें
उसमें दिखाई गई है। इधर से करम एक बार दिखा दीजिए, ये अस्डोड है, दिस इज अस्डोड, ये अस्डोड सामने में शहर है। अस्डोड हम कई बार जा चुके हैं, न्यूज 18 इंडिया की टीम कई बार अस्डोड की तरफ जा चुकी है, और लेकिन शहर पूरा वीरान मिलता है। किसी भी शहर में चले जाए वहां आपको वीरानगी मिलेगी, वहां आपको वीरानगी देखने को मिलेगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं ये अस्डोड का कि कुछ ऊंची इमारतें हैं वो आपको दिख रहे, बीच में आपको एक ट्रेन लाइन भी गुजरती है, ट्रेन की लाइन भी गुजरती है, वो अभी यहां से हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ट्रेन की सुविधा भी यहां अच्छी है, ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वक्त देखिए आप इधर से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अस्डोड यानी दक्षिण की तरफ हम आ गए हैं, यहां जैसे आगे बढ़ेंगे गाड़ियों की संख्या आपको कम दिखेगी। अभी कुछ दिख रहा है, धीरे 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 गाड़ियों की संख्या कम दिखेगी। जो गाड़ियां दिखेंगी वो डिफेंस स्टाफ की होंगी, रिजर्व डिफेंस के लोगों की होंगी। और न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को एक और खास चीज बता दें, कैसे हमें पता चलता है कि अलर्ट हुआ। एक चीज, जब आप न्यूज 18 इंडिया को लगातार देख रहे, देश के नंबर वन न्यूज चैनल और देश के नंबर वन यूट्यूब चैनल को जब आप देख रहे हैं, तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आखिर कैसे हम अपनी रिपोर्टिंग भी करते हैं और कैसे लोग यहाँ अपने आप को सुरक्षित जगहों पर ले आते हैं। आपको दिखाते हैं कैसे हमें मिसाइल अलर्ट मिलता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में, डेढ़ से दो मिनट में। ये देखिए पहले आपको अस्डोड दिखा दे, अस्डोड दूर से ही पता चल रहा है कि शहर में सन्नाटा है, दूर से ही पता चल जाएगा कि आपको शहर में सन्नाटा है। यहां से महज कुछ दूरी पे एस्केलोन है, जहां करीब हजार की संख्या में अब तक मिसाइल दागे गए होंगे। उस शहर को भी खाली कर दिया गया है, बहुत होटल खाली कराए गए हैं और एस्केलोन में कुछ हिस्से को खाली कराया गया है। अगर लोग घरों में भी हैं तो घर के अंदर ही रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, गाड़ियों से निकलते हैं और दूसरे शहर की तरफ चले जाते हैं। तो अब आपको दिखा, ये रेलवे लाइन आप देख सकते हैं, तेल अवीव से ये रेलवे लाइन आती है, ट्रेन लाइन आती है जो हमारे दाई तरफ आपको दिख रहा है, राइट हैंड साइड हमारे। अब आपको दिखाते हैं, ये हम बार बार कह रहे कि आखिर लोगों को कैसे पता चलता है कि हमास ने कोई हमला किया, मिसाइल दागा है शहरों पे। ये देखिए इस तरह के कई ऐप होते हैं हमारे पास, जो ऐप है जोफार, TZOFAR, ये जोफार ऐप है, इसको हमने डाउनलोड किया है, इसको डाउनलोड किया, और डाउनलोड करके ओपन सेटिंग्स में जब आप सेटिंग ओपन करते हैं तो हमने जितने भी शहर हैं इसराइल में, आपको दोबारा से खोलते हैं, ये जितने भी शहर इसमें जो नाम दिख रहे हैं, इसमें तेल अवीव यहां दिख रहा है, देखिए अगर दिख रहा होगा तेल अवीव सिटी, कल शाम को 6 बजे तेल अवीव सिटी पे हमला किया गया था, एक साथ कई रॉकेट दागे गए थे। तो जब हमला होता है तो एक सेंसर होता है, सेंसर उसको कैच करता है और जिस शहर पे हमला होता है वहां का सेंसर, उस सेंसर से ये ऐप लिंक है जोफार। अब देखिए जैसे ये गाजा इनवेलप, आज रात को अभी तक आपको बता दे कोई भी मिसाइल, अभी तक सुबह से 10:11 हो रहे हैं, एक रात में मिसाइल छोड़ा गया था 2:51 में, भारत के समय के मुताबिक 3:21 पे, भारत के समय के मुताबिक 5:21 पे, और यहां के समय के मुताबिक बीती रात 2:51 पे। आज अगर बात करें सुबह से, ये बेरी में छोड़ा गया था, तो कैसे पता चलता है, मान लीजिए बेरी में कोई छोड़ा जाता है मिसाइल तो अलर्ट आ जाता है तुरंत, और हम खुद अलर्ट आता है तो आवाज आती है इसमें, और इसको हम खोल के देखते हैं ओपन करके, तो बेरी, अगर हम बेरी में हैं तो हम अपने आप को तुरंत शेल्टर ले लेंगे। अगर हम बेरी पे छोड़ा गया और तेल अवीव में है तो शेल्टर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेरी में आपके पास टाइम कम होता है। आपने अगर इसके ऊपर देख रही है गाजा इनवेलप लिखा हुआ है, गाजा इनवेलप से मतलब यह है कि जो गाजा से 7 किलोमीटर के दायरे में जो शहर है, जो गांव है, जो छोटे कस्बे हैं, जो छोटे किबुज हैं, वो उनको इंगित करता है गाजा इनवेलप। पूरे गाजा बॉर्डर से, इजराइल गाजा बॉर्डर पे जो 7 किलोमीटर का दायरा है उसको ये दर्शाता है, जहां 70,000 यहूदी रहते हैं, कुल 1 करोड़ की आबादी है यहां इजराइल की, उसमें 70,000 इस गाजा इनवेलप में रहते हैं। तो हम जो हमारी तैनाती आमतौर पर डे टू डे होती है इसी गाजा इनवेलप में, तो और अगर हम हमारे जैसे तेल अवीव में है,
रात कल हम तेल अवी में थे, शाम को जब तेल अवी में हमला हुआ तो हमने तुरंत शेल्टर ले लिया क्योंकि तेल अवीब का अलर्ट था, और उसके बाद तमाम रॉकेट को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया। तो इस तरह से किया जाता। अब दक्षिण के बहुत नजदीक आ गए हैं, ये देखिए झंडे आपको और बढ़ते जा रहे हैं। दक्षिण की तरफ झंडे कई इलाकों में बहुत ज्यादा होते हैं, और जैसे जैसे इलाके बढ़ते, आपने देखा होगा ये हाईवे है इसलिए आपको कहीं भी पुलिस के लोग बहुत कम दिखेंगे। बीच बीच में एक दो जगह हमें देखने को मिले, इसके अलावा पुलिस आर्मी के लोग कम देखने को मिले, लेकिन जो गाड़ियां जो जा रही हैं इधर दक्षिण की तरफ उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आर्मी में अपनी सेवा देने जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करने जाते हैं। ये येलो बैकग्राउंड पे यहाँ का नंबर होता है। कुछ टैक्सीज होती है, प्राइवेट कार्स भी होते हैं जो हमें दिखता है, वो जैसे इंडिया में आपने देखा होगा टैक्सी और कमर्शियल गाड़ियां और जो प्राइवेट गाड़ियां होती हैं उनके नंबर्स के प्लेट अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ टैक्सी हो या प्राइवेट कार हो, ये प्राइवेट कार है, ये सामने में टैक्सी है, उनके नंबर प्लेट का जो बैकग्राउंड है वो येलो में होता है और ब्लैक से लिखा होता है। यहाँ कोई फर्क नहीं होता, जैसे हिंदुस्तान में हमने देखा वहां नंबर प्लेट में फर्क होता है। ये देखिए यहाँ, ये देखिए एक चेक पोस्ट है, और करम उधर से दिखाओ, चेक पोस्ट के बगल में एक आपको शेल्टर दिख रहा है, ये शेल्टर है, ये जो करम आपको दिखाने, ये शेल्टर है, ये शेल्टर, अगर कोई भी मिसाइल से हमला होता है तो वहां आपको अलर्ट किया जाएगा। ये गाड़ियां इसमें ज्यादा से ज्यादा, देखिए आर्मी के लोग भी बहुत बैठे आपको दिखने को मिलेंगे जो अपनी सेवाएं देकर आ रहे हैं। ये आम लोग सड़कों पे घूमने नहीं निकले, घूमने वाला देश है, मस्ती करता है ये देश, लेकिन घूमने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। ये एस्केलोन, नो एस्केलोन, अब आगे हम एस्केलोन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें जाना है नेटिवोट, नेटिवोट की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं लगातार, नेटिवोट, नेटिवोट हम लोग, एस्केलोन भी आपको दिखेगा, नेटिवोट भी हमको जाना है। नेटिवोट हमारा आज का फोकस एरिया है, नेटिवोट के बाद हम आगे का रास्ता तय करेंगे जहां हमें जाना है। एक महत्वपूर्ण प्लेस पे जाएंगे यहां, जहां से गाजा दिखता है हमें बताया गया है, वहां अब तक हम नहीं जा चुके हैं, जा पाए हैं। कई मीडिया के लोग पहुंच गए थे क्योंकि हमने अपना फोकस एसडेरोट पे शुरू में रखा, लेबनान बॉर्डर पे रखा, लेकिन उस गांव में हम नहीं जा पाए हैं। आज जाने की कोशिश करेंगे, पिछले 5 दिनों से हमारी तमाम कोशिशें वहां जाने की नाकामयाब रही हैं क्योंकि वहां शेलिंग होती है, लगातार रॉकेट से हमले किए जाते हैं हमास की तरफ से। और देखिए अब हम लोग और नजदीक की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जितनी गाड़ियां आप देख रहे हैं या तो इमरजेंसी बसें चल रही हैं, आपको बता दें जो सार्वजनिक बसें हैं, ट्रेन है वो चल रही है, लेकिन उन बसों और ट्रेन में लोगों की संख्या और तादाद बहुत कम होती है। और दक्षिणी हिस्से में जब आते हैं क्योंकि इन सड़कों पे बहुत गाड़ियां, जेरूसलम की तरफ भी रास्ता यहां से निकलेगा, हर तरफ निकलता है, तो यहां गाड़ियां हाईवे पे हैं तो दिख जाती हैं, लेकिन जब आप शहरों में घुसेंगे तो सन्नाटा मिलेगा। जब आप घरों की तरफ देखेंगे तो खिड़कियां और दरवाजे बंद मिलेंगे आपको देखने को बहुत। ये देखिए कितने झंडे हैं हर तरफ, इस तरह से झंडे आपको, सिर्फ झंडा झंडा झंडा, इजराइल का झंडा आपको स्टार बना हुआ ब्लैक और, माफ कीजिएगा, ब्लू और व्हाइट बैकग्राउंड पे, और हर चेक पॉइंट पे एंट्री होती है। रेड लाइट अगर जल गया तो रेड लाइट के प्रोटोकॉल का यहाँ बहुत पालन होता है, कोई भी हो, प्राइवेट हो या टैक्सी वाले हो, वो बहुत करते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि ट्रैफिक रूल्स का। कई बार लाइव के दौरान हम हाईवे पर रुकने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें मना किया जाता है। ये हम इजराइल के दक्षिणी हिस्से की तरफ पहुंच गए, और यहां से देखिए सीधे अगर लॉन्ग ऐसे, हालांकि कैमरे में धुंध जैसा नजर आ रहा है वो दिखेगा नहीं, यहां से दूर जो इलाका नजर आ रहा है, दूर कोशिश करेंगे, लॉन्ग जो आपको दिख रहा है वही समझ लीजिए गाजा और इजराइल की सीमा को रेखांकित करते हैं। यहां से दूर अभी हम जैसे जैसे नजदीक पहुंचेंगे, यहां से एस्केलोन दिखने लगा, दिस इज एस्केलोन, मोसे ये एस्केलोन, देखिए यहां से एस्केलोन दिखने लगा, यहां से एस्केलोन आपको दिख रहा है, एस्केलोन भूमध्य सागर के दूसरी तरफ, ये शहर के बगल में भूमध्य सागर है, 10 किलोमीटर के दायरे में एस्केलोन है, गाजा के बॉर्डर से, गाजा के उत्तरी बॉर्डर से 10 किलोमीटर के दायरे में है एस्केलोन। से जैसे आप तेल अवीव की बढ़े, तेल अवीव की तरफ बढ़ेंगे तो अशडोड आएगा, अशडोड के बाद फिर थोड़ी किलोमीटर के बाद आपको तेल अवीव आएगा, तो ये एस्केलोन दिख रहा है, अभी दूर है यहां से, लेकिन एस्केलोन के कुछ खास हिस्से को बोला गया है, पूरे शहर को बोला गया है कि आप घरों में रहिए, खाने पीने की व्यवस्था करके आप अपने शेल्टर में रहिए,
हमास के आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट कर सकते हो, क्योंकि नजदीक का शहर है एस्केलोन से हम लगातार आपको रिपोर्ट बताते रहे। शुरुआती दिनों में खासकर हमारे साथ भी एक घटना जो घटी थी कि हम गाड़ी में थे पहले दिन, और उसी दिन हमारे ऊपर 8-10 रॉकेट ऊपर आ जाते हैं। हालांकि आयरन डोम ने ज्यादातर को इंटरसेप्ट किया। और ये ट्रेन देखिए, यहाँ की ट्रेन कैसी होती है, ये ट्रेन, ट्रेन के अंदर लोग बहुत कम है। कैमरे पे के लेंस से उन्हें पकड़ना है आपको, लेकिन हम बता रहे हैं ट्रेन में जो हमें दिख रहा है वो बहुत कम लोग हैं, मिनिमम संख्या है, लेकिन ट्रेन चल रही है, ट्रेन रुकी हुई नहीं है। लॉकडाउन की स्थिति है लेकिन ट्रेन नहीं रुकी है, सार्वजनिक बसें चलती हैं। खासकर तेल अवीव में थोड़ा सा माहौल ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं वहां सन्नाटा आपको देखने को मिलेगा। लगातार कोशिश हो रही है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि सही वक्त पे वो हमला करेंगे, गाजा के अंदर आक्रमण करेंगे, घुस के मारेंगे। और आपको एक और जानकारी देते, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को, स्ट्राइकर जो कि अमेरिका का एक आर्मरी व्हीकल है जो बहुत हाई प्रोफाइल माना जाता, हमने उसकी भी तस्वीरें हमें देखने को मिली इजराइल गाजा बॉर्डर पे। और स्ट्राइकर में 8 बड़े बड़े चक्के होते हैं और उसमें आर्मरी व्हीकल होता है जिसमें सेना के जवान तैनात रहते हैं। तो अमेरिका ने भेजा इसराइल की मदद के लिए और भी बहुत सारे सामान भेजे हैं युद्ध से जुड़े हुए, जिनका इस्तेमाल युद्ध में होता है। और आपने देखा होगा कैसे जो बाइडन 7 अक्टूबर के बाद तुरंत ही यहां पहुंच गए थे महज कुछ दिनों के बाद, और लगातार दूसरे नेटो देशों के मुखिया या यूरोपियन देशों के प्रमुख लगातार घूम रुख कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल इसराइल के अंदर चिंता की एक बात यह भी है कि रूस का रुख किधर होता है। हमास का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है रूस में, वहां ईरान के उप विदेश मंत्री भी पहुंचे हैं वहां, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, हम आपको बता रहे थे कि वहां प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है, लेकिन इसराइल एक लौता विकसित देश है जिसने यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन का साथ नहीं दिया और न ही रूस का, अपना संतुलित बैलेंस बनाए रखा, न तो हथियारों से मदद की यूक्रेन की और न ही पश्चिमी देशों ने जो सैंक्शन लगाए थे रूस पर उसका भी समर्थन किया। तो इसराइल की नजर रूस पे भी है कि रूस का रुख क्या होता है। और अब देखिए एस्केलोन के बगल से गुजर रहे हैं और यहां सन्नाटा और भी वीरान होता जाएगा, जो सन्नाटा हमें दिख रहा है उसकी वीरानगी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे हम बॉर्डर पे पहुंचेंगे वहां सिर्फ हम और आर्मी के लोग दिखेंगे। एस्केलोन हमारे बगल में है और आपको बता दें कि पिछले 19 दिनों में हमने इसराइल को पूरा का पूरा घूमने की कोशिश की, उत्तर से लेकर दक्षिण के बारे में आपको बताया है, तीनों फ्रंट के बारे में बताया है, गाजा फ्रंट जो कि इसराइल बॉर्डर से लगता है, लेबनान फ्रंट जो कि दूसरा फ्रंट है वहां हम गए, तीसरा फ्रंट वहां भी गए जो कि इसराइल और फिलिस्तीन की सीमा है यानी वेस्ट बैंक की सीमा है, वहां भी हम पहुंचे। और ये एस्केलोन की तरफ जाता है ये रास्ता, आपको बता दे। अब हम अपने इस वीडियो को यहाँ खत्म करने की कोशिश करेंगे, एस्केलोन की तरफ जाता है लेकिन हमारा रास्ता दूसरा है, आज नेटिवोट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेटिवोट भी एक नजदीक का शहर है, वहां भी लगातार मिसाइल के हमले होते रहते हैं। और ये हम अब बढ़ रहे हैं, इसमें ज्यादातर लोग आपको बता दिए आम पब्लिक कोई घूमने नहीं आई है, इसमें ज्यादातर लोग ऐसे लोग हैं जो सिविल आर्मी कह सकते हैं, रिजर्व फोर्स के लोगों को कह सकते, उनके लोगों की संख्या इसमें ज्यादा है। तो इसराइल और गाजा के बॉर्डर से फिलहाल इतना ही, न्यूज 18 इंडिया। आप 19 दिनों से लगातार आपको इसराइल के हर कोने से खबर दिखा रहा है न्यूज 18 इंडिया, हम नीरज कुमार और हमारे कैमरा पर्सन, अगर आप हमें देख रहे हैं तो वो हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह की वजह से। और इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं इसराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव से, जो राजधानी मुख्य तौर पे है प्रशासनिक वो तो जेरूसलम है, लेकिन इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं तेल अवीव से, और तेल अवीव से हम लोग जा रहे हैं दक्षिण गाजा की तरफ, यानी उत्तर दक्षिण गाजा की तरफ जा रहे हैं, यानी इसराइल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां गाजा है, एक छोटा सा कोना है कह सकते हैं इसराइल के कोने पर, लेकिन गाजा की तरफ से हमास ने जो किया है वो हम आपको बताएंगे भी। लेकिन इस वक्त आपको दिखा रहे तेल अवीव,
तेल अवीव कभी कभी हमारे देश के मुंबई जैसा लगता है। मुंबई भी भारत की आर्थिक राजधानी है और तेल अवीव भी इजराइल की राजधानी है। और हमें तो किसी ने बताया कि क्योंकि दोनों शहरों में एकरूपता इसलिए दिखती है क्योंकि एक ही इंजीनियर ने मुंबई और इजराइल इजराइल के जो तेल अवीव को बनाया है वो एक ही इंजीनियर ने बनाया है। कुछ एक ही इंजीनियर की टीम के लोगों ने दोनों शहरों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और एक और रिश्ता है, भारत के कई शहरों से रिश्ता है। मुंबई के ज्यूज बहुत बड़ी संख्या में आपको इजराइल में मिलेंगे, हमें बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं, 1 लाख के करीब उनकी संख्या है टोटल ज्यूज की जो भारत से आए थे। और इधर करम आप इधर भी दिखा दे, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर ही गाजा, इजराइल, लेबनान को जोड़ता है तटों पे। अगर आप यही भूमध्य सागर के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो यहां से करीब 70 किलोमीटर के बाद गाजा आ जाएगा। और कुछ खबरें जो आपने देखे कि आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं इसी भूमध्य सागर के जरिए करते हैं, जो आपको हमारे दाईं तरफ दिख रहा है। यहीं से आतंकवादी कोशिश करते हैं, यहां से नहीं बल्कि गाजा और इजराइल के बॉर्डर पे जो कि दक्षिणी हिस्सा है। अब हम आपको बताते हैं, आज हम हमारे पास मैप भी है और कैमरा पर्सन करम से कहेंगे इजराइल का पूरा मैप है, लेकिन हम सिर्फ आपको उस हिस्से पे बताते हैं इस वक्त हम लोग कहां हैं। इस वक्त हम लोग देखिए यहां है तेल अवीव, ये तेल अवीव है, सेंट्रल इजराइल कह सकते हैं, भूमध्य सागर के बीच में है। हम लोग यहीं पे मौजूद है, हमारी गाड़ी एक ट्रैफिक पे इस वक्त खड़ी है। पिछले 19 दिनों का हाल या 21 दिनों का हाल हम बताए, यहां से हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, इस रास्ते से देखिए, इसी रास्ते से इधर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। यहां से तेल अवीव से निकले, इधर 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 इस तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। ये दक्षिण का इलाका है और यहां से शुरू हो जाता है गाजा। ये पूरा बहुत छोटा सा हिस्सा है गाजा, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जिसका जिला गाजा से छोटा हो। केंद्र शासित प्रदेशों के जो जिले हैं वो गाजा से छोटे जरूर हैं, जैसे माहे हो गया, दिल्ली के ज्यादातर जिले गाजा से छोटे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के जिले गाजा से बड़े हैं। 385 स्क्वायर किलोमीटर महज इसकी इसका क्षेत्र पर है, लेकिन आबादी 23 लाख के करीब है, बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। ये बॉर्डर है यहां से लेके, देखिए यहां से लेके यहां तक हम इस वक्त गुजर रहे हैं तेल अवीव से। लेकिन आपको बता दें कि हम जा किधर रहे, हम यहां आज जा रहे हैं, तेल अवीव यहां है और यहां से इस रास्ते होते हुए ऐसे ऐसे ये नेटिवोट है, हम एक गाजा के गांव की तरफ बढ़ेंगे। ये नेटिवोट है, माफ कीजिएगा, इजराइल के गांव की तरफ जो गाजा के बॉर्डर पे, यहां हमें बुलाया गया है और यहां से फिर हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे, गाजा की सीमा के करीब बढ़ेंगे। और आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बता दें, आपने तमाम खबरें हमारे साथ देखी है, न्यूज 18 इंडिया के साथ देखी है, न्यूज 18 इंडिया आपको लगातार बताता रहा है कि कैसे हमला हुआ। फाराजा, ये फाराजा है, अगर कैमरे पे दिख रहा हो करम आपको दिखा पा रहे हो तो, बेरी, ये बेरी और इसके आसपास रेम, ये तीनों एरिया एपी सेंटर था, बहुत यहां से करीब है, महज 800 मीटर से 1-2 किलोमीटर की दूरी होती है। लेकिन इस बीच आपको तेल अवीव दिखा देते हैं, तेल अवीव में कुछ कुछ गाड़ियां आपको दिख जाएंगी क्योंकि ये इजराइल के सुरक्षित शहरों में से जाना जा रहा है। दक्षिण का जो शहर है एश्केलोन, अशडोड, वो बहुत संकट के शहर है, वहां खतरा ज्यादा है। जेरूसलम इजराइल के पश्चिम में है, वहां भी खतरा कम है, लेकिन वेस्ट बैंक क्योंकि नजदीक है तो वो तीसरा फ्रंट कभी भी हो सकता है। तो अब यहां से हम लोग बढ़ चुके, आप देख सकते हैं तेल अवीव, आज फ्राइडे का दिन होता है और फ्राइडे हाफ डे होता है, यहाँ फ्राइडे और सैटरडे शब्बात होता है ज्यूज के अपने उनके समुदाय में, तो शनिवार को कोई काम नहीं करता, हमें ड्राइवर भी नहीं मिलते ज्यूज समुदाय के, कोई बहुत मुश्किल से कई बार मिलता है। और दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव देश भी है और ये शहर भी है, आपको बता दें, ये देख सकते हैं सन्नाटा पूरा पसरा हुआ है इस वक्त। और 19 दिनों में क्या कुछ हुआ है एक बार आपको वो भी बता दें, तेल अवीव में कई रॉकेट दागे गए, आज से महज 2 दिन पहले शाम को 5 बजे एक के बाद एक 100 रॉकेट तेल अवीव और उसके आसपास जो बेन गुरियों एयरपोर्ट है तेल अवीव से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर, इन इलाकों में दागे गए, कुछ गिरे, ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया। हम हाईवे पे थोड़ी देर में पहुंचेंगे और आपको बताएंगे ये रास्ता जो है गाजा की तरफ जा रहा है, न्यूज 18 इंडिया आपको गाजा की तरफ ले जा रही है। और गाजा के बारे में हमने आपको मैप में समझाया, दरअसल इजराइल ने कई फ्रंट खोल रखा है, एक दूसरा फ्रंट आपको दिखा दे, गाजा की तरफ बढ़ रहे, लेकिन उस फ्रंट के बारे में भी बता दे। ये देखिए,
ये पहला फ्रंट दक्षिण का जो गाजा करम सिंह ने आपको दिखाया कैमरे पे, ये दूसरा फ्रंट है, ये दूसरा फ्रंट है लेबनान, लेबनान ये दूसरा फ्रंट है। सीरिया के, ईरान के कुछ ईरान के मिलिशिया पे आज अमेरिका ने हमला किया, वो सीरिया इधर है, सीरिया के कैंप पे हमला किया। ये जॉर्डन है, लेबनान सीरिया इधर है, जो कि इस मैप पे नहीं दिख रहा, ये सीरिया समझ सकते, जॉर्डन और नीचे यहां इस तरफ नीचे जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे मिस्र, ये मिस्र है, इजिप्ट जो कि इस मैप में पूरा नहीं है, और ये गाजा है। वेस्ट बैंक के बारे में जो आप लोग बात सुनते हैं, वेस्ट बैंक क्योंकि गाजा और वेस्ट बैंक को मिलाकर फिलिस्तीन बनता है, लेकिन दोनों के बीच में दूरी, आपको हिंदुस्तान के तरीके से समझाते हैं, जब पाकिस्तान एकजुट था यानी बांग्लादेश और 1971 से पहले पाकिस्तान एक था, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो एक को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, एक को पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से भी हम लोग जानते थे, तो पश्चिमी जो हिस्सा है वो कह सकते एक हिस्सा एक तरफ है और पूर्वी हिस्सा एक तरफ है। तो ये है वेस्ट बैंक और गाजा, तो ये आपको मैप के जरिए समझा दिया। अब आपको चलते हैं 19 दिन के बारे में बताते हैं। दरअसल ये रास्ता हम बढ़ रहे हैं गाजा की तरफ, थोड़ी देर बाद महज आधे पौन घंटे के बाद हम गाजा की तरफ पहुंच जाएंगे, उसके बॉर्डर पे पहुंचेंगे। आज हमारा मकसद है कि ये कैसे गांव तक पहुंचे जो सबसे करीब है। पिछले 20 दिनों में हम वहां इसलिए नहीं जा सके, कभी लेबनान बॉर्डर, कभी बेरी, कभी रेम, कभी एसडेरोट, तमाम जगह की खबरें आप तक ला रहे थे हम और करम सिंह। लेकिन ये रास्ता देखिए, ये जो गाड़ियां दिख रहे हैं, आपको एक और चीज बता दें, हमारे एंकर ने हमसे पूछा कि सड़कों पे गाड़ियां बहुत दिखती हैं, इन गाड़ियों में हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे हों जो रिजर्व ड्यूटी के लोग हों, जो रिजर्व ड्यूटी में जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुरुद्वारे में लंगर के लिए जो बहुत युवा आते हैं, आधे एक दो घंटे अपनी सेवा देते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह से रिजर्व फोर्स के लोग, हर घर से कोई ना कोई जवान है यहाँ, जो इस वक्त में युद्ध की घोषणा हो चुके, वो 8 घंटे के लिए या कुछ घंटे के लिए जाएगा, वो अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर देगा, अपनी ट्रेनिंग लेगा और उसके बाद वो आ जाएगा, सेना में जाके अपनी सेवाएं देगा, उसके बाद आ जाएगा। यानी देश की सेवा का जज्बा पूरे दुनिया के किसी देश में इजराइल जैसा नहीं हो सकता जैसा कि दिख रहा है। और हमेशा ऐसा नहीं कि बाकी लाइफ रुक जाता, अभी लॉकडाउन की स्थिति है, ये देखिए ये सब ज्यादा, अभी आपको टेक होम की जो फैसिलिटी है, जो सुविधाएं देते हैं, वो ज्यादा हमको सड़कों पे कई बार नजर आते हैं, ट्रैफिक नियम का पालन यहाँ खूब होता है। लेकिन अब आपको बताते हैं क्या हुआ है पिछले 19 दिनों में। जब हम पहली बार यहाँ पहुंचे 9 तारीख को 10 से 11 बजे के बीच में जब हमारी लैंडिंग हुई थी, तो यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर बेन गुरियों एयरपोर्ट है जो कि तेल अवीव से नजदीक है, वहीं पे सायरन की आवाज आती है और सारे यात्रियों को छुपा दिया जाता है एक शेल्टर के अंदर, और वहीं से हम अपनी पहली रिपोर्टिंग करते हैं यहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर, जबकि तेल अवीव सबसे सुरक्षित है और गाजा के करीब के शहर सबसे ज्यादा खतरनाक इलाके माने जाते हैं सुरक्षा के दृष्टि से। सबको आप लोग कहेगा जो भी इसराइल में आपको मिलेगा, बावजूद इसके कि वो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे, वो जब भी आपको मिलेंगे तो जरूर कहेंगे बी सेफ। तो यहां से हम लोग बढ़ चुके हैं गाजा की तरफ, आपको तस्वीरें दिखा रहे करम सिंह, करम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। भीड़ रहती है, जैसे मुंबई शहर चलता है उसी तरह से ये शहर चलता है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं आज एक तो शुक्रवार की वजह से बहुत कम गाड़ियां हैं, लॉकडाउन की वजह से पहले से ही सड़कों पे कम गाड़ियां हैं, शुक्रवार हाफ दिन के बाद आज हमारे जो पायलट है वो भी, उन्होंने भी कहा कि उन्हें घर जल्दी जाना है, हमारे साथ में मौजूद है। ये देखिए सारी दुकानें आपको बंद होंगी, हम पहले भी इस तरह की रिपोर्ट आपको दिखा चुके हैं, लेकिन गाजा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसराइल गाजा बॉर्डर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और दक्षिणी गाजा के बॉर्डर की तरफ भी कल हम थे। होलीत एक किबुज है, किबुज यानी गांव, छोटा समुदाय जहां 85 लोग रहते थे, उन्हें भून दिया गया, ग्रेनेड से उड़ा दिया गया, 14 लोगों की जान ले ली गई, और हर तरफ आपको इसराइल का झंडा दिखेगा। करम ऊपर के इसराइल के झंडे को दिखाई यहां से, ये इसराइल के झंडे आपको जो दिख रहे हैं स्टार जैसे ब्लू और व्हाइट के बैकग्राउंड पे, ये आपको सिर्फ शहर में नहीं हर जगह दिखेगा जहां भी इसराइल का कब्जा है, चाहे वेस्ट बैंक की तरफ हम गए थे, वेस्ट बैंक के साइड में गए थे और वहां के बॉर्डर पे देखे, वेस्ट बैंक और इसराइल के बॉर्डर पे वहां इस तरह के इजरायली झंडे आपको देखने को मिल रहे थे, चाहे आप गाजा और मिस्र के ट्राइजंक्शन पे जाते, इसराइल के ट्राइजंक्शन पे जाते वहां देखने को मिल रहा था, लेबनान बॉर्डर पे जब हम गए इसराइल लेबनान बॉर्डर पे वहां यह देखने को मिला, मेतुला जो कि सबसे उत्तर का
गांव है वहां जब पहुंचे तो वहां इस तरह के झंडे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसराइल इस वक्त पूरे युद्ध की स्थिति में है। हम कह सकते हैं कि तेल अवीव क्योंकि सेंट्रल में है, हमास कोशिश करता है कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए लेकिन कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि आयरन डोम उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद है उन मिसाइलों से। और क्योंकि जब गाजा से 70 किलोमीटर की दूरी पर तो मिसाइल के पहुंचने में करीब करीब 1 मिनट का वक्त लगता है, तो आयरन डोम का भी रिस्पांस टाइम होता है 1 मिनट का होता है, यानी वक्त ज्यादा मिलता है। अगर एस्केलोन जो कि बिल्कुल 10 किलोमीटर की दूरी पे है गाजा की सीमा से, अगर एस्केलोन पे मिसाइल मारा जाता है तो 30 सेकंड का वक्त मिलता है आयरन डोम को महज। और लोगों को अपने आप को छुपाने के लिए भी, जैसे अगर मान लीजिए आपको बता दें, एक अपना खुद का वाकया भी हम बताएंगे, इसी तरह की एक सड़क से हम गुजर रहे थे, आ रहे थे उस दिन दक्षिण गाजा की तरफ से तरफ, तो अचानक से कई सायरन की आवाज आती है और इसी इन्हीं सड़कों पे तमाम गाड़ियां, ये चलती हुई गाड़ियां जो आपको दिख रही है, एक के बाद एक रुक जाते हैं और हम लोग बिल्कुल सो जाते हैं। जो यहाँ का प्रोटोकॉल है, जो यहाँ का सेफ्टी प्रोटोकॉल है, तमाम लोग सड़कों पे सोए हुए मिलते हैं। इस तरह की स्थिति भी पैदा होती है बीच बीच में। आमतौर पर दोपहर के बाद तेल अवीव पे हमला करता है मिसाइल से हमास, लेकिन सुबह में हमला कम करता है। लेकिन आज शुक्रवार का दिन है, आज जो हॉट एरिया, आज जो हॉट एरिया है उसके बारे में बता दें, वेस्ट बैंक का एरिया हॉट रहेगा, जहां रमल्ला है वहां जाना थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है। हमने एक दौरा किया था रमल्ला, जो कि आज की तारीख में राजनीतिक राजधानी है वेस्ट बैंक की, वहां लोग प्रोटेस्ट करते हैं। इसके अलावा जेरूसलम, पिछले शुक्रवार को जेरूसलम में हम लोग मौजूद थे, जहां अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना करने को लेकर लगातार इजरायली सेना और अरबिक मुस्लिम समुदाय के लोगों में झड़पें होती रहती है। 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को सिर्फ आज शुक्रवार को वहां जाने की इजाजत होती है प्रार्थना करने की, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और यहाँ के बॉर्डर से, यानी गाजा और इजराइल के बॉर्डर से, तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। 7,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 1,400 से ज्यादा लोग इजरायली साइड मारे गए, 7,000 से अधिक लोग गाजा वेस्ट बैंक की तरफ टोटल मिला के मारे गए हैं। इसके अलावा 1,400 से ज्यादा 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था वहां मारे गए थे ज्यादातर लोग बॉर्डर पे, जिसमें सैनिक, विदेशी नागरिक, यहूदी, सीमा पर रहने वाले लोग, ज्यादातर किबूज के लोग मारे गए थे। लेबनान बॉर्डर पे जो हमला किया है, लेबनान बॉर्डर पे हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसमें भी हिजबुल्ला के कई आतंकवादी मारे गए हैं, सोल्जर भी मारे गए हैं इसराइल और लेबनान बॉर्डर पे। गलीली अस्पताल हम आपको लेकर गए थे, कैसे वो बंकर अस्पताल में तब्दील हो गया है, तो लगातार आपको हर चीज वो बता रहे हैं। 20 दिन में इसराइल ने एक बड़ा रेड किया, बड़े रेड में कई बड़े ठिकाने उनके ध्वस्त किए। दरअसल इसराइल की सरकार पे दबाव है कि वो जल्दी से जल्दी, दबाव यहाँ के लोगों की तरफ से कि जल्दी से जल्दी जमीनी आक्रमण करे, यानी वो अंदर की तरफ घुस जाए। लेकिन इसराइल चाहता है कि वो धीरे धीरे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करे, क्योंकि 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसराइल नहीं चाहता कि अब एक भी जवान की जान जाए, इसीलिए सारे एरिया को, जो 51 किलोमीटर की सीमा, आपको बता दें कि गाजा की लंबाई उत्तर से दक्षिण 41 किलोमीटर है, चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर है, और जो इसराइल से सीमा लगती है गाजा के उत्तरी इलाके से लेके गाजा के दक्षिणी इलाके तक, जहां मिस्र, इसराइल और गाजा मिलते हैं, उसकी लंबाई 51 किलोमीटर है बॉर्डर की। बॉर्डर के नजदीक बहुत सारे शहर है, उनके बारे में आपको बता दें, जैसे एस्केलोन, अश्डोड, 10 किलोमीटर से बाहर है, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है वो। एस्डेरोट 800 मीटर की दूरी पे है गाजा से, एस्डेरोट जहां पुलिस थाने पे कब्जा कर लिया था हमास के आतंकियों ने और थाने को ही उड़ा दिया था, और बाद में आर्मी की सेना आई से हमास के आतंकवादियों को ढेर किया। इसके अलावा उफाकीम, नेटिवोट, थेरेम शलोम, गांव फाराजा, रेम, बेरी, निराम, नीरिम, जिकीम बीच पर बहुत बड़ा हमला किया गया था, उफाकीम, ये सब बॉर्डर एरिया है। और एक बॉर्डर है जहां से पहले 7 अक्टूबर से पहले इरेज बॉर्डर और नॉर्दर्न साइड इरेज बॉर्डर है, जहां से फिलिस्तीन के लोगों को, यानी गाजा के लोगों को
इसराइल के अंदर आने की इजाजत थी। हम अभी वेस्ट बैंक की बात नहीं करें, गाजा की बात करें। गाजा वेस्ट बैंक से बिल्कुल दूर है, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में है, मध्य भूमध्य सागर और इसराइल के बीच में है, और दक्षिणी सीमा जो है जिसे राफा बॉर्डर वहां आता है वो मिस्र से लगता है, राफा बॉर्डर से ही मानवीय सहायता पहुंच रही है। तो इसराइल अभी इसलिए आक्रमण नहीं कर रहा है कि वो अपनी तैयारी ऐसी कर लेना चाहता है ताकि आने वाले वक्त में उस पर सवाल न उठाए। एक बार फिर हम आपको मैप के जरिए बताएंगे। करम आप देखिए, ये देखिए हम लोग बाहर निकल चुके हैं तेल अवीव से, तब तक हम मैप खोलते हैं एक बार फिर आपको बताते हैं क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। लगातार सीमा पर ये शहरों के नाम आप देख रही है, मेन हाईवे है, यहाँ बीच बीच में गाड़ी रोक नहीं सकते, रोकेंगे तो तुरंत पुलिस आ जाएगी, पहले तो आपसे पूछेगी। और एक और महत्वपूर्ण बता दे, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दे आपको, जो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यूं तो प्रेस कहने से ही आपको आपके आपको बहुत डिस्टर्ब नहीं करते, चाहे कोई भी हो, चाहे हम पश्चिमी बैंक की तरफ जाएं यानी फिलिस्तीन में जाएं या फिर इसराइल में रहें, लेकिन अब जब जब आप इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, तो आपको यहाँ के लोग कहेंगे वी लव इंडिया। इसराइल के लोग कहते हैं वी लव इंडिया, और बस कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का नाम ही एक बहुत बड़ा पासपोर्ट है यहाँ के लिए। और हमारे साथ जो कैमरामैन है उनकी उनको देखकर भी उनके पास लोग आते हैं, उनसे भी एक हमारी पहचान बनती है। तो इस तरह से लगातार हम जो कवर कर रहे हैं हिंदुस्तान के नाम पे, भारत के नाम पे, इंडिया के नाम पे, बहुत प्रेम करते हैं। बहुत सारे जवान होते हैं, आपको बता दें बहुत सारे जो यहाँ मिलिट्री के जवान होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हिंदुस्तान घूमने जाते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में घूमना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा। किसी को आप बोल दीजिए इंडिया तो बोलेगा वो इंडिया, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह की बात वो कर। अब आपको एक बार फिर मैप पे आपको ले चलकर समझाते हैं। देखिए इस पूरे बॉर्डर पे अभी इजराइल की सेना तैनात है। यह पूरा बॉर्डर 51 किलोमीटर का यहां से लेकर गाजा इजराइल का बॉर्डर है। कुछ एरिया बफर जोन है, कुछ एरिया के आगे हमें भी जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन ये जो इलाका है ये यहां ऊपरी हिस्सा, ये जो देख रहे हैं यहां तक उत्तर का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा एरेज क्रॉसिंग है। पहले 7 अक्टूबर से पहले यहीं से होकर गाजा के लोग यहां इजराइल में पहुंचते थे और काम करके लौट जाते थे। हालांकि इसराइल के लोगों का गाजा में जाना नहीं होता था, वो नहीं जाते थे। यहां देखिए कौन कौन महत्वपूर्ण शहर है। गाजा सिटी यहां है, गाजा सिटी उत्तर में है, बेत लहिया है, बेत हनून है। अब नीचे आ जाए एक बार, तो ये इस उत्तर के इलाके में फोकस है इजरायली सेना का। सारे बॉर्डर पे तैनाती बढ़ा दिया, हर जगह हमला किया जा रहा है, लेकिन इस बॉर्डर में क्योंकि यहां गाजा में हमास के लोगों का दबदबा है, क्योंकि यहां से जब हमला करते हैं तो जब यहां से हमला करेंगे, मान लीजिए यहां से जब हमला करते हैं तो दूरी कम हो जाती है। जब उत्तर से इन शहरों पे हमला करते हैं जैसे अशडोड, एस्केलोन, तेल अवीव, यहां से जब गोला फेंकेंगे, मिसाइल फेंकेंगे तो दूरी कम हो जाती है। अगर यहां से फेंकेंगे दक्षिणी इलाके से, तो जहां यहां से आपको गाजा और इसराइल बॉर्डर से आप 2 किलोमीटर की दूरी से गोला फेंक सकते हैं, तो यहां आपको 35 किलोमीटर ज्यादा जाना होगा। तो ये उत्तर के इलाके में हमास का दबदबा अधिक है और इस बॉर्डर को ज्यादा तबाह करने की कोशिश में, कल परसों जो बड़ा रेड किया गया है वो इसी इलाके में किया गया है, इस इलाके में कई लोकेशन हमसे साझा नहीं किया गया है, इस इलाके में किया गया। एस्टेरोट यहां देख सकते हैं, एस्टेरोट महज 800 मीटर की दूरी पे, यहां आपको दूरी जो दिख रही है ये बहुत कम है। एस्टेरोट शहर 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन एस्टेरोट की बाहरी सीमा जो है वो बिल्कुल बगल में। और ये नीराम अभी हम जिक्र कर रहे हैं, ये नीराम है। कभी कभार हम लोग यहां से खड़े होकर भी अपनी टीवी रिपोर्टिंग करते हैं, नीराम बिल्कुल बॉर्डर पे है, यहां से आगे अंदर हमें नहीं जाने दिया जा रहा, यहां से आगे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और तमाम बॉर्डर का यही हाल है। तो ये है यहां का। लेबनान बॉर्डर पे भी लगातार हिजबुल्ला और इसराइल के बीच वॉर जारी है। 20 से ज्यादा शहरों को, करीब 30 शहरों और गांव को खाली करा दिया गया है। और एक बार आपको मिडिल ईस्ट के बारे में बता दें, मिडिल ईस्ट में क्या स्थिति है। देखिए मिडिल ईस्ट का भी मैप है हमारे पास, उसमें अगर आपको बताएंगे तो ज्यादा सहूलियत नहीं हो पाएगी। मिडिल ईस्ट का अंदर मैप है, ये मिडिल ईस्ट है। करम थोड़ा क्लोज होकर दिखा सकते हैं तो दिखाए। मिडिल ईस्ट के ये तमाम देश है, उनकी राजधानियां हैं, और यहाँ एक छोटा सा देश इजराइल है। इजराइल यहाँ है, छोटा सा बिल्कुल देश,
और जब भी इसराइल में कुछ होता है तो यही चर्चा होती है कि पूरे मिडिल ईस्ट में लड़ाई भड़क सकती है। और आज जो आपको एक चीज और बता दे, जो आज सीरिया यहाँ है, सीरिया, लेबनान इधर है, लेबनान, और जो आज हमला किया है सीरिया में, अमेरिका ने हमला किया है सीरिया में, जहाँ ईरानी मिलिशिया का ये था, ईरानी मिलिशिया के जो कुछ कैंप थे उन पे हमला करके, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 22 अमेरिकी घायल हुए थे इस तरह के हमले में। तो इस वक्त हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अश्डोड, विच साइड, विच सिटी, अश्डोड की तरफ बढ़ रहे हैं। अश्डोड में है जो 20 किलोमीटर के लमसम होगा, जो एस्केलोन से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 20 किलोमीटर की दूरी पे है, हम एस्केलोन की तरफ बढ़ रहे हैं। एस्केलोन शहर में आज हमें हमारे जाने का प्लान नहीं है, नेटिवोट जाएंगे, नेटिवोट से हम आगे की यात्रा करेंगे। और देखिए ये जो गाड़ियां आज आपको दिख रही है, इसमें से ज्यादा लोग सिविल डिफेंस होंगे, जो रिजर्व ड्यूटी पर रहते हैं। इसराइल में 4.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो रिजर्व ड्यूटी में रहते हैं, जिनको आर्मी की ट्रेनिंग रहती है, और जब भी युद्ध की स्थिति होती है वो थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके युद्ध में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा IDF के फोर्सेज हैं जो हमेशा आर्मी में अपनी ड्यूटी देते रहते हैं। तो 3 लाख लोग आ चुके हैं रिजर्व ड्यूटी में, और एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि इनमें बहुत कारण में हो सकता है कि रिजर्व ड्यूटी के लोग होंगे जो जा रहे होंगे बॉर्डर पे, अपनी गाड़ी ऐसे पार्क करते हैं कि जैसे हिंदुस्तान में हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, जिम में जाते हैं, या अपने ऑफिसेज में जाते हैं, गाड़ी बाहर पार्क करते हैं और ड्यूटी करने लगते हैं। तो इनका वही हाल इस वक्त है, वॉर की स्थिति में ये अपनी गाड़ी पार्क करेंगे आर्मी के बेस पे, जहां इनकी ट्रेनिंग चल रही होगी वहां 7-8 घंटे की, जितने घंटे की सेवा देनी होती है वो सेवा देंगे और अपने घर लौट आएंगे। लगता ही नहीं है कि इनके घर से अगर कोई पहले भी शहीद हो चुका है तो इनके जज्बे में कोई कमी नहीं रहती। इजराइल ये सिखाता है, यहाँ के लोग ये सिखाते हैं कि जज्बा कैसे पैदा किया जाता है अपने देश को लेकर। किबुज में इतने हमले हो चुके हैं, किबुज में इतने हमले हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दें अभी भी लोग कहते हैं इजराइल के लोग कि वो जाना चाहेंगे किबुज में। प्लीज विंडो अप, ऑल विंडो। तो आपको ये हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, आवाज में प्रॉब्लम आ रही होगी, बाहर की गाड़ी की आवाज आ रही है। और ये देखिए अश्डोड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नेटिवोट की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत गाड़ियां चलते हैं इस हाईवे पे, क्योंकि 400 किलोमीटर की लंबाई में लगभग है, और जो इजराइल है उसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर मैक्सिमम चौड़ाई लंबाई 400 किलोमीटर है, लेबनान बॉर्डर से लेके इधर मिस्र के बॉर्डर से जहां रेड सी है उस तरफ डेड सी भी है, हालांकि डेड सी वेस्ट बैंक के बगल में है। और फिर चौड़ाई की अगर बात करें तो मध्य में सबसे ज्यादा चौड़ाई है, उसके अलावा मध्य के दक्षिण में थोड़ी सी ज्यादा चौड़ाई है, तो मैक्सिमम चौड़ाई 100 किलोमीटर है। बहुत छोटा देश है, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है, और बहुत विवादित एरिया है, तो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर से लेकर 27,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का दावा किया जाता है। और इस वक्त ये तस्वीरें बस आपको दिखा रहे हाईवे की, जैसे जैसे आप बॉर्डर की तरफ जाएंगे गाड़ियों की संख्या कम होती जाएगी। कल जब हम एक गांव में गए थे GPO के साथ, जो कि यहां का सरकारी प्रेस विभाग है, उनके साथ गए थे, तो सिर्फ हमारी बस नजर आ रही थी उस सड़क पे, और इसके अलावा जो हमें स्कॉट कर रही थी गाड़ियां। अश्डोड आपको बीच बीच में लिखा हुआ दिख रहा होगा, अश्डोड आने वाला है, दक्षिण का शहर है, भूमध्य सागर के तट पे है, उसके आगे एस्केलोन आएगा, एस्केलोन से थोड़ा सा बगल में एस्डेरोट है, जो कि समंदर की सीमा पे नहीं है, सागर की, भूमध्य सागर की सीमा पर नहीं है। लगातार न्यूज 18 इंडिया आपको पिछले 19 दिनों का हाल बता रहा है, लेबनान बॉर्डर पे क्या चल रहा है वो भी आपको एक बार बता दे, क्योंकि दक्षिण के बारे में तो हम लगातार आपको बता रहे हैं। दक्षिण के लेबनान बॉर्डर पे इस वक्त, लेबनान बॉर्डर पे जो 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन है, लेबनान और इजराइल के बीच 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन है, हालांकि अभी भी बहुत एरिया विवादित है, लेकिन 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन है, और 120 किलोमीटर की सीमा पर पहाड़ी इलाका है, मिडिल हाइट हिली एरिया है, यानी मध्यम आकार के पहाड़ी दोनों देशों को बांटती है। जितने भी शहर, जितने भी गांव, फार युवाल है, फार युवाल, KFARYUVAL
केरल के जूज, केरल से जो यहूदी आए थे उन्होंने उस गांव को बसाया था। हम वहां पहुंचे तो वो गांव बिल्कुल खाली था, सामने बैरिकेडिंग की गई थी, अंदर कोई मौजूद नहीं था, और वो एक ऐसा स्पॉट था जहां से लेबनान आपको साफ दिखता है। इसके अलावा लेबनान के उत्तर में एक गांव है मेतुला, मेतुला की आबादी 1500-1600 लोगों की है महज, लेकिन वो भी गांव खाली है। वो तीन तरफ से, यानी अगर 360 डिग्री उसको सर्किल करें तो 270 डिग्री उसका लेबनान से घिरा है, सिर्फ 90 डिग्री इजराइल से घिरा। उस गांव भी हम पहुंचे थे, किरियात समोना, जहां की आबादी 24,000 किलोमीटर है, उस शहर को खाली करा दिया गया। वहां भी एक युवक से हमारी मुलाकात हुई थी जो अपने चार बच्चों के साथ जेरूसलम की तरफ शिफ्ट हो रहे थे युद्ध की वजह से। उन्होंने कहा कि वो अपने इस शहर में लौटेंगे जरूर। वहां का टेरेन, लेबनान का टेरेन यानी स्थलाकृति जो है लेबनान और इसराइल बॉर्डर की, और दक्षिण का टेरेन, दक्षिण का इलाका मैदानी है। जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तेल अवीव से लेबनान की तरफ, तो पहाड़ की तरफ बढ़ते जाएंगे, और पहाड़ों पर जंगल बहुत कम होता है। ऐसा नहीं होता कि जंगल हो, जैसे कश्मीर की पहाड़ियों में आपने देखा होगा वहां या तो बर्फ मिलेगा, या फिर हिमाचल की पहाड़ियों में देखा होगा, उत्तराखंड की पहाड़ियों में देखा होगा, वहां अलग अलग पेड़ होते, लेकिन यहां वैसे पेड़ कम दिखने को मिलते, झाड़ियां छोटी मोटी देखने को मिल जाएंगी। न्यूज 18 इंडिया बढ़ रहा है, इधर से जेरूसलम का भी रास्ता कटता है, सामने में देखिए जो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, जहां अल अक्सा मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना को लेकर लगातार अरबिक समुदाय के लोगों और इजराइल के आर्मी के बीच झड़पें होती रहती है। जेरूसलम इजराइल के पश्चिमी हिस्से में, माफ कीजिएगा पूर्वी हिस्से में है, और जेरूसलम से ही वेस्ट बैंक शुरू होता है। गाजा तो बिल्कुल दूसरी तरफ है, लेकिन वेस्ट बैंक का जो इलाका है, जो फिलिस्तीन जो है, आपको बता दें जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक देख रहे हैं, फिलिस्तीन दो इलाकों से मिलकर बनता है, एक वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा। गाजा बिल्कुल छोटा है जहां हमास का दबदबा है, वेस्ट बैंक बड़ा है जहां हमास का प्रभाव कम है। लेकिन वेस्ट बैंक के लोगों से हमारी बातचीत हुई, वो भी हमास के समर्थन में थे। देखिए आतंकी गतिविधियों को, आतंकी कृत्य को अंजाम दिया। एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बता दे, अभी महज दो दिन पहले यानी परसों हमें 43 मिनट का एक वीडियो दिखाया आईडीएफ ने, वो वीडियो जारी नहीं किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दिखाया गया। ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसे ऐसे फुटेज, ऐसे ऐसे ऑडियो उसमें देखने को मिले कि आप एक मानव के लिए या एक इंसान के लिए उसे देखना बहुत ही दर्द भरा था, आपको रोक देता है, ऐसा आपको महसूस कराता कि किसी तरह से आप बाहर निकल रहे हैं। ऐसा विभस, ऐसी विभस तस्वीरें उसमें दिखाई गई है। इधर से करम एक बार दिखा दीजिए, ये अशडोड है, दिस इज अशडोड, ये अशडोड सामने में शहर है। अशडोड हम कई बार जा चुके हैं, न्यूज 18 इंडिया की टीम कई बार अशडोड की तरफ जा चुकी है, और लेकिन शहर पूरा वीरान मिलता है। किसी भी शहर में चले जाए वहां आपको वीरानगी मिलेगी, वहां आपको वीरानगी देखने को मिलेगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं, ये अशडोड का कि कुछ ऊंची इमारतें हैं वो आपको दिख रहे, बीच में आपको एक ट्रेन लाइन भी गुजरती है, ट्रेन की लाइन भी गुजरती है, वो अभी यहां से हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ट्रेन की सुविधा भी यहां अच्छी है, ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वक्त देखिए, अब इधर से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अशडोड यानी दक्षिण की तरफ हम आ गए हैं, यहां जैसे आगे बढ़ेंगे गाड़ियों की संख्या आपको कम दिखेगी। अभी कुछ दिख रहा है, धीरे 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 गाड़ियों की संख्या कम दिखेगी। जो गाड़ियां दिखेंगी वो डिफेंस स्टाफ की होंगी, रिजर्व डिफेंस के लोगों की होंगी। और न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को एक और खास चीज बता दें, कैसे हमें पता चलता है कि अलर्ट हुआ। एक चीज, जब आप न्यूज 18 इंडिया को लगातार देख रहे, देश के नंबर वन न्यूज चैनल और देश के नंबर वन यूट्यूब चैनल को जब आप देख रहे हैं, तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आखिर कैसे हम अपनी रिपोर्टिंग भी करते हैं और कैसे लोग यहाँ अपने आप को सुरक्षित जगहों पर ले आते हैं। आपको दिखाते हैं कैसे हमें मिसाइल अलर्ट मिलता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में, डेढ़ से दो मिनट में। ये देखिए पहले आपको अशडोड दिखा दे, अशडोड दूर से ही पता चल रहा है कि शहर में सन्नाटा है, दूर से ही पता चल जाएगा कि आपको शहर में सन्नाटा है। यहां से महज कुछ दूरी पे एस्केलोन है, जहां करीब 1000 की संख्या में अब तक मिसाइल दागे गए होंगे। उस शहर को भी खाली कर दिया गया है, बहुत होटल खाली कराए गए हैं, और एस्केलोन में
कुछ हिस्से को खाली कराया गया है। अगर लोग घरों में भी हैं तो घर के अंदर ही रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, गाड़ियों से निकलते हैं और दूसरे शहर की तरफ चले जाते हैं। तो अब आपको दिखा रही है रेलवे लाइन, आप देख सकते हैं तेल अवीव से ये रेलवे लाइन आती है, ट्रेन लाइन आती है जो हमारे दाई तरफ आपको दिख रहा है, राइट हैंड साइड हमारे। अब आपको दिखाते हैं ये, हम बार बार कह रहे कि आखिर लोगों को कैसे पता चलता है कि हमास ने कोई हमला किया, मिसाइल दागा है शहरों पे। ये देखिए इस तरह के कई ऐप होते हैं हमारे पास, जो ऐप है जोफार, TZOFAR, ये जोफार ऐप है, इसको हमने डाउनलोड किया है, इसको डाउनलोड किया। और डाउनलोड करके ओपन सेटिंग्स में जब आप सेटिंग ओपन करते हैं तो हमने जितने भी शहर हैं इसराइल में, आपको दोबारा से खोलते हैं, ये जितने भी शहर इसमें जो नाम दिख रहे होंगे, इसमें तेल अवीव यहां दिख रहा है, देखिए अगर दिख रहा होगा तेल अवीव सिटी, कल शाम को 6 बजे तेल अवीव सिटी पे हमला किया गया था, एक साथ कई रॉकेट दागे गए थे। तो जब हमला होता है तो एक सेंसर होता है, सेंसर उसको कैच करता है और जिस शहर पे हमला होता है वहां का सेंसर, उस सेंसर से ये ऐप लिंक है जोफार। अब देखिए जैसे ये गाजा इनवेलप, आज रात को अभी तक आपको बता दे कोई भी मिसाइल अभी तक सुबह से 10:11 हो रहे हैं, एक रात में मिसाइल छोड़ा गया था 2:51 में, भारत के समय के मुताबिक 3:21 पे, भारत के समय के मुताबिक 5:21 पे और यहां के समय के मुताबिक बीती रात 2:51 पे। आज अगर बात करें सुबह से, ये बेरी में छोड़ा गया था, तो कैसे पता चलता है? मान लीजिए बेरी में कोई छोड़ा जाता है मिसाइल तो अलर्ट आ जाता है तुरंत, और हम खुद अलर्ट आता है तो आवाज आती है इसमें, और इसको हम खोल के देखते हैं ओपन करके, तो बेरी, अगर हम बेरी में हैं तो हम अपने आप को तुरंत शेल्टर ले लेंगे। अगर हम बेरी पे छोड़ा गया और तेल अवीव में है तो शेल्टर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेरी में आपके पास टाइम कम होता है। आपने अगर इसके ऊपर देख रही है गाजा इनवेलप लिखा हुआ है, गाजा इनवेलप से मतलब यह है कि जो गाजा से 7 किलोमीटर के दायरे में जो शहर है, जो गांव है, जो छोटे कस्बे हैं, जो छोटे किबुज है, वो उनको इंगित करता है गाजा इनवेलप। पूरे गाजा बॉर्डर से, इजराइल गाजा बॉर्डर पे जो 7 किलोमीटर का दायरा है उसको ये दर्शाता है, जहां 70,000 यहूदी रहते हैं, कुल 1 करोड़ की आबादी है यहां इजराइल की, उसमें 70,000 इस गाजा इनवेलप में रहते हैं। तो हमारी तैनाती आमतौर पर डे टू डे होती है इसी गाजा इनवेलप में। तो और अगर हमारे जैसे तेल अवीव में है, रात कल हम तेल अवीव में थे, शाम को जब तेल अवीव में हमला हुआ तो हमने तुरंत शेल्टर ले लिया क्योंकि तेल अवीव का अलर्ट था, और उसके बाद तमाम रॉकेट को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया। तो इस तरह से किया जाता। अब दक्षिण के बहुत नजदीक आ गए हैं, ये देखिए झंडे आपको और बढ़ते जा रहे, दक्षिण की तरफ झंडे कई इलाकों में बहुत ज्यादा होते हैं, और जैसे जैसे इलाके बढ़ते, आपने देखा होगा ये हाईवे है इसलिए आपको कहीं भी पुलिस के लोग बहुत कम दिखेंगे, बीच बीच में 1-2 जगह हमें देखने को मिले, इसके अलावा पुलिस आर्मी के लोग कम देखने को मिले, लेकिन जो गाड़ियां जो जा रही हैं इधर दक्षिण की तरफ, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आर्मी में अपनी सेवा देने जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करने जाते हैं। ये येलो बैकग्राउंड पे यहाँ का नंबर होता है, कुछ टैक्सीज होती है, प्राइवेट कार्स भी होते हैं जो हमें दिखता है, वो जैसे इंडिया में आपने देखा होगा टैक्सी और कमर्शियल गाड़ियां और जो प्राइवेट गाड़ियां होती हैं उनके नंबर्स के प्लेट अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ टैक्सी हो या प्राइवेट कार हो, ये प्राइवेट कार है, ये सामने में टैक्सी है, उनके नंबर प्लेट का जो बैकग्राउंड है वो येलो में होता है और ब्लैक से लिखा होता है, यहाँ कोई फर्क नहीं होता, जैसे हिंदुस्तान में हमने देखा वहां नंबर प्लेट में फर्क होता है। ये देखिए यहाँ, ये देखिए एक चेक पोस्ट है, और करम उधर से दिखाओ, चेक पोस्ट के बगल में एक आपको शेल्टर दिख रहा है, ये शेल्टर है, ये जो करम आपको दिखाने, ये शेल्टर है, ये शेल्टर, अगर कोई भी मिसाइल से हमला होता है तो वहां आपको अलर्ट किया जाएगा। ये गाड़ियां इसमें ज्यादा से ज्यादा, देखिए आर्मी के लोग भी बहुत बैठे आपको दिखने को मिलेंगे जो अपनी सेवाएं देकर आ रहे हैं, ये आम लोग सड़कों पे घूमने नहीं निकले, घूमने वाला देश है, मस्ती करता है ये देश, लेकिन घूमने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। ये एस्केलोन, नो एस्केलोन, अब आगे हम एस्केलोन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें जाना है नेटिवोट, नेटिवोट की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं लगातार, नेटिवोट, नेटिवोट हम लोग एस्केलोन भी आपको दिखेगा,
नेटिवोट भी हमको जाना है। नेटिवोट हमारा आज का फोकस एरिया है। नेटिवोट के बाद हम आगे का रास्ता तय करेंगे जहां हमें जाना है। एक महत्वपूर्ण प्लेस पे जाएंगे यहां, जहां से गाजा दिखता है हमें बताया गया है। वहां अब तक हम नहीं जा चुके हैं, जा पाए हैं। कई मीडिया के लोग पहुंच गए थे क्योंकि हमने अपना फोकस एसडीरोड पे शुरू में रखा, लेबनान बॉर्डर पे रखा, लेकिन उस गांव में हम नहीं जा पाए हैं। आज जाने की कोशिश करेंगे। पिछले 5 दिनों से हमारी तमाम कोशिशें वहां जाने की नाकामयाब रही हैं क्योंकि वहां शेलिंग होती है, लगातार रॉकेट से हमले किए जाते हैं हमास की तरफ से। और देखिए अब हम लोग और नजदीक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जितनी गाड़ियां आप देख रहे हैं या तो इमरजेंसी बसें चल रही हैं, आपको बता दें जो सार्वजनिक बसें हैं, ट्रेन है वो चल रही है, लेकिन उन बसों और ट्रेन में लोगों की संख्या और तादाद बहुत कम होती है। और दक्षिणी हिस्से में जब आते हैं, क्योंकि इन सड़कों पे बहुत गाड़ियां, जेरूसलम की तरफ भी रास्ता यहां से निकलेगा, हर तरफ निकलता है, तो यहां गाड़ियां हाईवे पे हैं तो दिख जाती हैं, लेकिन जब आप शहरों में घुसेंगे तो सन्नाटा मिलेगा। जब आप घरों की तरफ देखेंगे तो खिड़कियां और दरवाजे बंद मिलेंगे आपको देखने को। बहुत ये देखिए कितने झंडे हैं हर तरफ, इस तरह से झंडे, आपको सिर्फ झंडा झंडा झंडा, इजराइल का झंडा, आपको स्टार बना हुआ ब्लैक और माफ कीजिएगा ब्लू और व्हाइट बैकग्राउंड पे। और हर चेक पॉइंट पे एंट्री होती है। रेड लाइट अगर जल गया तो रेड लाइट के प्रोटोकॉल का यहाँ बहुत पालन होता है। कोई भी हो, प्राइवेट हो या टैक्सी वाले हो, वो बहुत करते हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि ट्रैफिक रूल्स का, कई बार लाइव के दौरान हम हाईवे पर रुकने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें मना किया जाता है। ये हम इजराइल के दक्षिणी हिस्से की तरफ पहुंच गए और यहां से देखिए सीधे अगर लॉन्ग ऐसे, हालांकि कैमरे में धुंध जैसा नजर आ रहा है, वो दिखेगा नहीं, यहां से दूर जो इलाका नजर आ रहा है, दूर कोशिश करेंगे, लॉन्ग जो आपको दिख रहा है वही समझ लीजिए गाजा और इजराइल की सीमा को रेखांकित करते हैं। यहां से दूर अभी हम जैसे जैसे नजदीक पहुंचेंगे, यहां से एस्केलॉन दिखने लगा। दिस इज एस्केलॉन मोसे, ये एस्केलॉन देखिए, यहां से एस्केलॉन दिखने लगा, यहां से एस्केलॉन आपको दिख रहा है। एस्केलॉन भूमध्य सागर के दूसरी तरफ, ये शहर के बगल में भूमध्य सागर है, 10 किलोमीटर के दायरे में एस्केलॉन है, गाजा के बॉर्डर से, गाजा के उत्तरी बॉर्डर से 10 किलोमीटर के दायरे में है एस्केलॉन से। जैसे आप तेल अवीव की बढ़े, तेल अवीव की तरफ बढ़ेंगे तो अशडोड आएगा, अशडोड के बाद फिर थोड़ी किलोमीटर के बाद आपको तेल अवीव आएगा। तो ये एस्केलॉन दिख रहा है, अभी दूर है यहां से, लेकिन एस्केलॉन के कुछ खास हिस्से को बोला गया है, पूरे शहर को बोला गया है कि आप घरों में रहिए, खाने पीने की व्यवस्था करके आप अपने शेल्टर में रहिए, हमास के आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट कर सकते क्योंकि नजदीक का शहर है एस्केलॉन से। हम लगातार आपको रिपोर्ट बताते रहे शुरुआती दिनों में, खासकर हमारे साथ भी एक घटना जो घटी थी कि हम गाड़ी में थे पहले दिन और उसी दिन हमारे ऊपर 8-10 रॉकेट ऊपर आ जाते हैं, हालांकि आयरन डोम ने ज्यादातर को इंटरसेप्ट किया। और ये ट्रेन देखिए, यहाँ की ट्रेन कैसी होती है, ये ट्रेन, ट्रेन के अंदर लोग बहुत कम है, कैमरे पे के लेंस से उन्हें पकड़ना है आपको, लेकिन हम बता रहे हैं ट्रेन में जो हमें दिख रहा है वो बहुत कम लोग है, मिनिमम संख्या है, लेकिन ट्रेन चल रही है, ट्रेन रुकी हुई नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति है लेकिन ट्रेन नहीं रुकी है, सार्वजनिक बसें चलती हैं। खासकर तेल अवीव में थोड़ा सा माहौल ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं वहां सन्नाटा आपको देखने को मिलेगा। लगातार कोशिश हो रही है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि सही वक्त पे वो हमला करेंगे, गाजा के अंदर आक्रमण करेंगे, घुस के मारेंगे। और आपको एक और जानकारी देते, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को, स्ट्राइकर जो कि अमेरिका का एक आर्मरी व्हीकल है जो बहुत हाई प्रोफाइल माना जाता, हमने उसकी भी तस्वीरें हमें देखने को मिली इजराइल गाजा बॉर्डर पे। और स्ट्राइकर में 8 बड़े बड़े चक्के होते हैं और उसमें आर्मरी व्हीकल होता है जिसमें सेना के जवान तैनात रहते हैं। तो अमेरिका ने भेजा इजराइल की मदद के लिए, और भी बहुत सारे सामान भेजे हैं युद्ध से जुड़े हुए जिनका इस्तेमाल युद्ध में होता है। और आपने देखा होगा कैसे जो बाइडन 7 अक्टूबर के बाद तुरंत ही यहां पहुंच गए थे महज कुछ दिनों के बाद, और लगातार दूसरे नेटो देशों के मुखिया या यूरोपियन देशों के प्रमुख लगातार घूम रुख कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल इजराइल के अंदर चिंता की एक बात यह भी है कि रूस का रुख किधर होता है, हमास का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है रूस में, वहां ईरान के उप विदेश मंत्री भी पहुंचे हैं, वहां
ठीक है, तो आप देख सकते हैं, हम आपको बता रहे थे कि वहां प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, लेकिन इसराइल इकलौता विकसित देश है जिसने यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन का साथ नहीं दिया और न ही रूस का, अपना संतुलित बैलेंस बनाए रखा, न तो हथियारों से मदद की यूक्रेन की और न ही पश्चिमी देशों ने जो सैंक्शन लगाए थे रूस पर उसका भी समर्थन किया। तो इसराइल की नजर रूस पे भी है कि रूस का रुख क्या होता है। और अब देखिए एस्केलोन के बगल से गुजर रहे हैं और यहां सन्नाटा और भी वीरान होता जाएगा, जो सन्नाटा हमें दिख रहा है उसकी वीरानगी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे हम बॉर्डर पे पहुंचेंगे वहां सिर्फ हम और आर्मी के लोग दिखेंगे। एस्केलोन हमारे बगल में है और आपको बता दें कि पिछले 19 दिनों में हमने इसराइल को पूरा का पूरा घूमने की कोशिश की, उत्तर से लेकर दक्षिण के बारे में आपको बताया है, तीनों फ्रंट के बारे में बताया है, गाजा फ्रंट जो कि इसराइल बॉर्डर से लगता है, लेबनान फ्रंट जो कि दूसरा फ्रंट है वहां हम गए, तीसरा फ्रंट वहां भी गए जो कि इसराइल और फिलिस्तीन की सीमा है यानी वेस्ट बैंक की सीमा है, वहां भी हम पहुंचे और ये एस्केलोन की तरफ जाता है ये रास्ता, आपको बता दे। अब हम अपने इस वीडियो को यहाँ खत्म करने की कोशिश करेंगे, एस्केलोन की तरफ जाता है लेकिन हमारा रास्ता दूसरा है, आज नेटिवोट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेटिवोट भी एक नजदीक का शहर है, वहां भी लगातार मिसाइल के हमले होते रहते हैं और ये हम अब बढ़ रहे हैं। इसमें ज्यादातर लोग, आपको बता दिए, आम पब्लिक कोई घूमने नहीं आई है, इसमें ज्यादातर लोग ऐसे लोग हैं जो सिविल आर्मी कह सकते हैं, रिजर्व फोर्स के लोगों को कह सकते, उनके लोगों की संख्या इसमें ज्यादा है। तो इसराइल और गाजा के बॉर्डर से फिलहाल इतना ही, न्यूज 18 इंडिया। आप 19 दिनों से लगातार आपको इसराइल के हर कोने से खबर दिखा रहा है न्यूज 18 इंडिया। हम नीरज कुमार और हमारे कैमरा पर्सन, अगर आप हमें देख रहे हैं तो वो हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह की वजह से, और इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं इसराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव से, जो राजधानी मुख्य तौर पे है प्रशासनिक वो तो जेरूसलम है, लेकिन इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं तेल अवीव से और तेल अवीव से हम लोग जा रहे हैं दक्षिण गाजा की तरफ, यानी उत्तर दक्षिण गाजा की तरफ जा रहे हैं, यानी इसराइल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां गाजा है, एक छोटा सा कोना है कह सकते हैं इसराइल के कोने पर, लेकिन गाजा की तरफ से हमास ने जो किया है वो हम आपको बताएंगे भी, लेकिन इस वक्त आपको दिखा रहे तेल अवीव। कभी कभी हमारे देश के मुंबई जैसा लगता है, मुंबई भी भारत की आर्थिक राजधानी है और तेल अवीव भी इसराइल की राजधानी है, और हमें तो किसी ने बताया कि क्योंकि दोनों शहरों में एक रूपता इसलिए दिखती है क्योंकि एक ही इंजीनियर ने मुंबई और इसराइल के जो तेल अवीव को बनाया है वो एक ही इंजीनियर ने बनाया है, कुछ एक ही इंजीनियर की टीम के लोगों ने दोनों शहरों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और एक और रिश्ता है, भारत के कई शहरों से रिश्ता है, मुंबई के ज्यूज बहुत बड़ी संख्या में आपको इसराइल में मिलेंगे, हमें बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं, 1 लाख के करीब उनकी संख्या है टोटल ज्यूज की जो भारत से आए थे। और इधर करम, आप इधर भी दिखा दे, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर ही गाजा इसराइल लेबनान को जोड़ता है तटों पे। अगर आप यही भूमध्य सागर के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो यहां से करीब 70 किलोमीटर के बाद गाजा आ जाएगा, और कुछ खबरें जो आपने देखे कि आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं इसी भूमध्य सागर के जरिए करते हैं, जो आपको हमारे दाईं तरफ दिख रहा है, यहीं से आतंकवादी कोशिश करते हैं, यहां से नहीं बल्कि गाजा और इसराइल के बॉर्डर पे जो कि दक्षिणी हिस्सा है। अब हम आपको बताते हैं, आज हमारे पास मैप भी है और कैमरा पर्सन करम से कहेंगे, इसराइल का पूरा मैप है लेकिन हम सिर्फ आपको उस हिस्से पे बताते हैं इस वक्त हम लोग कहां हैं। इस वक्त हम लोग देखिए यहां है तेल अवीव, ये तेल अवीव है, सेंट्रल इसराइल कह सकते हैं, भूमध्य सागर के बीच में है, हम लोग यहीं पे मौजूद है, हमारी गाड़ी एक ट्रैफिक पे इस वक्त खड़ी है। पिछले 19 दिनों का हाल या 21 दिनों का हाल हम बताए, यहां से हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, इस रास्ते से देखिए, इसी रास्ते से इधर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, यहां से तेल अवीव से निकले इधर 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 इस तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, ये दक्षिण का इलाका है और यहां से शुरू हो जाता है गाजा, ये पूरा बहुत छोटा सा हिस्सा है गाजा, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जिसका जिला गाजा से छोटा हो, केंद्र शासित प्रदेशों
के जो जिले हैं वो गाजा से छोटे जरूर हैं, जैसे माहे हो गया, दिल्ली के ज्यादातर जिले गाजा से छोटे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के जिले गाजा से बड़े हैं। 385 स्क्वायर किलोमीटर महज इसकी इसका क्षेत्र पर है, लेकिन आबादी 23 लाख के करीब है, बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। ये बॉर्डर है यहां से लेके, देखिए यहां से लेके यहां तक हम इस वक्त गुजर रहे हैं तेल अवीव से, लेकिन आपको बता दें कि हम जा किधर रहे, हम यहां आज जा रहे हैं, तेल अवीव यहां है और यहां से इस रास्ते होते हुए ऐसे ऐसे ये नेटिवोट है, हम एक गाजा के गांव की तरफ बढ़ेंगे, ये नेटिवोट है, माफ कीजिएगा इसराइल के गांव की तरफ जो गाजा के बॉर्डर पे, यहां हमें बुलाया गया है और यहां से फिर हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे, गाजा की सीमा के करीब बढ़ेंगे। और आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बता दें, आपने तमाम खबरें हमारे साथ देखी है, न्यूज 18 इंडिया के साथ देखी है, न्यूज 18 इंडिया आपको लगातार बताता रहा है कि कैसे हमला हुआ। फाराजा, ये फाराजा है, अगर कैमरे पे दिख रहा हो करम आपको दिखा पा रहे हो तो, बेरी, ये बेरी और इसके आसपास रेम, ये तीनों एरिया एपी सेंटर था, बहुत यहां से करीब है, महज 800 मीटर से 1-2 किलोमीटर की दूरी होती है। लेकिन इस बीच आपको तेल अवीव दिखा देते हैं, तेल अवीव में कुछ कुछ गाड़ियां आपको दिख जाएंगी, क्योंकि ये इसराइल के सुरक्षित शहरों में से जाना जा रहा है। दक्षिण का जो शहर है एश्केलोन, अशडोड, वो बहुत संकट के शहर है, वहां खतरा ज्यादा है। जेरूसलम इसराइल के पश्चिम में है, वहां भी खतरा कम है, लेकिन वेस्ट बैंक क्योंकि नजदीक है तो वो तीसरा फ्रंट कभी भी हो सकता है। तो अब यहां से हम लोग बढ़ चुके, आप देख सकते हैं तेल अवीव, आज फ्राइडे का दिन होता है और फ्राइडे हाफ डे होता है, यहाँ फ्राइडे और सैटरडे शब्बात होता है ज्यूज के अपने उनके समुदाय में, तो शनिवार को कोई काम नहीं करता, हमें ड्राइवर भी नहीं मिलते ज्यूज समुदाय के, कोई बहुत मुश्किल से कई बार मिलता है, और दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव देश भी है और ये शहर भी है। आपको बता दें, ये देख सकते हैं सन्नाटा पूरा पसरा हुआ है इस वक्त, और 19 दिनों में क्या कुछ हुआ है एक बार आपको वो भी बता दें। तेल अवीव में कई रॉकेट दागे गए, आज से महज 2 दिन पहले शाम को 5 बजे एक के बाद एक 100 रॉकेट तेल अवीव और उसके आसपास जो बेन गुरियों एयरपोर्ट है तेल अवीव से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर, इन इलाकों में दागे गए, कुछ गिरे, ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया। हम हाईवे पे थोड़ी देर में पहुंचेंगे और आपको बताएंगे ये रास्ता जो है गाजा की तरफ जा रहा है, न्यूज 18 इंडिया आपको गाजा की तरफ ले जा रही है, और गाजा के बारे में हमने आपको मैप में समझाया। दरअसल इसराइल ने कई फ्रंट खोल रखा है, एक दूसरा फ्रंट आपको दिखा दे, गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन उस फ्रंट के बारे में भी बता दे। ये देखिए, ये पहला फ्रंट दक्षिण का जो गाजा करम सिंह ने आपको दिखाया कैमरे पे, ये दूसरा फ्रंट है, ये दूसरा फ्रंट है लेबनान, लेबनान ये दूसरा फ्रंट है, सीरिया के, ईरान के कुछ ईरान के मिलिशिया पे आज अमेरिका ने हमला किया, वो सीरिया इधर है, सीरिया के कैंप पे हमला किया, ये जॉर्डन है, लेबनान सीरिया इधर है जो कि इस मैप पे नहीं दिख रहा, ये सीरिया समझ सकते, जॉर्डन और नीचे यहां इस तरफ नीचे जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे मिस्र, ये मिस्र है, इजिप्ट जो कि इस मैप में पूरा नहीं है, और ये गाजा है। वेस्ट बैंक के बारे में जो आप लोग बात सुनते हैं, वेस्ट बैंक क्योंकि गाजा और वेस्ट बैंक को मिलाकर फिलिस्तीन बनता है, लेकिन दोनों के बीच में दूरी, आपको हिंदुस्तान के तरीके से समझाते हैं, जब पाकिस्तान एकजुट था यानी बांग्लादेश और 1971 से पहले पाकिस्तान एक था, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो एक को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, एक को पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से भी हम लोग जानते थे, तो पश्चिमी जो हिस्सा है वो कह सकते एक हिस्सा एक तरफ है और पूर्वी हिस्सा एक तरफ है, तो ये है वेस्ट बैंक और गाजा। तो ये आपको मैप के जरिए समझा दिया, अब आपको चलते हैं 19 दिन के बारे में बताते हैं। दरअसल ये रास्ता हम बढ़ रहे हैं गाजा की तरफ, थोड़ी देर बाद महज आधे पौन घंटे के बाद हम गाजा की तरफ पहुंच जाएंगे, उसके बॉर्डर पे पहुंचेंगे। आज हमारा मकसद है कि ये कैसे गांव तक पहुंचे जो सबसे करीब है, पिछले 20 दिनों में हम वहां इसलिए नहीं जा सके, कभी लेबनान बॉर्डर, कभी बेरी, कभी रेम, कभी एसडेरोट, तमाम जगह की खबरें आप तक ला रहे थे हम और करम सिंह, लेकिन ये रास्ता देखिए, ये जो गाड़ियां दिख रहे हैं, आपको एक और चीज बता दें, हमारे एंकर ने हमसे पूछा कि सड़कों पे गाड़ियां बहुत दिखती हैं, इन गाड़ियों में हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे हों जो रिजर्व ड्यूटी के लोग हों, जो रिजर्व ड्यूटी में जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा गुरुद्वारे में लंगर के लिए जो बहुत युवा आते हैं, आधे 1-2 घंटे अपनी सेवा देते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह से रिजर्व फोर्स के लोग, हर घर से कोई ना कोई जवान है यहाँ, जो इस वक्त में युद्ध की घोषणा हो चुके, वो 8 घंटे के लिए या कुछ घंटे के लिए जाएगा
वो अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर देगा, अपनी ट्रेनिंग लेगा और उसके बाद वो आ जाएगा, सेना में जाके अपनी सेवाएं देगा, उसके बाद आ जाएगा। यानी देश की सेवा का जज्बा पूरे दुनिया के किसी देश में इजराइल जैसा नहीं हो सकता जैसा कि दिख रहा है। और हमेशा ऐसा नहीं कि बाकी लाइफ रुक जाता, अभी लॉकडाउन की स्थिति है, ये देखिए ये सब ज्यादा अभी आपको टेक होम की जो फैसिलिटी है, जो सुविधाएं देते हैं वो ज्यादा हमको सड़कों पे कई बार नजर आते हैं। ट्रैफिक नियम का पालन यहाँ खूब होता है। लेकिन अब आपको बताते हैं क्या हुआ है पिछले 19 दिनों में। जब हम पहली बार यहाँ पहुंचे 9 तारीख को 10 से 11 बजे के बीच में जब हमारी लैंडिंग हुई थी, तो यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर बेन गुरियों एयरपोर्ट है जो कि तेल अवीव से नजदीक है, वहीं पे सायरन की आवाज आती है और सारे यात्रियों को छुपा दिया जाता है एक शेल्टर के अंदर, और वहीं से हम अपनी पहली रिपोर्टिंग करते हैं यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर। जबकि तेल अवीव सबसे सुरक्षित है और गाजा के करीब के शहर सबसे ज्यादा खतरनाक इलाके माने जाते हैं सुरक्षा के दृष्टि से। सबको आप लोग कहेगा जो भी इसराइल में आपको मिलेगा, बावजूद इसके कि वो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे, वो जब भी आपको मिलेंगे तो जरूर कहेंगे बी सेफ। तो यहां से हम लोग बढ़ चुके हैं गाजा की तरफ, आपको तस्वीरें दिखा रहे करम सिंह, करम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। भीड़ रहती है जैसे मुंबई शहर चलता है उसी तरह से ये शहर चलता है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं आज एक तो शुक्रवार की वजह से बहुत कम गाड़ियां हैं, लॉकडाउन की वजह से पहले से ही सड़कों पे कम गाड़ियां हैं। शुक्रवार हाफ दिन के बाद आज हमारे जो पायलट है वो भी, उन्होंने भी कहा कि उन्हें घर जल्दी जाना है, हमारे साथ में मौजूद हैं। ये देखिए सारी दुकानें आपको बंद होंगी, हम पहले भी इस तरह की रिपोर्ट आपको दिखा चुके हैं। लेकिन गाजा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसराइल गाजा बॉर्डर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और दक्षिणी गाजा के बॉर्डर की तरफ भी कल हम थे। होलीत एक किबूज है, किबूज यानी गांव, छोटा समुदाय जहां 85 लोग रहते थे, उन्हें भून दिया गया, ग्रेनेड से उड़ा दिया गया, 14 लोगों की जान ले ली गई और हर तरफ आपको इसराइल का झंडा दिखेगा। करम ऊपर के इसराइल के झंडे को दिखाई यहां से, ये इसराइल के झंडे आपको जो दिख रहे हैं स्टार जैसे ब्लू और व्हाइट के बैकग्राउंड पे, ये आपको सिर्फ शहर में नहीं हर जगह दिखेगा जहां भी इसराइल का कब्जा है। चाहे वेस्ट बैंक की तरफ हम गए थे, वेस्ट बैंक के साइड में गए थे और वहां के बॉर्डर पे देखे, वेस्ट बैंक और इसराइल के बॉर्डर पे वहां इस तरह के इजरायली झंडे आपको देखने को मिल रहे थे। चाहे आप गाजा और मिस्र के ट्राइजंक्शन पे जाते, इसराइल के ट्राइजंक्शन पे जाते, वहां देखने को मिल रहा था। लेबनान बॉर्डर पे जब हम गए, इसराइल लेबनान बॉर्डर पे, वहां यह देखने को मिला। मेतुला जो कि सबसे उत्तर का गांव है, वहां जब पहुंचे तो वहां इस तरह के झंडे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसराइल इस वक्त पूरे युद्ध की स्थिति में है। हम कह सकते हैं कि तेल अवीव क्योंकि सेंट्रल में है, हमास कोशिश करता है कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए लेकिन कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि आयरन डोम उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद है उन मिसाइलों से, और क्योंकि जब गाजा से 70 किलोमीटर की दूरी पर तो मिसाइल के पहुंचने में करीब करीब 1 मिनट का वक्त लगता है, तो आयरन डोम का भी रिस्पांस टाइम होता है 1 मिनट का होता है, यानी वक्त ज्यादा मिलता है। अगर एस्केलोन जो कि बिल्कुल 10 किलोमीटर की दूरी पे है गाजा की सीमा से, अगर एस्केलोन पे मिसाइल मारा जाता है तो 30 सेकंड का वक्त मिलता है आयरन डोम को महज, और लोगों को अपने आप को छुपाने के लिए भी। जैसे अगर मान लीजिए, आपको बता दें एक अपना खुद का वाक्य भी हम बताएंगे, इसी तरह की एक सड़क से हम गुजर रहे थे, आ रहे थे उस दिन दक्षिण गाजा की तरफ से तिल्ली की तरफ, तो अचानक से कई सायरन की आवाज आती है और इसी इन्हीं सड़कों पे तमाम गाड़ियां, ये चलती हुई गाड़ियां जो आपको दिख रही है, एक के बाद एक रुक जाते हैं और हम लोग बिल्कुल सो जाते हैं। जो यहाँ का प्रोटोकॉल है, जो यहाँ का सेफ्टी प्रोटोकॉल है, तमाम लोग सड़कों पे सोए हुए मिलते हैं। इस तरह की स्थिति भी पैदा होती है बीच बीच में। आमतौर पे दोपहर के बाद तेल अवीव पे हमला करता है मिसाइल से हमास, लेकिन सुबह में हमला कम करता है। लेकिन आज शुक्रवार का दिन है, आज जो हॉट एरिया, आज जो हॉट एरिया है उसके बारे में बता दें, वेस्ट बैंक का एरिया हॉट रहेगा, जहां रमल्ला है वहां जाना थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है। हमने एक दौरा किया था रमल्ला जो कि आज की तारीख में राजनीतिक राजधानी है वेस्ट बैंक की, वहां लोग प्रोटेस्ट करते हैं। इसके अलावा जेरूसलम, पिछले शुक्रवार को जेरूसलम में हम लोग मौजूद थे जहां अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना करने को लेकर लगातार इजरायली सेना और अरबिक मुस्लिम समुदाय के लोगों में झड़पें होती रहती है। 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को सिर्फ आज शुक्रवार को वहां जाने की
इजाजत होते प्रार्थना करने की, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और यहाँ के बॉर्डर से यानी गाजा और इसराइल के बॉर्डर से तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। 7,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 1,400 से ज्यादा लोग इजरायली साइड मारे गए, 7,000 से अधिक लोग गाजा वेस्ट बैंक की तरफ टोटल मिला के मारे गए हैं। इसके अलावा 1,400 से ज्यादा 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था वहां मारे गए थे ज्यादातर लोग बॉर्डर पे, जिसमें सैनिक, विदेशी नागरिक, यहूदी, सीमा पर रहने वाले लोग, ज्यादातर किबूज के लोग मारे गए थे। लेबनान बॉर्डर पे जो हमला किया है, लेबनान बॉर्डर पे हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसमें भी हिजबुल्ला के कई आतंकवादी मारे गए हैं, सोल्जर भी मारे गए हैं इसराइल और लेबनान बॉर्डर पे। गलीली अस्पताल हम आपको लेकर गए थे, कैसे वो बंकर अस्पताल में तब्दील हो गया है, तो लगातार आपको हर चीज वो बता रहे हैं। 20 दिन में इसराइल ने एक बड़ा रेड किया, बड़े रेड में कई बड़े ठिकाने उनके ध्वस्त किए। दरअसल इसराइल की सरकार पे दबाव है कि वो जल्दी से जल्दी, दबाव यहाँ के लोगों की तरफ से कि जल्दी से जल्दी जमीनी आक्रमण करे, यानी वो अंदर की तरफ घुस जाए। लेकिन इसराइल चाहता है कि वो धीरे धीरे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करे, क्योंकि 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसराइल नहीं चाहता कि अब एक भी जवान की जान जाए, इसीलिए सारे एरिया को जो 51 किलोमीटर की सीमा, आपको बता दें कि गाजा की लंबाई उत्तर से दक्षिण 41 किलोमीटर है, चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर है, और जो इसराइल से सीमा लगती है गाजा के उत्तरी इलाके से लेके गाजा के दक्षिणी इलाके तक, जहां मिस्र, इसराइल और गाजा मिलते हैं, उसकी लंबाई 51 किलोमीटर है बॉर्डर की। बॉर्डर के नजदीक बहुत सारे शहर है, उनके बारे में आपको बता दें, जैसे एस्केलोन, अश्डोड, 10 किलोमीटर से बाहर है, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है वो। एस्डेरोट 800 मीटर की दूरी पे है गाजा से, एस्डेरोट जहां पुलिस थाने पे कब्जा कर लिया था हमास के आतंकियों ने और थाने को ही उड़ा दिया था, और बाद में आर्मी की सेना आई से हमास के आतंकवादियों को ढेर किया। इसके अलावा उफाकीम, नेटिवोट, खेरेम शलोम, गांव फाराजा, रेम, बेरी, निराम, नीरिम, जिकीम, जिकीम बीच पर बहुत बड़ा हमला किया गया था, उफाकीम, ये सब बॉर्डर एरिया है। और एक बॉर्डर है जहां से पहले 7 अक्टूबर से पहले इरेज बॉर्डर और नॉर्दर्न साइड इरेज बॉर्डर है, जहां से फिलिस्तीन के लोगों को यानी गाजा के लोगों को इसराइल के अंदर आने की इजाजत थी। हम अभी वेस्ट बैंक की बात नहीं करें, गाजा की बात करें, गाजा वेस्ट बैंक से बिल्कुल दूर है, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में है, मध्य भूमध्य सागर और इसराइल के बीच में है, और दक्षिणी सीमा जो है जिसे राफा बॉर्डर वहां आता है वो मिस्र से लगता है, राफा बॉर्डर से ही मानवीय सहायता पहुंच रही है। तो इसराइल अभी इसलिए आक्रमण नहीं कर रहा है कि वो अपनी तैयारी ऐसी कर लेना चाहता है ताकि आने वाले वक्त में उस पर सवाल न उठाए। एक बार फिर हम आपको मैप के जरिए बताएंगे। करम, आप देखिए, ये देखिए, हम लोग बाहर निकल चुके हैं तेल अवीव से, तब तक हम मैप खोलते हैं, एक बार फिर आपको बताते हैं क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। लगातार सीमा पर ये शहरों के नाम आप देख रही है, मेन हाईवे है, यहाँ बीच बीच में गाड़ी रोक नहीं सकते, रोकेंगे तो तुरंत पुलिस आ जाएगी, पहले तो आपसे पूछेगी। और एक और महत्वपूर्ण बता दे, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दे आपको, जो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यूं तो प्रेस कहने से ही आपको, आपके, आपको बहुत डिस्टर्ब नहीं करते, चाहे कोई भी हो, चाहे हम पश्चिमी बैंक की तरफ जाएं यानी फिलिस्तीन में जाएं या फिर इसराइल में रहे, लेकिन अब जब आप इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, तो आपको यहाँ के लोग कहेंगे वी लव इंडिया। इसराइल के लोग कहते हैं वी लव इंडिया, और बस कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का नाम ही एक बहुत बड़ा पासपोर्ट है यहाँ के लिए। और हमारे साथ जो कैमरामैन है उनको देखकर भी उनके पास लोग आते हैं, उनसे भी एक हमारी पहचान बनती है। तो इस तरह से लगातार हम जो कवर कर रहे हैं हिंदुस्तान के नाम पे, भारत के नाम पे, इंडिया के नाम पे, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत सारे जवान होते हैं, आपको बता दें बहुत सारे जो यहाँ मिलिट्री के जवान होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हिंदुस्तान घूमने जाते हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में घूमना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा। किसी को आप बोल दीजिए इंडिया तो बोलेगा वो इंडिया, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह की बात वो कर। अब आपको एक बार फिर मैप पे आपको ले चलकर समझाते हैं। देखिए, इस पूरे बॉर्डर पे अभी इसराइल की सेना तैनात है, यह पूरा बॉर्डर 51 किलोमीटर का यहां से लेकर गाजा इसराइल का बॉर्डर है।
कुछ एरिया बफर जोन है, कुछ एरिया के आगे हमें भी जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन ये जो इलाका है ये यहाँ ऊपरी हिस्सा, ये जो देख रहे हैं यहाँ तक उत्तर का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा एरेज क्रॉसिंग है। पहले 7 अक्टूबर से पहले यहीं से होकर गाजा के लोग यहाँ इसराइल में पहुंचते थे और काम करके लौट जाते थे। हालांकि इसराइल के लोगों का गाजा में जाना नहीं होता था, वो नहीं जाते थे। यहाँ देखिए कौन कौन महत्वपूर्ण शहर है, गाजा सिटी यहाँ है, गाजा सिटी उत्तर में है, बेत लहिया है, बेत हनून है। अब नीचे आ जाए एक बार, तो ये इस उत्तर के इलाके में फोकस है इजरायली सेना का। सारे बॉर्डर पे तैनाती बढ़ा दिया, हर जगह हमला किया जा रहा है, लेकिन इस बॉर्डर में, क्योंकि यहाँ गाजा में हमास के लोगों का दबदबा है, क्योंकि यहाँ से जब हमला करते हैं, तो जब यहाँ से हमला करेंगे, मान लीजिए यहाँ से जब हमला करते हैं तो दूरी कम हो जाती है। जब उत्तर से इन शहरों पे हमला करते हैं जैसे अशडोड, एस्केलोन, तेल अविव, यहाँ से जब गोला फेंकेंगे, मिसाइल फेंकेंगे तो दूरी कम हो जाती है। अगर यहाँ से फेंकेंगे दक्षिणी इलाके से, तो जहाँ यहाँ से आपको गाजा और इसराइल बॉर्डर से आप 2 किलोमीटर की दूरी से गोला फेंक सकते हैं, तो यहाँ आपको 35 किलोमीटर ज्यादा जाना होगा। तो ये उत्तर के इलाके में हमास का दबदबा अधिक है और इस बॉर्डर को ज्यादा तबाह करने की कोशिश में, कल परसों जो बड़ा रेड किया गया है वो इसी इलाके में किया गया, इस इलाके में कई लोकेशन हमसे साझा नहीं किया गया है, इस इलाके में किया गया। एस्टेरोट यहाँ देख सकते हैं, एस्टेरोट महज 800 मीटर की दूरी पे, यहाँ आपको दूरी जो दिख रही है ये बहुत कम है। एस्टेरोट शहर 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन एस्टेरोट की बाहरी सीमा जो है वो बिल्कुल बगल में। और ये नीराम, अभी हम जिक्र कर रहे थे, ये नीराम है। कभी कभार हम लोग यहाँ से खड़े होकर भी अपनी टीवी रिपोर्टिंग करते हैं, नीराम बिल्कुल बॉर्डर पे है, यहाँ से आगे अंदर हमें नहीं जाने दिया जा रहा, यहाँ से आगे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और तमाम बॉर्डर का यही हाल है। तो ये है यहाँ का लेबनान बॉर्डर पे भी लगातार हिजबुल्ला और इसराइल के बीच वॉर जारी है। 20 से ज्यादा शहरों को, करीब 30 शहरों और गांव को खाली करा दिया गया है। और एक बार आपको मिडिल ईस्ट के बारे में बता दें, मिडिल ईस्ट में क्या स्थिति है, देखिए मिडिल ईस्ट का भी मैप है हमारे पास, उसमें अगर आपको बताएंगे तो ज्यादा सहूलियत नहीं हो पाएगी। मिडिल ईस्ट का अंदर मैप है, ये मिडिल ईस्ट है, अगर हम थोड़ा क्लोज होकर दिखा सकते हैं तो दिखाए। मिडिल ईस्ट के ये तमाम देश है, उनकी राजधानियां हैं, और यहाँ एक छोटा सा देश इसराइल है, इसराइल यहाँ है, छोटा सा बिल्कुल देश। और जब भी इसराइल में कुछ होता है तो यही चर्चा होती है कि पूरे मिडिल ईस्ट में लड़ाई भड़क सकती है। और आज जो आपको एक चीज और बता दे, जो आज सीरिया यहाँ है, सीरिया, लेबनान इधर है, लेबनान, और जो आज हमला किया है सीरिया में, अमेरिका ने हमला किया है सीरिया में, जहाँ ईरानी मिलिशिया का ये था, ईरानी मिलिशिया के जो कुछ कैंप थे उन पे हमला करके, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 22 अमेरिकी घायल हुए थे इस तरह के हमले में। तो इस वक्त हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अशडोड, विच साइड, विच सिटी, अशडोड की तरफ बढ़ रहे हैं। अशडोड महज 20 किलोमीटर के लमसम होगा, जो एस्केलोन से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 20 किलोमीटर की दूरी पे है, हम एस्केलोन की तरफ बढ़ रहे हैं। एस्केलोन शहर में आज हमें, हमारे जाने का प्लान नहीं है, नेटिवोट जाएंगे, नेटिवोट से हम आगे की यात्रा करेंगे। और देखिए ये जो गाड़ियां आज आपको दिख रही है, इसमें से ज्यादा लोग सिविल डिफेंस होंगे, जो रिजर्व ड्यूटी पर रहते हैं। इसराइल में 4.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो रिजर्व ड्यूटी में रहते हैं, जिनको आर्मी की ट्रेनिंग रहती है, और जब भी युद्ध की स्थिति होती है वो थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके युद्ध में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा IDF के फोर्सेज हैं, जो हमेशा आर्मी में अपनी ड्यूटी देते रहते हैं। तो 3 लाख लोग आ चुके हैं रिजर्व ड्यूटी में, और एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि इनमें बहुत कारण में हो सकता है कि रिजर्व ड्यूटी के लोग होंगे जो जा रहे होंगे बॉर्डर पे, अपनी गाड़ी ऐसे पार्क करते हैं कि जैसे हिंदुस्तान में हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, जिम में जाते हैं, या अपने ऑफिसेज में जाते हैं, गाड़ी बाहर पार्क करते हैं और ड्यूटी करने लगते हैं। तो इनका वही हाल इस वक्त है वॉर की स्थिति में, ये अपनी गाड़ी पार्क करेंगे आर्मी के बेस पे जहां इनकी ट्रेनिंग चल रही होगी, वहां 7-8 घंटे की, जितने घंटे की सेवा देनी होती है वो सेवा देंगे और अपने घर लौट आएंगे। लगता ही नहीं है कि इनके घर से अगर कोई पहले भी शहीद हो चुका है तो इनके जज्बे में कोई कमी नहीं रहती। इजराइल ये सिखाता है, यहाँ के लोग ये सिखाते हैं कि
जज्बा कैसे पैदा किया जाता है अपने देश को लेकर। किबुज में इतने हमले हो चुके हैं, किबुज में इतने हमले हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दें अभी भी लोग कहते हैं इजराइल के लोग कि वो जाना चाहेंगे किबुज में। प्लीज विंडो अप, ऑल विंडो। तो आपको ये हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, आवाज में प्रॉब्लम आ रही होगी, बाहर की गाड़ी की आवाज आ रही है। और ये देखिए अस्टोट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नेटिवोट की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत गाड़ियां चलते हैं इस हाईवे पे, क्योंकि 400 किलोमीटर की लंबाई में लगभग है, और जो इजराइल है उसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर मैक्सिमम चौड़ाई लंबाई 400 किलोमीटर है। लेबनान बॉर्डर से लेके इधर मिस्र के बॉर्डर से जहां रेड सी है उस तरफ डेड सी भी है, हालांकि डेड सी वेस्ट बैंक के बगल में है। और फिर चौड़ाई की अगर बात करें तो मध्य में सबसे ज्यादा चौड़ाई है, उसके अलावा मध्य के दक्षिण में थोड़ी सी ज्यादा चौड़ाई है, तो मैक्सिमम चौड़ाई 100 किलोमीटर है। बहुत छोटा देश है, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है, और बहुत विवादित एरिया है, तो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर से लेकर 27,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का दावा किया जाता है। और इस वक्त ये तस्वीरें बस आपको दिखा रहे हाईवे की, जैसे जैसे आप बॉर्डर की तरफ जाएंगे गाड़ियों की संख्या कम होती जाएगी। कल जब हम एक गांव में गए थे जीपीओ के साथ, जो कि यहां का सरकारी प्रेस विभाग है, उनके साथ गए थे, तो सिर्फ हमारी बस नजर आ रही थी उस सड़क पे, और इसके अलावा जो हमें स्कॉट कर रही थी गाड़ियां। अस्टोड आपको बीच बीच में लिखा हुआ दिख रहा होगा, अस्टोड आने वाला है, दक्षिण का शहर है, भूमध्य सागर के तट पे है, उसके आगे एस्केलोन आएगा, एस्केलोन से थोड़ा सा बगल में एस्टेरॉट है, जो कि समंदर की सीमा पे नहीं है, सागर की, भूमध्य सागर की सीमा पर नहीं है। लगातार न्यूज 18 इंडिया आपको पिछले 19 दिनों का हाल बता रहा है, लेबनान बॉर्डर पे क्या चल रहा है वो भी आपको एक बार बता दे, क्योंकि दक्षिण के बारे में तो हम लगातार आपको बता रहे हैं। दक्षिण के लेबनान बॉर्डर पे इस वक्त, लेबनान बॉर्डर पे जो 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन है, लेबनान और इजराइल के बीच 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन है, हालांकि अभी भी बहुत एरिया विवादित है, लेकिन 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन है, और 120 किलोमीटर की सीमा पर पहाड़ी इलाका है, मिडिल हाइट हिली एरिया है, यानी मध्यम आकार के पहाड़ी दोनों देशों को बांटती है। जितने भी शहर, जितने भी गांव, फार युवाल है, फार युवाल, KFARYUVAL, केरल के ज्यूज, केरल से जो यहूदी आए थे उन्होंने उस गांव को बसाया था। हम वहां पहुंचे तो वो गांव बिल्कुल खाली था, सामने बैरिकेडिंग की गई थी, अंदर कोई मौजूद नहीं था, और वो एक ऐसा स्पॉट था जहां से लेबनान आपको साफ दिखता है। इसके अलावा लेबनान के उत्तर में एक गांव है मेतुला, मेतुला की आबादी 1500-1600 लोगों की है महज, लेकिन वो भी गांव खाली है। वो तीन तरफ से, यानी अगर 360 डिग्री उसको सर्किल करें तो 270 डिग्री उसका लेबनान से घिरा है, सिर्फ 90 डिग्री इजराइल से घिरा। उस गांव भी हम पहुंचे थे, किरियात समोना, जहां की आबादी 24,000 किलोमीटर है, उस शहर को खाली करा दिया गया। वहां भी एक युवक से हमारी मुलाकात हुई थी जो अपने चार बच्चों के साथ जेरूसलम की तरफ शिफ्ट हो रहे थे युद्ध की वजह से। उन्होंने कहा कि वो अपने इस शहर में लौटेंगे जरूर। वहां का टेरेन, लेबनान का टेरेन, यानी स्थलाकृति जो है लेबनान और इजराइल बॉर्डर की, और दक्षिण का टेरेन, दक्षिण का इलाका मैदानी है, जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तेल अवीव से लेबनान की तरफ तो पहाड़ की तरफ बढ़ते जाएंगे, और पहाड़ों पर जंगल बहुत कम होता है। ऐसा नहीं होता कि जंगल हो, जैसे कश्मीर की पहाड़ियों में आपने देखा होगा, वहां या तो बर्फ मिलेगा, या फिर हिमाचल की पहाड़ियों में देखा होगा, उत्तराखंड की पहाड़ियों में देखा होगा, वहां अलग अलग पेड़ होते, लेकिन यहां वैसे पेड़ कम दिखने को मिलते, झाड़ियां छोटी मोटी देखने को मिल जाएंगी। न्यूज 18 इंडिया बढ़ रहा है, इधर से जेरूसलम का भी रास्ता कटता है, सामने में देखिए जो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, जहां अल अक्सा मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना को लेकर लगातार अरबिक समुदाय के लोगों और इजराइल के आर्मी के बीच झड़पें होती रहती है। जेरूसलम इजराइल के पश्चिमी हिस्से में, माफ कीजिएगा, पूर्वी हिस्से में है, और जेरूसलम से ही वेस्ट बैंक शुरू होता है। गाजा तो बिल्कुल दूसरी तरफ है, लेकिन वेस्ट बैंक का जो इलाका है, जो फिलिस्तीन जो है, आपको बता दें जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक देख रहे हैं, फिलिस्तीन दो इलाकों से मिलकर बनता है, एक वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा। गाजा बिल्कुल छोटा है जहां हमास का दबदबा है, वेस्ट बैंक बड़ा है जहां हमास का प्रभाव कम है। लेकिन वेस्ट बैंक के लोगों से हमारी बातचीत हुई,
वो भी हमास के समर्थन में थे। देखिए आतंकी गतिविधियों को, आतंकी कृत्य को अंजाम दिया। एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बता दे, अभी महज दो दिन पहले यानी परसों हमें 43 मिनट का एक वीडियो दिखाया IDF ने, वो वीडियो जारी नहीं किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दिखाया गया। ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसे ऐसे फुटेज, ऐसे ऐसे ऑडियो उसमें देखने को मिले कि आप एक मानव के लिए या एक इंसान के लिए उसे देखना बहुत ही दर्द भरा था, आपको रोक देता, ऐसा आपको महसूस कराता कि किसी तरह से आप बाहर निकल रहे हैं। ऐसा विभस, ऐसी विभस तस्वीरें उसमें दिखाई गई है। इधर से करम एक बार दिखा दीजिए, ये अस्डोड है, दिस इज अस्डोड, ये अस्डोड सामने में शहर है। अस्डोड हम कई बार जा चुके हैं, न्यूज 18 इंडिया की टीम कई बार अस्डोड की तरफ जा चुकी है, और लेकिन शहर पूरा वीरान मिलता है। किसी भी शहर में चले जाएं, वहां आपको वीरानगी मिलेगी, वहां आपको वीरानगी देखने को मिलेगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं ये अस्डोड का कि कुछ ऊंची इमारतें हैं वो आपको दिख रहे, बीच में आपको एक ट्रेन लाइन भी गुजरती है, ट्रेन की लाइन भी गुजरती है, वो अभी यहां से हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ट्रेन की सुविधा भी यहां अच्छी है, ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वक्त देखिए, अब इधर से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अस्डोड यानी दक्षिण की तरफ हम आ गए हैं, यहां जैसे आगे बढ़ेंगे गाड़ियों की संख्या आपको कम दिखेगी। अभी कुछ दिख रहा है, धीरे 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 गाड़ियों की संख्या कम दिखेगी। जो गाड़ियां दिखेंगी वो डिफेंस स्टाफ की होंगी, रिजर्व डिफेंस के लोगों की होंगी। और न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को एक और खास चीज बता दें, कैसे हमें पता चलता है कि अलर्ट हुआ। एक चीज, जब आप न्यूज 18 इंडिया को लगातार देख रहे, देश के नंबर वन न्यूज चैनल और देश के नंबर वन यूट्यूब चैनल को जब आप देख रहे हैं, तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आखिर कैसे हम अपनी रिपोर्टिंग भी करते हैं और कैसे लोग यहाँ अपने आप को सुरक्षित जगहों पर ले आते हैं। आपको दिखाते हैं कैसे हमें मिसाइल अलर्ट मिलता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में, डेढ़ से दो मिनट में। ये देखिए पहले आपको अस्डोड दिखा दे, अस्डोड दूर से ही पता चल रहा है कि शहर में सन्नाटा है, दूर से ही पता चल जाएगा कि आपको शहर में सन्नाटा है। यहां से महज कुछ दूरी पे एस्केलोन है, जहां करीब हजार की संख्या में अब तक मिसाइल दागे गए होंगे। उस शहर को भी खाली कर दिया गया है, बहुत होटल खाली कराए गए हैं और एस्केलोन में कुछ हिस्से को खाली कराया गया है। अगर लोग घरों में भी हैं तो घर के अंदर ही रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, गाड़ियों से निकलते हैं और दूसरे शहर की तरफ चले जाते हैं। तो अब आपको दिखा, ये रेलवे लाइन आप देख सकते हैं, तेल अवीव से ये रेलवे लाइन आती है, ट्रेन लाइन आती है, जो हमारे दाई तरफ आपको दिख रहा है, राइट हैंड साइड हमारे। अब आपको दिखाते हैं, ये हम बार बार कह रहे कि आखिर लोगों को कैसे पता चलता है कि हमास ने कोई हमला किया, मिसाइल दागा है शहरों पे। ये देखिए, इस तरह के कई ऐप होते हैं हमारे पास, जो ऐप है जोफार, TZOFAR, ये जोफार ऐप है, इसको हमने डाउनलोड किया है, इसको डाउनलोड किया, और डाउनलोड करके ओपन सेटिंग्स में जब आप सेटिंग ओपन करते हैं, तो हमने जितने भी शहर हैं इसराइल में, आपको दोबारा से खोलते हैं, ये जितने भी शहर इसमें जो नाम दिख रहे हैं, इसमें तेल अवीव यहां दिख रहा है, देखिए अगर दिख रहा होगा तेल अवीव सिटी, कल शाम को 6 बजे तेल अवीव सिटी पे हमला किया गया था, एक साथ कई रॉकेट दागे गए थे। तो जब हमला होता है तो एक सेंसर होता है, सेंसर उसको कैच करता है, और जिस शहर पे हमला होता है वहां का सेंसर, उस सेंसर से ये ऐप लिंक है जोफार। अब देखिए, जैसे ये गाजा इनवेलप, आज रात को अभी तक आपको बता दे, कोई भी मिसाइल अभी तक सुबह से 10:11 हो रहे हैं, एक रात में मिसाइल छोड़ा गया था 2:51 में, भारत के समय के मुताबिक 3:21 पे, भारत के समय के मुताबिक 5:21 पे, और यहां के समय के मुताबिक बीती रात 2:51 पे। आज अगर बात करें सुबह से, ये बेरी में छोड़ा गया था, तो कैसे पता चलता है? मान लीजिए बेरी में कोई छोड़ा जाता है मिसाइल, तो अलर्ट आ जाता है तुरंत, और हम खुद अलर्ट आता है तो आवाज आती है इसमें, और इसको हम खोल के देखते हैं ओपन करके, तो बेरी, अगर हम बेरी में हैं
तो हम अपने आप को तुरंत शेल्टर ले लेंगे। अगर हम बेरी पे छोड़ा गया और तेल अवीव में है तो शेल्टर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेरी में आपके पास टाइम कम होता है। आपने अगर इसके ऊपर देख रही है गाजा इनवेलप लिखा हुआ है, गाजा इनवेलप से मतलब यह है कि जो गाजा से 7 किलोमीटर के दायरे में जो शहर है, जो गांव है, जो छोटे कस्बे हैं, जो छोटे किबुज हैं, वो उनको उनको इंगित करता है गाजा इनवेलप। पूरे गाजा बॉर्डर से, इजराइल गाजा बॉर्डर पे जो 7 किलोमीटर का दायरा है उसको ये दर्शाता है, जहां 70,000 यहूदी रहते हैं। कुल 1 करोड़ की आबादी है यहां इजराइल की, उसमें 70,000 इस गाजा इनवेलप में रहते हैं। तो हम जो हमारी तैनाती आमतौर पर डे टू डे होती है इसी गाजा इनवेलप में, तो और अगर हम हमारे जैसे तेल अवीव में है, रात कल हम तेल अवीव में थे, शाम को जब तेल अवीव में हमला हुआ तो हमने तुरंत शेल्टर ले लिया क्योंकि तेल अवीव का अलर्ट था, और उसके बाद तमाम रॉकेट को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया। तो इस तरह से किया जाता। अब दक्षिण के बहुत नजदीक आ गए हैं, ये देखिए झंडे आपको और बढ़ते जा रहे हैं दक्षिण की तरफ। झंडे कई इलाकों में बहुत ज्यादा होते हैं और जैसे जैसे इलाके बढ़ते, आपने देखा होगा ये हाईवे है इसलिए आपको कहीं भी पुलिस के लोग बहुत कम दिखेंगे। बीच बीच में एक दो जगह हमें देखने को मिले, इसके अलावा पुलिस आर्मी के लोग कम देखने को मिले, लेकिन जो गाड़ियां जो जा रही हैं इधर दक्षिण की तरफ उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आर्मी में अपनी सेवा देने जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करने जाते हैं। ये येलो बैकग्राउंड पे यहाँ का नंबर होता है। कुछ टैक्सीज होती है, प्राइवेट कार्स भी होते हैं जो हमें दिखता है, वो जैसे इंडिया में आपने देखा होगा टैक्सी और कमर्शियल गाड़ियां और जो प्राइवेट गाड़ियां होती हैं उनके नंबर्स के प्लेट अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ टैक्सी हो या प्राइवेट कार हो, ये प्राइवेट कार है, ये सामने में टैक्सी है, उनके नंबर प्लेट का जो बैकग्राउंड है वो येलो में होता है और ब्लैक से लिखा होता है। यहाँ कोई फर्क नहीं होता, जैसे हिंदुस्तान में हमने देखा वहां नंबर प्लेट में फर्क होता है। ये देखिए यहाँ, ये देखिए एक चेक पोस्ट है, और करम उधर से दिखाओ, चेक पोस्ट के बगल में एक आपको शेल्टर दिख रहा है, ये शेल्टर है, ये जो करम आपको दिखाने, ये शेल्टर है, ये शेल्टर, अगर कोई भी मिसाइल से हमला होता है तो वहां आपको अलर्ट किया जाएगा। ये गाड़ियां इसमें ज्यादा से ज्यादा, देखिए आर्मी के लोग भी बहुत बैठे आपको दिखने को मिलेंगे जो अपनी सेवाएं देकर आ रहे हैं। ये आम लोग सड़कों पे घूमने नहीं निकले, घूमने वाला देश है, मस्ती करता है ये देश, लेकिन घूमने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। ये एस्केलोन, नो एस्केलोन, अब आगे हम एस्केलोन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें जाना है नेटिवोट, नेटिवोट की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं लगातार, नेटिवोट, नेटिवोट हम लोग, एस्केलोन भी आपको दिखेगा, नेटिवोट भी हमको जाना है। नेटिवोट हमारा आज का फोकस एरिया है, नेटिवोट के बाद हम आगे का रास्ता तय करेंगे जहां हमें जाना है। एक महत्वपूर्ण प्लेस पे जाएंगे यहां, जहां से गाजा दिखता है हमें बताया गया है, वहां अब तक हम नहीं जा चुके हैं, जा पाए हैं। कई मीडिया के लोग पहुंच गए थे क्योंकि हमने अपना फोकस एसडेरोट पे शुरू में रखा, लेबनान बॉर्डर पे रखा, लेकिन उस गांव में हम नहीं जा पाए हैं। आज जाने की कोशिश करेंगे, पिछले 5 दिनों से हमारी तमाम कोशिशें वहां जाने की नाकामयाब रही हैं क्योंकि वहां शेलिंग होती है, लगातार रॉकेट से हमले किए जाते हैं हमास की तरफ से। और देखिए अब हम लोग और नजदीक की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जितनी गाड़ियां आप देख रहे हैं या तो इमरजेंसी बसें चल रही हैं, आपको बता दें जो सार्वजनिक बसें हैं, ट्रेन है वो चल रही है, लेकिन उन बसों और ट्रेन में लोगों की संख्या और तादाद बहुत कम होती है। और दक्षिणी हिस्से में जब आते हैं, क्योंकि इन सड़कों पे बहुत गाड़ियां, जेरूसलम की तरफ भी रास्ता यहां से निकलेगा, हर तरफ निकलता है, तो यहां गाड़ियां हाईवे पे हैं तो दिख जाती हैं, लेकिन जब आप शहरों में घुसेंगे तो सन्नाटा मिलेगा। जब आप घरों की तरफ देखेंगे तो खिड़कियां और दरवाजे बंद मिलेंगे आपको देखने को बहुत। ये देखिए कितने झंडे हैं हर तरफ, इस तरह से झंडे आपको, सिर्फ झंडा झंडा झंडा, इजराइल का झंडा आपको स्टार बना हुआ ब्लैक और माफ कीजिएगा ब्लू और व्हाइट बैकग्राउंड पे, और हर चेक पॉइंट पे एंट्री होती है। रेड लाइट अगर जल गया तो रेड लाइट के प्रोटोकॉल का यहाँ बहुत पालन होता है, कोई भी हो, प्राइवेट हो या टैक्सी वाले हो, वो बहुत करते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि ट्रैफिक रूल्स का। कई बार लाइव के दौरान हम हाईवे पर रुकने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें मना किया जाता है। ये हम इजराइल के दक्षिणी हिस्से की तरफ पहुंच गए और यहां से देखिए सीधे अगर लॉन्ग ऐसे, हालांकि कैमरे में धुंध जैसा नजर आ रहा है वो दिखेगा नहीं, यहां से दूर जो इलाका नजर आ रहा है, दूर कोशिश करेंगे, लॉन्ग जो आपको दिख रहा है वही समझ लीजिए गाजा और इजराइल की सीमा को रेखांकित करते हैं। यहां से दूर अभी हम जैसे जैसे नजदीक पहुंचेंगे यहां से एस्केलोन दिखने लगा,
दिस इज एस्केलोन मोसे, ये एस्केलोन देखिए, यहां से एस्केलोन दिखने लगा, यहां से एस्केलोन आपको दिख रहा है। एस्केलोन भूमध्य सागर के दूसरी तरफ, ये शहर के बगल में भूमध्य सागर है, 10 किलोमीटर के दायरे में एस्केलोन है, गाजा के बॉर्डर से, गाजा के उत्तरी बॉर्डर से 10 किलोमीटर के दायरे में है एस्केलोन। से जैसे आप तेल अवीव की बढ़े, तेल अवीव की तरफ बढ़ेंगे तो अशडोड आएगा, अशडोड के बाद फिर थोड़ी किलोमीटर के बाद आपको तेल अवीव आएगा। तो ये एस्केलोन दिख रहा है, अभी दूर है यहां से, लेकिन एस्केलोन के कुछ खास हिस्से को बोला गया है, पूरे शहर को बोला गया है कि आप घरों में रहिए, खाने पीने की व्यवस्था करके आप अपने शेल्टर में रहिए, हमास के आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट कर सकते हो, क्योंकि नजदीक का शहर है एस्केलोन। से हम लगातार आपको रिपोर्ट बताते रहे शुरुआती दिनों में, खासकर हमारे साथ भी एक घटना जो घटी थी कि हम गाड़ी में थे पहले दिन, और उसी दिन हमारे ऊपर 8-10 रॉकेट ऊपर आ जाते हैं, हालांकि आयरन डोम ने ज्यादातर को इंटरसेप्ट किया। और ये ट्रेन देखिए, यहाँ की ट्रेन कैसी होती है, ये ट्रेन, ट्रेन के अंदर लोग बहुत कम है, कैमरे पे के लेंस से उन्हें पकड़ना है आपको, लेकिन हम बता रहे हैं ट्रेन में जो हमें दिख रहा है वो बहुत कम लोग है, मिनिमम संख्या है, लेकिन ट्रेन चल रही है, ट्रेन रुकी हुई नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति है लेकिन ट्रेन नहीं रुकी है, सार्वजनिक बसें चलती हैं। खासकर तेल अवीव में थोड़ा सा माहौल ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं वहां सन्नाटा आपको देखने को मिलेगा। लगातार कोशिश हो रही है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि सही वक्त पे वो हमला करेंगे, गाजा के अंदर आक्रमण करेंगे, घुस के मारेंगे। और आपको एक और जानकारी देते, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को, स्ट्राइकर जो कि अमेरिका का एक आर्मरी व्हीकल है जो बहुत हाई प्रोफाइल माना जाता, हमने उसकी भी तस्वीरें हमें देखने को मिली इजराइल गाजा बॉर्डर पे। और स्ट्राइकर में 8 बड़े बड़े चक्के होते हैं और उसमें आर्मरी व्हीकल होता है जिसमें सेना के जवान तैनात रहते हैं। तो अमेरिका ने भेजा इजराइल की मदद के लिए, और भी बहुत सारे सामान भेजे हैं युद्ध से जुड़े हुए जिनका इस्तेमाल युद्ध में होता है। और आपने देखा होगा कैसे जो बाइडन 7 अक्टूबर के बाद तुरंत ही यहां पहुंच गए थे, महज कुछ दिनों के बाद, और लगातार दूसरे नेटो देशों के मुखिया या यूरोपियन देशों के प्रमुख लगातार घूम रुख कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल इजराइल के अंदर चिंता की एक बात यह भी है कि रूस का रुख किधर होता है, हमास का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है रूस में, वहां ईरान के उप विदेश मंत्री भी पहुंचे हैं वहां, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, हम आपको बता रहे थे कि वहां प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। लेकिन इजराइल इकलौता विकसित देश है जिसने यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन का साथ नहीं दिया और न ही रूस का, अपना संतुलित बैलेंस बनाए रखा, न तो हथियारों से मदद की यूक्रेन की और न ही पश्चिमी देशों ने जो सैंक्शन लगाए थे रूस पर उसका भी समर्थन किया। तो इजराइल की नजर रूस पे भी है कि रूस का रुख क्या होता है। और अब देखिए एस्केलोन के बगल से गुजर रहे हैं और यहां सन्नाटा और भी वीरान होता जाएगा, जो सन्नाटा हमें दिख रहा है उसकी वीरानगी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे हम बॉर्डर पे पहुंचेंगे वहां सिर्फ हम और आर्मी के लोग दिखेंगे। एस्केलोन हमारे बगल में है और आपको बता दें कि पिछले 19 दिनों में हमने इसराइल को पूरा का पूरा घूमने की कोशिश की, उत्तर से लेकर दक्षिण के बारे में आपको बताया है, तीनों फ्रंट के बारे में बताया है, गाजा फ्रंट जो कि इसराइल बॉर्डर से लगता है, लेबनान फ्रंट जो कि दूसरा फ्रंट है वहां हम गए, तीसरा फ्रंट वहां भी गए जो कि इसराइल और फिलिस्तीन की सीमा है यानी वेस्ट बैंक की सीमा है, वहां भी हम पहुंचे। और ये एस्केलोन की तरफ जाता है ये रास्ता, आपको बता दे। अब हम अपने इस वीडियो को यहाँ खत्म करने की कोशिश करेंगे, एस्केलोन की तरफ जाता है लेकिन हमारा रास्ता दूसरा है, आज नेटिवोट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेटिवोट भी एक नजदीक का शहर है, वहां भी लगातार मिसाइल के हमले होते रहते हैं। और ये हम अब बढ़ रहे हैं, इसमें ज्यादातर लोग आपको बता दिए आम पब्लिक कोई घूमने नहीं आई है, इसमें ज्यादातर लोग ऐसे लोग हैं जो सिविल आर्मी कह सकते हैं, रिजर्व फोर्स के लोगों को कह सकते, उनके लोगों की संख्या इसमें ज्यादा है। तो इसराइल और गाजा के बॉर्डर से फिलहाल इतना ही, न्यूज 18 इंडिया। आप 19 दिनों से लगातार आपको इसराइल के हर कोने से
खबर दिखा रहा है न्यूज 18 इंडिया। हम नीरज कुमार और हमारे कैमरा पर्सन, अगर आप हमें देख रहे हैं तो वो हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह की वजह से। और इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं इसराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव से। जो राजधानी मुख्य तौर पे है प्रशासनिक वो तो जेरूसलम है, लेकिन इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं तेल अवीव से, और तेल अवीव से हम लोग जा रहे हैं दक्षिण गाजा की तरफ, यानी उत्तर दक्षिण गाजा की तरफ जा रहे हैं, यानी इसराइल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां गाजा है, एक छोटा सा कोना है कह सकते हैं इसराइल के कोने पर। लेकिन गाजा की तरफ से हमास ने जो किया है वो हम आपको बताएंगे भी, लेकिन इस वक्त आपको दिखा रहे तेल अवीव। तेल अवीव कभी कभी हमारे देश के मुंबई जैसा लगता है, मुंबई भी भारत की आर्थिक राजधानी है और तेल अवीव भी इसराइल की राजधानी है। और हमें तो किसी ने बताया कि क्योंकि दोनों शहरों में एक रूपता इसलिए दिखती है क्योंकि एक ही इंजीनियर ने मुंबई और इसराइल के जो तेल अवीव को बनाया है वो एक ही इंजीनियर ने बनाया है, कुछ एक ही इंजीनियर की टीम के लोगों ने दोनों शहरों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और एक और रिश्ता है, भारत के कई शहरों से रिश्ता है, मुंबई के ज्यूज बहुत बड़ी संख्या में आपको इसराइल में मिलेंगे, हमें बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं, 1 लाख के करीब उनकी संख्या है टोटल ज्यूज की जो भारत से आए थे। और इधर करम आप इधर भी दिखा दे, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर ही गाजा इसराइल लेबनान को जोड़ता है तटों पे। अगर आप यही भूमध्य सागर के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो यहां से करीब 70 किलोमीटर के बाद गाजा आ जाएगा। और कुछ खबरें जो आपने देखे कि आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं इसी भूमध्य सागर के जरिए करते हैं, जो आपको हमारे दाईं तरफ दिख रहा है, यहीं से आतंकवादी कोशिश करते हैं, यहां से नहीं बल्कि गाजा और इसराइल के बॉर्डर पे जो कि दक्षिणी हिस्सा है। अब हम आपको बताते हैं, आज हमारे पास मैप भी है और कैमरा पर्सन करम से कहेंगे, इसराइल का पूरा मैप है, लेकिन हम सिर्फ आपको उस हिस्से पे बताते हैं इस वक्त हम लोग कहां हैं। इस वक्त हम लोग देखिए यहां है तेल अवीव, ये तेल अवीव है, सेंट्रल इसराइल कह सकते हैं, भूमध्य सागर के बीच में है। हम लोग यहीं पे मौजूद है, हमारी गाड़ी एक ट्रैफिक पे इस वक्त खड़ी है। पिछले 19 दिनों का हाल या 21 दिनों का हाल हम बताए, यहां से हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, इस रास्ते से देखिए, इसी रास्ते से इधर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, यहां से तेल अवीव से निकले, इधर 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 इस तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। ये दक्षिण का इलाका है और यहां से शुरू हो जाता है गाजा, ये पूरा बहुत छोटा सा हिस्सा है गाजा। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जिसका जिला गाजा से छोटा हो, केंद्र शासित प्रदेशों के जो जिले हैं वो गाजा से छोटे जरूर हैं, जैसे माहे हो गया, दिल्ली के ज्यादातर जिले गाजा से छोटे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के जिले गाजा से बड़े हैं। 385 स्क्वायर किलोमीटर महज इसका क्षेत्रफल है, लेकिन आबादी 23 लाख के करीब है, बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। ये बॉर्डर है यहां से लेके, देखिए यहां से लेके यहां तक हम इस वक्त गुजर रहे हैं तेल अवीव से, लेकिन आपको बता दें कि हम जा किधर रहे, हम यहां आज जा रहे हैं, तेल अवीव यहां है और यहां से इस रास्ते होते हुए ऐसे ऐसे ये नेटिवोट है, हम एक गाजा के गांव की तरफ बढ़ेंगे, ये नेटिवोट है, माफ कीजिएगा, इसराइल के गांव की तरफ जो गाजा के बॉर्डर पे, यहां हमें बुलाया गया है और यहां से फिर हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे, गाजा की सीमा के करीब बढ़ेंगे। और आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बता दें, आपने तमाम खबरें हमारे साथ देखी है, न्यूज 18 इंडिया के साथ देखी है, न्यूज 18 इंडिया आपको लगातार बताता रहा है कि कैसे हमला हुआ। फाराजा, ये फाराजा है, अगर कैमरे पे दिख रहा हो करम आपको दिखा पा रहे हो तो, बेरी, ये बेरी और इसके आसपास रेम, ये तीनों एरिया एपी सेंटर था, बहुत यहां से करीब है, महज 800 मीटर से 1-2 किलोमीटर की दूरी होती है। लेकिन इस बीच आपको तेल अवीव दिखा देते हैं, तेल अवीव में कुछ कुछ गाड़ियां आपको दिख जाएंगी क्योंकि ये इसराइल के सुरक्षित शहरों में से जाना जा रहा है। दक्षिण का जो शहर है एश्केलोन, अशडोड, वो बहुत संकट के शहर है, वहां खतरा ज्यादा है। जेरूसलम इसराइल के पश्चिम में है, वहां भी खतरा कम है, लेकिन वेस्ट बैंक क्योंकि नजदीक है तो वो तीसरा फ्रंट कभी भी हो सकता है। तो अब यहां से हम लोग बढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं तेल अवीव, आज फ्राइडे का दिन होता है और फ्राइडे हाफ डे होता है, यहाँ फ्राइडे और सैटरडे शब्बात होता है ज्यूज के अपने उनके समुदाय में, तो शनिवार को कोई काम नहीं करता, हमें ड्राइवर भी नहीं मिलते ज्यूज समुदाय के, कोई बहुत मुश्किल से कई बार मिलता है। और दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव देश भी है और ये शहर भी है, आपको बता दें, ये देख सकते हैं सन्नाटा पूरा पसरा हुआ है इस वक्त।
और 19 दिनों में क्या कुछ हुआ एक बार आपको वो भी बता दे। तेल अवीव में कई रॉकेट दागे गए, आज से महज 2 दिन पहले शाम को 5 बजे एक के बाद एक 100 रॉकेट तेल अवीव और उसके आसपास जो बेन गुरियों एयरपोर्ट है तेल अवीव से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर इन इलाकों में दागे गए। कुछ गिरे, ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया। हम हाईवे पे थोड़ी देर में पहुंचेंगे और आपको बताएंगे ये रास्ता जो है गाजा की तरफ जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया आपको गाजा की तरफ ले जा रही है और गाजा के बारे में हमने आपको मैप में समझाया। दरअसल इजराइल ने कई फ्रंट खोल रखा है। एक दूसरा फ्रंट आपको दिखा दे, गाजा की तरफ बढ़ रहे लेकिन उस फ्रंट के बारे में भी बता दे। ये देखिए, ये पहला फ्रंट दक्षिण का जो गाजा करम सिंह ने आपको दिखाया कैमरे पे, ये दूसरा फ्रंट है, ये दूसरा फ्रंट है लेबनान, ये दूसरा फ्रंट है सीरिया के, ईरान के कुछ ईरान के मिलिशिया पे आज अमेरिका ने हमला किया, वो सीरिया इधर है, सीरिया के कैंप पे हमला किया। ये जॉर्डन है, लेबनान सीरिया इधर है जो कि इस मैप पे नहीं दिख रहा, ये सीरिया समझ सके, जॉर्डन और नीचे यहां इस तरफ नीचे जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे मिस्र, ये मिस्र है इजिप्ट जो कि इस मैप में पूरा नहीं है, और ये गाजा है। वेस्ट बैंक के बारे में जो आप लोग बात सुनते हैं वेस्ट बैंक, क्योंकि गाजा और वेस्ट बैंक को मिलाकर फिलिस्तीन बनता है लेकिन दोनों के बीच में दूरी, आपको हिंदुस्तान के तरीके से समझाते हैं, जब पाकिस्तान एकजुट था यानी बांग्लादेश और 1971 से पहले पाकिस्तान एक था, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो एक को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, एक को पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से भी हम लोग जानते थे, तो पश्चिमी जो हिस्सा है वो कह सकते एक हिस्सा एक तरफ है और पूर्वी हिस्सा एक तरफ है, तो ये है वेस्ट बैंक और गाजा। तो ये आपको मैप के जरिए समझा दिया, अब आपको चलते हैं 19 दिन के बारे में बताते हैं। दरअसल ये रास्ता हम बढ़ रहे हैं गाजा की तरफ, थोड़ी देर बाद महज आधे पौन घंटे के बाद हम गाजा की तरफ पहुंच जाएंगे, उसके बॉर्डर पे पहुंचेंगे। आज हमारा मकसद है कि ये कैसे गांव तक पहुंचे जो सबसे करीब है। पिछले 20 दिनों में हम वहां इसलिए नहीं जा सके, कभी लेबनान बॉर्डर, कभी बेरी, कभी रेम, कभी एसडेरोट, तमाम जगह की खबरें आप तक ला रहे थे हम और करम सिंह, लेकिन ये रास्ता देखिए, ये जो गाड़ियां दिख रहे हैं, आपको एक और चीज बता दें, हमारे एंकर ने हमसे पूछा कि सड़कों पे गाड़ियां बहुत दिखती हैं, इन गाड़ियों में हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे हों जो रिजर्व ड्यूटी के लोग हों, जो रिजर्व ड्यूटी में जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा गुरुद्वारे में लंगर के लिए जो बहुत युवा आते हैं, आधे एक दो घंटे अपनी सेवा देते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह से रिजर्व फोर्स के लोग, हर घर से कोई ना कोई जवान है यहाँ जो इस वक्त में युद्ध की घोषणा हो चुके, वो 8 घंटे के लिए या कुछ घंटे के लिए जाएगा, वो अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर देगा, अपनी ट्रेनिंग लेगा और उसके बाद वो आ जाएगा, सेना में जाके अपनी सेवाएं देगा, उसके बाद आ जाएगा। यानी देश की सेवा का जज्बा पूरे दुनिया के किसी देश में इजराइल जैसा नहीं हो सकता जैसा कि दिख रहा है, और हमेशा ऐसा नहीं कि बाकी लाइफ रुक जाता, अभी लॉकडाउन की स्थिति है। ये देखिए, ये सब ज्यादा अभी आपको टेक होम की जो फैसिलिटी है, जो सुविधाएं देते हैं, वो ज्यादा हमको सड़कों पे कई बार नजर आते हैं, ट्रैफिक नियम का पालन यहाँ खूब होता है। लेकिन अब आपको बताते हैं क्या हुआ है पिछले 19 दिनों में, जब हम पहली बार यहाँ पहुंचे 9 तारीख को 10 से 11 बजे के बीच में जब हमारी लैंडिंग हुई थी, तो यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर बेन गुरियों एयरपोर्ट है जो कि तेल अवीव से नजदीक है, वहीं पे सायरन की आवाज आती है और सारे यात्रियों को छुपा दिया जाता है एक शेल्टर के अंदर, और वहीं से हम अपनी पहली रिपोर्टिंग करते हैं यहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर, जबकि तेल अवीव सबसे सुरक्षित है और गाजा के करीब के शहर सबसे ज्यादा खतरनाक इलाके माने जाते हैं सुरक्षा के दृष्टि से। सबको ये आप लोग कहेगा जो भी इसराइल में आपको मिलेगा, बावजूद इसके कि वो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे, वो जब भी आपको मिलेंगे तो जरूर कहेंगे बी सेफ। तो यहां से हम लोग बढ़ चुके हैं गाजा की तरफ, आपको तस्वीरें दिखा रहे करम सिंह, करम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, भीड़ रहती है जैसे मुंबई शहर चलता है उसी तरह से ये शहर चलता है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं आज एक तो शुक्रवार की वजह से बहुत कम गाड़ियां हैं, लॉकडाउन की वजह से पहले से ही सड़कों पे कम गाड़ियां हैं, शुक्रवार हाफ दिन के बाद आज हमारे जो पायलट है वो भी, उन्होंने भी कहा कि उन्हें घर जल्दी जाना है, हमारे साथ में मौजूद है। ये देखिए सारी दुकानें आपको बंद होंगी, हम पहले भी इस तरह की रिपोर्ट आपको दिखा चुके हैं, लेकिन गाजा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसराइल गाजा बॉर्डर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और दक्षिणी गाजा के बॉर्डर की तरफ भी कल हम थे। होली तक किबूज है, किबूज यानी गांव, छोटा समुदाय जहां 85 लोग रहते थे, उन्हें
भून दिया गया, ग्रेनेड से उड़ा दिया गया, 14 लोगों की जान ले ली गई और हर तरफ आपको इजराइल का झंडा दिखेगा। करम ऊपर के इजराइल के झंडे को दिखाई यहां से, ये इजराइल के झंडे आपको जो दिख रहे हैं स्टार जैसे ब्लू और व्हाइट के बैकग्राउंड पे, ये आपको सिर्फ शहर में नहीं हर जगह दिखेगा जहां भी इजराइल का कब्जा है। चाहे वेस्ट बैंक की तरफ हम गए थे, वेस्ट बैंक के साइड में गए थे और वहां के बॉर्डर पे देखे, वेस्ट बैंक और इजराइल के बॉर्डर पे वहां इस तरह के इजरायली झंडे आपको देखने को मिल रहे थे। चाहे आप गाजा और मिस्र के ट्राइजंक्शन पे जाते, इजराइल के ट्राइजंक्शन पे जाते, वहां देखने को मिल रहा था। लेबनान बॉर्डर पे जब हम गए, इजराइल लेबनान बॉर्डर पे, वहां ये देखने को मिला। मेतुला जो कि सबसे उत्तर का गांव है, वहां जब पहुंचे तो वहां इस तरह के झंडे आपको देखने को मिलेंगे। तो इजराइल इस वक्त पूरे युद्ध की स्थिति में है। हम कह सकते हैं कि तेल अवीव क्योंकि सेंट्रल में है, हमास कोशिश करता है कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए लेकिन कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि आयरन डोम उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद है उन मिसाइलों से। और क्योंकि जब गाजा से 70 किलोमीटर की दूरी पर, तो मिसाइल के पहुंचने में करीब करीब 1 मिनट का वक्त लगता है, तो आयरन डोम का भी रिस्पॉन्स टाइम होता है 1 मिनट का होता है, यानी वक्त ज्यादा मिलता है। अगर एस्केलॉन जो कि बिल्कुल 10 किलोमीटर की दूरी पे है गाजा की सीमा से, अगर एस्केलॉन पे मिसाइल मारा जाता है तो 30 सेकंड का वक्त मिलता है आयरन डोम को महज। और लोगों को अपने आप को छुपाने